हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो अप्रैल मंथ के पूरे करंट अफेयर्स हैं, लगभग 200 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रारूपों में दिए गए हैं, और आप लोग क्या करना कि एक एक क्वेश्चन को पहले देखना और उसके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नोट को साथ में नोट करते रहना, जिससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल जाएंगे और वो क्वेश्चन जो है आपके पास नोट भी हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसमें से जो क्रीमी पॉइंट हो, वन लाइनर, आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो करंट अफेयर्स हैं ये सारे वीक हैं, मतलब जैसे अप्रैल में जो सारे वीक कंप्लीटेड हैं वो यहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं, जो भी 1, 2, 3, 4। ओके, तो चलिए हम लोग यहां पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि विच इंडियन टेलीकॉम प्रोवाइडर गेट्स लाइसेंस फॉर वाईफाई ऑन फ्लाइट्स, मतलब कि वो भारत की कौन सी दूर संचार सेवा कंपनी है जिसको अभी हाल ही में एक लाइसेंस दिया गया है फ्लाइट्स में वाईफाई के लिए। ओके, तो ये दिया गया है बीएसएनएल के लिए। वैसे तो बीएसएनएल काफी संकट से जूझ रहा है सैलरी के रिगार्डिंग, लेकिन अभी एक अच्छी खबर है, तो ये स्टैंड ऑन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जिसको हम कहते हैं भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, बीएसएनएल। ओके, तो इसको अभी लाइसेंस कहाँ से मिला, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस से, जिसमें ये इंटरनेट जो है प्रोवाइड करेगा और मोबाइल सर्विसेज फ्लाइट्स में। ओके, और बीएसएनएल की अगर बात की जाए तो इसके सीईओ कौन है, श्री अनुपम श्रीवास्तवा। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना, ये होता है VSNL, ठीक है, ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग नीचे बताएं। BSNL तो आप सभी को पता है कि भारत संचार निगम लिमिटेड, लेकिन ये VSNL, V for Big Tree, ये क्या होता है, ठीक है। तो नीचे आप लोग कमेंट में अगर आप जानते हैं तो जरूर रिप्लाई करें, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल नीचे कमेंट में ही दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि अभी हाल ही में VSE और इंडिया INX, ठीक है, इन्होंने ये भारत के जो है पहले इंडियन एक्सचेंजेस बन गए, जिन्होंने अभी एक MOU साइन किया है, कौन से स्टॉक एक्सचेंज के साथ में, ये पूछा गया है। तो अभी मॉस्को के साथ में, मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज के साथ में अभी इन्होंने एक MOU साइन किया है BSE और इंडिया INX। BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लें, बॉम्बे स्टॉक और एक्सचेंज, ठीक है। तो ये MOU पूछा आता है कौन कौन सा हुआ है, ठीक है, किसके साथ साइन हुआ है, तो मॉस्को एक्सचेंज, ठीक है, तो ये भी नोट कर लें, ये रशिया का है और जो है रशिया की करेंसी ये है रवल, और हेडक्वार्टर जो है ये इसका मॉस्को का कहाँ पर है, ये रशिया में, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO की बात अगर की जाए तो ये है आशीष कुमार चौहान, ठीक है। आप लोग मुझे बताएं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो फाउंडिंग डेट है वो क्या है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये नीचे आप कमेंट में रिप्लाई करें, ताकि ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए जरूर यहाँ पर दूंगा, ताकि आप लोग भी थोड़ी रिसर्च करके आए, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा यहां पर। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन अब बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि हु हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान फॉर द ईयर 2018, मतलब कि 2018 के लिए महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान जो है ये राष्ट्रपति पुरस्कार के द्वारा जो होता है, ठीक है, तो अभी ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड है और इससे किसको सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनका नाम है ज्ञानदित्य शाक्य, ठीक है, इनको ये दिया गया है, और ये जो हमारे यहाँ के 22 प्रेसिडेंट हैं श्री एम वेंकैया नायडू, इन्होंने ये दिया। ओके, तो ये चीज़ आप यहां पर नोट कर सकते हैं। ओके, और दिल्ली में ये पूरा फंक्शन हुआ, दिल्ली में दिया गया, ही वाज कन्फर्ड द अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आपसे पूछा जाए कि किस लैंग्वेज के फील्ड में इनको ये दिया गया, ठीक है, तो पाली लैंग्वेज पर इन्होंने काफी काम किया, ठीक है, तो इस में इनका जो इमेंस आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उसकी कारण इनको ये चीज दी गई, ठीक है, तो ये चीज भी आप यहाँ पर साथ में नोट करते चलें। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेंगे, नंबर 4, जिसमें कहा गया है इंडिया इंक्स MOU टू सेटअप एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, मतलब ये कहा जाए कि भारत ने अभी एक समझौता किया जिसके द्वारा कृषि ग्रामीण विकास संस्थान जो है इसको किस देश में स्थापित किया जा रहा है, इसके लिए अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये हो रहा है मालावी में, ठीक है, तो मालावी में जो है एक सेटअप किया जा रहा है एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो अभी भारत ने इसका एक समझौता किया है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये यहाँ पर थोड़े की पॉइंट बता रहा हूँ, इंडिया का एक MOU हुआ है किसके साथ में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NABCONS, इसकी फुल फॉर्म पूछ लो,
क्योंकि पूछे जा सकती है इसलिए नोट कर लो, ठीक है। तो ये इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट IARD, इनके बीच में एक समझौता हुआ है साथ में और मालावी में, जिसमें ये जो है एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है इसको सेटअप किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये न्यूज़ यहाँ पर इस फॉर्मेट में आ रही है। और ये जो मालावी है ये ईस्ट अफ्रीका जो है वहाँ की कंट्री है। तो पूछा जा सकता है इसकी कैपिटल आप लोग नोट कर लें, करेंसी नोट कर लें, प्रेसिडेंट नोट कर लें, ये दो तीन चीज़ें जो हाईलाइटेड होती हैं इनसे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर हमने आपको दिखाई है। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं जिसमें कहा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ ILNFS, ठीक है। देखो ILNFS का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो इसके MD के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो ये है CS राजन, ठीक है। तो ये डायरेक्टली नोट कर लें, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपका आ जाता है कि CS राजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD, जबकि विनीत नैयर को एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बनाया गया है। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लें। और ये जो ILNFS है बहुत बड़ी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसको फाउंड किया गया था 1987 में, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। ओके, यहां पर एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें कहा गया है कि विच कंपनी रिसीव्स सेबी अप्रूवल टू स्टार्ट द स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। मतलब ये कहा जाए कि अभी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा अभी अप्रूवल दिया गया है किस कंपनी को, जिससे कि वो स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज जो है उनको चालू कर सके, ठीक है। तो इसकी मंजूरी सेबी ने भी दी है। ओके, तो ये कौन सी कंपनी है जिसको ये मंजूरी दी गई है, तो पेटीएम मनी को ये दिया गया है। अब पेटीएम पर आप स्टॉक और ये जो सर्विसेज हैं ये भी आप देख सकते हैं। ओके, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, इसके द्वारा ये पेटीएम मनी को अप्रूवल दिया गया, ठीक है, जिसमें ये इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश कर सके। और अगर पेटीएम की बात की जाए तो पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा में और इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। ओके, तो आप अभी ये बताओ कि जो करंट सेबी के चेयरमैन है वो कौन है, नीचे कमेंट में रिप्लाई करो कि करंट सेबी चेयरमैन कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे हम पूछेंगे, तो इससे आपका भी थोड़ा लिंक बनेगा, आपको पता लगेगा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आते भी हैं। ओके, चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं। मेरी जो स्पीड है वो आपको कैसी लग रही है, अगर आपको स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप लोग जरूर बताना, आगे हम लोग वीडियो में जरूर काम करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कहा गया है कि विच स्टेट रन कंपनी साइन रुपीज 2000 करोड़ टर्म लोन पैक्ट विद कैनरा बैंक। मतलब कि कैनरा बैंक के साथ में अभी कौन सी कंपनी ने 2000 करोड़ का टर्म लोन पैक्ट जो है ये साइन किया है, तो NTPC के साथ में ये साइन हुआ है। डायरेक्टली इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2000 करोड़ का जो लोन पैक्ट है कैनरा बैंक के साथ में वो कौन सी कंपनी ने साइन किया है, ठीक है। तो NTPC ये इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, महारत्न कंपनी, ठीक है, और स्टेट रन पावर जॉइंट नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अभी इसका कैनरा बैंक के साथ में हुआ है इन 2000 करोड़ के लिए, तो ये चीज आप यहां पर नोट कर सकते हैं। ओके, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की कंपनी है, इतनी जानकारी आप सभी के लिए जरूरी भी है। ओके, चलो एक क्वेश्चन मुझे बताओ कि टैगलाइन क्या है कैनरा बैंक की। बहुत अच्छा बैंकिंग के लिए क्वेश्चन है कि कैनरा बैंक की टैगलाइन क्या है, नीचे रिप्लाई जरूर करें। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं जिसमें कहा गया है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको हम कहते हैं VIS, ठीक है, ये भारत का जो भारत मानक ब्यूरो है, एक स्टैंडर्ड है। अभी इसने एक MOU साइन किया है किस IIT के साथ में, विच इंडियन इंस्टीट्यूट टू कोलेबरेट इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कन्फर्मिटी असेसमेंट। मतलब ये कहा जाए कि अभी भारत मानक ब्यूरो जिसको हम कहते हैं BIS, इसने जो मानकीकरण होता है इस और इसके क्षेत्र में मूल्यांकन करने के लिए जो है किस भारतीय संस्थान के साथ जो है एक MOU साइन किया है, समझौता ज्ञापन। ओके, इसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये किसके साथ में किया है, डायरेक्टली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनेगा, तो ये IIT दिल्ली। ओके, तो आप डायरेक्टली यहां पर नोट कर लें कि IIT दिल्ली जो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान है दिल्ली, तो इसके साथ में ये समझौता ज्ञापन जो है हुआ है। ओके, BIS ये चीज पूछी जाएगी इस फॉर्मेट में, ठीक है, जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लें। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि शिकागो हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय
इलेक्टिंग एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, ठीक है। अभी इनको इलेक्ट किया गया, इनका नाम आपको बताना है। ये मेयर बनी है एज मेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि शिकागो ने पहली बार एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला को मेयर के रूप में चुनकर इतिहास रख दिया गया है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें आपने देखा है ना कि रंग भेद के कारण होती हैं, तो यार इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ऐसे इतिहास ज़रूरी भी है। ओके, किसी भी तरीके की कहीं पर किसी को कास्ट रेसिज्म इन पर जो है ज़्यादा बातें ना आए, ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ें आती हैं। ओके, और यहाँ पर शिकागो ने जो है ऐसा किया है, तो इनका नाम पूछा जाएगा डायरेक्टली इस फॉर्मेट में, तो इनका नाम है ये ऑप्शन नंबर डी, लोरी लिकफुट, ठीक है। तो ये आप लोग डायरेक्टली नोट कर लें, और ये एक बाई प्रोफेशनल एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, तो ये चीज़ जो है आपके लिए पता होनी चाहिए। और अभी अमेरिका में ऐसा हुआ है, ठीक है, इंडो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन है इनको मेयर के रूप में जो है नियुक्त किया गया। एक और प्रश्न यहाँ पर है नंबर 10, जिसमें कहा गया है कि विच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कीप्स इंडियाज रेटिंग अनचेंज्ड एट BBB। मतलब देखो अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत सारी रेटिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा ए रेटिंग्स, तो इसी तरीके से BBB BBB रेटिंग होती है। तो अभी एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत की रेटिंग जो है BBB इसको अनचेंज रखा है। ओके, तो ये किसने किया है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनेगा। तो फिच की रेटिंग आई है उसमें भारत की जो रेटिंग है उसको BBB इस पर ही जो है सेट करके रखा है, अनचेंज्ड है। ओके, तो पहले भी यही थी, अभी भी यही है। ओके, और फिच जो है ये एक अमेरिकन रेटिंग कंपनी है, तो आप इसको भी नोट कर लें। फिच एक्सपेक्ट द ग्रोथ रेट 6.8% इन करंट फिस्कल 2019-20 एंड 7.1 इन द नेक्स्ट फिस्कल, दैट इज 2021, ठीक है। तो ये भी नोट कर लें। और जो फिच रेटिंग्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, और इसके CEO कौन है, पॉल टेलर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, अगला एक क्वेश्चन हो रहा है, यहां पर कहा गया है कि टाटा स्टील विंस ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, तो अभी टाटा ने ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड इसको जीता है। तो अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओके, तो उसमें ये चीजें आई हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस कौन से देश में आयोजित हुई, ओके, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है इस फॉर्मेट में। तो ये अभी जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहां पर ये चीजें आई, ओके, और इसमें टाटा को ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड इसका विजेता जो है बताया गया। ओके, तो टाटा स्टील नेम्ड एज दिस वन, ओके, और ये कब हुआ है, 14th ग्लोबल स्लैग कॉन्फ्रेंस। तो अगर आपसे पूछा है कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, तो ये थी 14th स्लैग कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल स्लैग कॉन्फ्रेंस। ओके, तो इसमें टाटा को, ठीक है, टाटा स्टील को ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये दिया गया। ओके, और कहाँ पर, जर्मनी में। ओके, और अगर टाटा स्टील्स के चेयरमैन की बात की जाए तो यह नटराजन चंद्रशेखरन, ओके, तो ये चेयरमैन है। और जर्मनी की बात करें तो इसकी कैपिटल है बर्लिन, यहाँ पर यूरो करेंसी चलती है, और यहाँ की जो चांसलर है ये एंजेला मार्केल, ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है, फ्रैंक वाल्टर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लें, बहुत ज़्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। एक और प्रश्न यहाँ पर हम लोग लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि इंडियाज GDP टू एसलेट मॉडरेटली, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इन 1925 वर्ल्ड बैंक, मतलब कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की जो GDP है वो 2019-20 में, ठीक है, तो उसमें कितनी एसलेशन हुआ है, बढ़ी है कितनी, ठीक है, तो ये हुई है 7.5%। ओके, तो इस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। ओके, और वर्ल्ड बैंक का ये डेटा दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका मोटो क्या है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, 1945 जुलाई में इसका फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, Washington DC में है। तो ये चीज़ें आप एक एक करके इनके बारे में नोट यहाँ पर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, ये डिफेंस से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है भारत का इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट धनुष हॉर्टजाइजर इंडक्टेड इन विच ऑफ द इन विच डिफेंस फील्ड, मतलब कि भारत के प्रथम स्वदेशी, मतलब देखो इंडिजिनियसली का मतलब होता है जो भारत में चीज बनाई गई हो, ठीक है, तो ये इंडिजिनियसली है, भारत के द्वारा बनाया गया है, और इसका नाम है धनुष हॉर्टजाइजर, इसको बोलते हैं हम लोग तोप, ठीक है, तो धनुष तोप जो है अभी हाल ही में रक्षा बेड़े में इसको शामिल किया गया है। ओके, तो इंडियन आर्मी में इसको अभी शामिल किया गया, तो ये चीज आपसे पूछा गया है। ओके, तो इसको आप लोग नोट यहां पर कर लें।
ठीक है। और अगर इंडियन आर्मी चीफ की बात की जाए तो ये जनरल बिपिन सिंह रावत। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसको कहाँ पर इंडिजिनसली बनाया गया, तो जबलपुर MP, ठीक है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसको बनाया गया, जहाँ पर जो सेना के वेपन्स होते हैं उनको बनाया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा OCF, एक होता है ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री, जहाँ पर आपने देखा है ना कि सेना की वर्दी वगैरह और भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वैसे ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ पर आर्म्स से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये भारत का पहला स्वदेशी अभियान है, ठीक है। तो जिसमें धनुष को अभी हाल ही में जो है बनाया गया, कहाँ पर, यह है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन जबलपुर MP, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया है कि प्रोजेक्ट 75 समटाइम्स सीन इन न्यूज़। प्रोजेक्ट 75 जो है कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ में रिलेट करता है। तो प्रोजेक्ट 75 जो है ये जो पनडुब्बियाँ होती हैं ना, इनका स्वदेशी निर्माण, ठीक है, इसको ये डील करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप क्या समझ जाओगे, इंडियन नेवी से, ओके, डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर पनडुब्बियों की बात की जा रही है। और टू काउंटर ग्रोइंग चाइनीज फुटप्रिंट इन इंडियन ओशन रीजन, द इंडियन नेवी हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस टू एक्वायर 6 लीथल सबमरीन्स अंडर द एम्बिशियस प्रोजेक्ट 75 इंडिया। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है 6 सबमरीन्स का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, ये स्वदेशी निर्माण होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। ओके, एक और क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट टैग जो है किस गांव को दिया गया, मतलब विच विलेज बिकम द इंडियाज फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट। तो ये दिया गया है फ्योंग को, ठीक है, ये फ्योंग विलेज को दिया गया है। तो यहाँ पर आप और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं, ये मणिपुर का एक जो है, मणिपुर स्टेट का एक जो है विलेज है, ओके, फ्योंग विलेज, ठीक है। तो आप इसको यहां पर नोट कर लें, इम्फॉल बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। ओके, तो ये है क्या, कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट का टैग क्यों दिया जाता है क्या बेसिकली। तो देखो, मणिपुर के जो फ्यांग गांव है, इसको भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट के रूप में एक टैग दिया गया है। एक गांव को कार्बन पॉजिटिव टैग दिया जाता है यदि वह जितना कार्बन उत्सर्जन करता है तो इससे अधिक कार्बन कम करता है। ओके, तो जो ग्रीन हाउस गैसों के संचय को धीमा करता है, तो ये जलवायु परिवर्तन में बहुत ज़्यादा कारगर साबित है। तो इस वजह से ऐसे स्टेप्स को लेते हुए इस गांव को जो है भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट टैग दिया गया। रीज़न यहां पर बताया गया है कि जितना ये कार्बन जो है कम करता है, तो उत्सर्जन जो है जितना करता है उससे अधिक जो है ये कम कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है आंकड़े आए हैं और इसको जो है भारत का पहला कार्बन सेटलमेंट टैग जो है इस गांव को दिया गया है। तो ये है फ्योंग इम्फॉल बेस्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, नंबर 16, जिसमें कहा गया है कि विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस। ये आपसे कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा गया है कि राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019 का जो वेन्यू है, स्थल है, वो कौन सा सिटी है। तो ये लखनऊ में हो रहा है। ओके, तो डायरेक्टली वेन्यू पूछा जाएगा, तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, इन्होंने इनॉग्रेशन किया 2019, ठीक है। और कहाँ पर, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है, लखनऊ में। तो इस कॉन्फ्रेंस का वेन्यू, ये आयोजन यहाँ पर किसके द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, जिसमें कहा गया है विच साउथ अमेरिकन नेशन हैज़ रिसेंटली ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। देखो, ये चीज़ें न्यूज़ में आई हैं तो आपको पढ़नी पड़ेंगी कि अभी वो कौन सा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है, इसमें ये शामिल हुआ है। तो ये है बोलीविया, ठीक है। अभी न्यूज़ में आया तो आप ये पढ़ लें। अभी देखो, भारत की ओर से जो रामनाथ कोविंद जी हैं, ये भारत के, ये कहा जाए कि बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट बोलीविया, ठीक है। तो ये पहली बार जो है इस यहाँ पर यात्रा पर गए बोलीविया में। ओके, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है इबो मोरेलस एमा, तो ये ध्यान रखना कि ये बोलीविया के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है बोलीविया का, वो इनको दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें कि प्रेसिडेंट कोविंद जी को ये हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है, ठीक है, हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ बोलीविया, इससे इनको सम्मानित किया, जिसको ये कहा जाता है। ओके, तो कैपिटल की अगर बात की जाए तो ये है SUCRI, सुक्री, ठीक है। और करेंसी यहाँ पर है, ये है बोलवियानो। ओके, और प्रेसिडेंट मैंने बताया आपको इबो मोरेलस। तो आपको ये पूछा जाता है कि बोलीविया का जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है वो अभी किस देश
के प्रेसिडेंट को दिया गया, ठीक है, या फिर किस देश को दिया गया, तो ये दिया गया अभी हाल ही में भारत के लिए, ठीक है, और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के लिए। तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। ओके, एक क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग करें, थोड़ा सा ट्रिविया से रिलेटेड है, हिस्ट्री ट्रिविया काइंड ऑफ। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो भारत के अभी करंट प्रेसिडेंट हैं ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये नीचे रिप्लाई करें कि जो रामनाथ कोविंद जी हैं ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। एक और प्रश्न यहाँ पर हम लोग लेंगे जिसमें कहा गया है कि नेशनल मैरिटाइम डे हर एक साल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। ओके, तो ये होता है 5 अप्रैल को। क्वेश्चन यहाँ से तो पूछा जाता है कि ये जो राष्ट्रीय मैरिटाइम डे है, नेशनल मैरिटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, लेकिन इसकी थीम भी पूछी जाती है। तो आप ये नोट कर लें, द थीम ऑफ द 56th एडिशन ऑफ द नेशनल मैरिटाइम डे इज इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये नोट कर लें, थीम से क्वेश्चन बनेगा और थीम ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी थीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये 7 अप्रैल को होता है। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें अप्रैल और जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने के जो इम्पॉर्टेंट डेज है विद थीम के साथ इनको कवर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर एक साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। और इस बार की जो थीम है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2019, ये क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसको हम बोलते हैं UHC, एवरीवन एवरीवेयर। ओके, तो ये चीज आप यहां पर नोट कर लें, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर। ओके, एक और क्वेश्चन यहां पर है नंबर 20। देखो 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली ड्रॉप्ड एन एक्सप्लोसिव ऑन एस्ट्रॉयड रायगो टू मेक क्रेटर, ठीक है, मतलब रायोग एस्ट्रॉयड पर नमूना एकत्रित करने के लिए अभी कौन से देश की स्पेस एजेंसी ने वहां पर एक ब्लास्ट, एक एक्सप्लोसिव जो है डिप्लॉय किया, विस्फोट किया। तो उस देश का नाम है जापान, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि देखो जापान की जो स्पेस एजेंसी है इसको बोलते हैं जैक्सा, ठीक है, JAXA, और इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ये नोट कर लें कि जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जैक्सा, इसने अभी एक हायाबुसा 2 के बारे में आपने सुना होगा, तो ठीक है, तो वहाँ पर कुछ सैंपल नमूने एकत्रित करने के लिए ये किया गया है। तो आपने पहले न्यूज़ ये सुनी होगी कि 30 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर 3 वर्षों में रायोग एस्ट्रॉयड पर पहुँचा हायाबुसा 2। तो ये 28 जनवरी 2018 में हुआ। उसके बाद अब ये जो है जैक्सा ने क्या कहा है कि उसका हायाबुसा 2 अंतरिक्षयान ने, ठीक है, रायगो की सतह पर एक गड्ढा बनाने के लिए विस्फोट किया, और अपडेट ये है कि ये एस्ट्रॉयड जो है सैंपल एकत्रित करके 2020 के एंड में पृथ्वी पर वापस जो है ये लौट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर जापान की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, ये है टोक्यो, और करेंसी है जापानीज येन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिंजो अबे। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर और भी बन जाते हैं। ओके, तो देखो कैपिटल करेंसी तो आपको रट लेनी है, हर एक मैं अगर किसी कंट्री का जिक्र कर रहा हूँ तो अगर उसका नहीं भी बता रहा हूँ तो आप गूगल पर सर्च करके एक अपनी लिस्ट बना लें, और बार बार ये क्वेश्चन आते रहेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर्मी विल कंडक्ट एक्सरसाइज वेस्टर्न सील विद, ठीक है, तो अभी एक एक्सरसाइज वेस्टर्न सील्ड, ये अभी जो एक एक्सरसाइज है तो इसमें 5,000 सोल्जर जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे, तो कौन से देश के द्वारा ये जो एक्सरसाइज की जा रही है। ओके, तो श्रीलंका के द्वारा, अभी न्यूज़ में आया तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, द आर्मी ऑफ श्रीलंका विल कंडक्ट एक्सरसाइज वेस्टर्न सील, तो ठीक है, तो इसको ये कंडक्ट कर रहा है जिसमें 5,000 सोल्जर जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे। और ये नोट आप यहाँ पर कर लो, पहला क्वेश्चन कि कैपिटल क्या है, दूसरा करेंसी, तीसरा यहाँ के प्रेसिडेंट, चौथा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो मैं आपको छोटे से की पॉइंट्स बताता हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ही जगह पर आपको सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। ओके, तो इनको आप लोग देख सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं जिसमें क्या कहा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, ठीक है। तो देखो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट है और इनकी अभी किसको अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट के तौर पर, तो इनका नाम है डेविड मालपास, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, और ये 13 प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, तो ये भी आप नोट कर लें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, US में DC, ठीक है, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन DC का मतलब है वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ,
हुआ, ये हुआ है 1944, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको आंकड़े पता होने चाहिए। अब आप एक क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब जरूर कमेंट में दे, ठीक है। यूएन के जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस है इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है, नीचे कमेंट में रिप्लाई करें इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें कहा गया है कि हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन इन फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये भारत की ओर से अभी एक जो फीफा कार्यकारी परिषद है, ओके, तो इसमें अभी कौन से भारतीय को जो है इनको चुना गया, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में पूछा है। तो ये प्रफुल्ल पटेल जो है इनको चुना गया, ओके। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, प्रफुल्ल पटेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ओके। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लें। और अगर हम बात करें फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यह ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंट जो है गेनी इन्फेंटिनो, और ये जो है पेरिस फ्रांस में इसको जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि जो नए प्रेसिडेंट हैं CII के, CII का मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, मतलब कि भारतीय उद्योग परिसंघ जिसको हम कहते हैं CII, तो इसके नए अध्यक्ष के तौर पर किसको अभी नियुक्त किया गया है, ओके। तो यह विक्रम किर्लोस्कर, तो ये नाम नोट यहाँ पर करते रहें साथ में। और इनको जो है विक्रम किर्लोस्कर, द CMD ऑफ द किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड हैज़ टेकन चार्ज एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द CII, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है एक फेस्टिवल है जिसका नाम है सजीबू चेरोवा, ठीक है। तो ये जो सजीबू चेरोवा है ये फेस्टिवल अभी हाल ही में किस राज्य में इसको मनाया गया, ओके। तो हाल ही भारत के किस राज्य में सजीबू चेरोवा त्यौहार जो है ये आयोजित किया गया, तो ये आपको बताना है, तो मणिपुर में। तो डायरेक्टली ऐसे स्टेट के फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आता है ये फील्ड आपका, तो ये आप नोट कर लें। और अगर हम मणिपुर की बात करें तो इसकी कैपिटल है इम्फाल, और यहाँ पर जो CM है ये है वीरेंद्र सिंह, और गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं जिसमें कहा गया है कि विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट एवर रेलवे स्टेशन टू गेट ग्रीन ISO सर्टिफिकेशन, मतलब कि ग्रीन ISO प्रमाणन पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो इसका नाम है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है इसको NGT के द्वारा पहला जो है रेलवे स्टेशन बताया गया है, ISO सर्टिफिकेशन इसको दिया गया, ओके। और यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया, ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो यहाँ का एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ओके, तो इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया, तो इस वजह से ये जो NGT के द्वारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो इसके द्वारा ये वाला जो है ISO टैग इसको दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, अगर NGT जो NGT के चेयरमैन की बात की जाए तो इनका नाम है ये मिस्टर जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, ये चेयरपर्सन है, तो ये भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन की क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि NGT के जो चेयरपर्सन है उनका क्या नाम है, और अभी किस रेलवे स्टेशन को जो है ISO प्रमाणन दिया गया, तो ये दो तीन क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद एन ऑनरी डॉक्टरेट इन फिलेंथ्रोफी बाय लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ठीक है, मतलब ये कहा जाए कि द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ठीक है, लंदन द्वारा फिलेंथ्रोफी, ठीक है, तो इसमें अभी मानद डॉक्टरेट से किसे सम्मानित किया गया है। फिलेंथ्रोफी का मतलब होता है परोपकार, ठीक है, मानव कार्य, तो इसमें ये चीज़ें आई हैं, तो इसमें नाम है इनका शाहरुख खान का, ओके। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लो। एक और प्रश्न यहाँ पर लेंगे दोस्तों, ये है आपका जो फेमस पर्सनालिटी है जिनका भी हाल ही में निधन हो जाता है, ऑबिचुरी के अंतर्गत ये चीज़ आती है। तो इसमें कहा गया है कि 2002 मेडिसिन नोबेल प्राइज विनर, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया, तो इनका नाम बताना है। तो 2002 में, ठीक है, जो मेडिसिन के फील्ड में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये, तो इनका हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सिडनी वेरनर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लें। बायोलॉजिस्ट अभी सिडनी वेरनर, इनका हाल ही में निधन हो गया, ओके। तो ये चीज़ें आप नोट यहाँ पर करते चले, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे जिसमें क्या कहा गया है कि CR आनंद वैली हु पास्ड रिसेंटली, ठीक है, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, तो
ये आपने देखा होगा कि वेल नोन डबिंग आर्टिस्ट हैं, तो कौन से रीजनल सिनेमा के, मतलब सीआर आनंद वल्ली, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध डबिंग कलाकार थे? तो ये हैं मलयालम के। तो इनका स्टेटस पूछा जाता है, कौन सा फील्ड है या फिर किस जो है रीजन से आते हैं या फिर किस में, अभी इनकी जो हाल ही में इनकी मृत्यु हुई तो ये किस चीज़ से रिलेटेड थे, ठीक है? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तो इसको भी नोट कर लें। 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कहा गया है कि हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ चीफ कोच ऑफ इंडिया मेंस हॉकी टीम, मतलब जो भारतीय हॉकी टीम है, पुरुष हॉकी टीम है, तो इसके मुख्य कोच, चीफ कोच के रूप में किसका नॉमिनेशन किया गया है? तो ये हैं ग्राहम रीड। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, चीफ कोच भारतीय हॉकी के ग्राहम रीड रहेंगे। तो अभी जो हॉकी इंडिया ने इनका नाम जो है फाइनल किया है चीफ कोच के तौर पर, जो इंडियाज मेंस हॉकी टीम है। और हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्टीमेट खोखो लीग। ये जो खोखो लीग है इसके सीईओ के तौर पर अभी किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है? अल्टीमेट खोखो लीग का सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है ये किसको बनाया गया है? तो ये है तेंजिंग नियोगी। तो ये भी आप क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लें। और तेंजिंग नियोगी ये फॉर्मर स्पोर्ट्स एडवाइजरी हैं। तो इनको अभी बनाया गया है किसमें? खोखो अल्टीमेट लीग का सीईओ। इसमें कहा गया है कि इसरो लॉन्चेस विच व्हीकल कैरिंग एमिसेट एंड 28 नैनो सैटेलाइट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसरो ने अभी किसके द्वारा एमिसेट और 28 नैनो उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। तो इसमें जो किसका हेल्प लिया गया, यह है पीएसएलवी C-45 के द्वारा। तो इसरो ने पीएसएलवी C-45 के द्वारा एमिसेट और 28 और नैनो उपग्रह को यहां पर भेजा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या क्या रहेगा वो भी आप साथ में नोट करते रहे। देखो, पीएसएलवी का मतलब होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहां पर आप ये नोट कर लें कि पीएसएलवी का क्या मतलब है। और एक चीज आपको बता दें, ये कहां से? सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा। दो तीन और इंपॉर्टेंट यहां पर इंफॉर्मेशन ये होंगी कि इसरो के डायरेक्टर कौन है। तो अगर आप इसरो के डायरेक्टर को नोट करना चाहें तो यहां पर ये नोट कर लें, के सिवान, ठीक है? के सिवान जो है ये डायरेक्टर हैं। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसरो का? तो ये हुआ है 1969 को। और अगर हम आगे एक फैक्ट और देखें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों बेंगलोर में, ठीक है? तो ये चीज भी आप यहाँ पर जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है इनको भी आप साथ में नोट करते चलें। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं, जिसमें कहा गया है विच बैंक बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा जो बैंक है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है? तो अभी BOB जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक हुआ है, क्योंकि तीन बैंक का मर्जर हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में देना बैंक और विजया बैंक, ये तीनों बैंक मिलकर अब ये BOB में शामिल हो चुके हैं। और BOB जो है तीसरा भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अगर हम PSU की बात करें तो ये दूसरा बैंक कहलाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर SBI है, इसके बाद HDFC और फिर आपका आ जाता है ये BOB, ठीक है? लेकिन अगर PSU की बात करेंगे तो ये सेकेंड नंबर आएगा, और बैंक की बात करेंगे तो ये थर्ड बैंक है, ठीक है? यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये रहेंगी कि जो भी जैसे देना बैंक है, विजय बैंक है, तो इनके जो कस्टमर अकाउंट्स होंगे ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे किसको? बैंक ऑफ बड़ौदा को। और इसके बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO ये कौन है? PS जयकुमार, और हेडक्वार्टर है ये है बड़ोदरा में। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी यहां पर देख सकते हैं। एक और यहां पर क्वेश्चन है कि विच कंपनी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन शिपयार्ड टू डिलीवर 100 वॉरशिप। मतलब कौन सी भारतीय कंपनी को 100 युद्धपोत देने वाला पहला भारतीय शिपयार्ड का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है GRSE, एक कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है GRSE, आप पहले इसको नोट कर लें। इसको हम बोलते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है? GRSE। तो GRSE जो है ये भारत के 100 जो युद्ध पोत हैं, ठीक है, इनको बनाने वाला, इनको देने वाला पहला भारतीय शिपयार्ड जो है, इसका स्टेटस इसको दिया गया है, ठीक है? तो ये चीज भी आप यहां पर नोट कर लें। और इसके डायरेक्टर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है VK सक्सेना, और हेडक्वार्टर इसका है कोलकाता में, ठीक है? तो इसको भी यहां पर नोट कर लें। एक और दोस्तों क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, जिसमें कहा गया है ऑन विच डे वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसको हम कहते हैं WAD,
ये किस दिन मनाया जाता है, मतलब विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है ये आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये है क्या, ये भी आप सभी के लिए जानना जरूरी है। बेसिकली अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो ये है मानसिकता से, ओके। तो जैसे किसी भी तरीके से आप ये देख लो कि 2 अप्रैल को तो हम इसको मनाते हैं, जैसे मस्तिष्क के विकास में बाधा डालने और विकास के दौरान होने वाला जो विकार है एक तरीके का, जिसको ऑटिज्म कहा जाता है। तो इससे अगर कोई इंसान पीड़ित है तो वो बाहरी दुनिया से क्या है, अनजान रहता है और अपने खुद में खोया रहता है एक तरीके से। इससे ज्यादा जरूरी क्या रहेगा यहाँ पर, इसकी थीम 2019 की जो थीम है ये क्या है, ये है असिस्टिव टेक्नोलॉजीज और एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो ये आप थीम नोट कर लें, आपसे पूछा जाएगा कि जो अभी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है ये मनाया गया 2 अप्रैल को, तो इसकी थीम क्या थी, तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन से, ओके। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, मतलब कहा जाए अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लें कि अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, ठीक है, ये होता है आपका 4 अप्रैल को, और इसकी थीम क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है यूनाइटेड नेशंस प्रमोट्स एसडीजीज सेफ ग्राउंड सेफ होम, ठीक है। तो ये भी चीज आप नोट कर लें कि थीम क्या है, ओके। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IMAD, ओके। कहीं पर अगर IMAD लिखा हो तो इसका यही मतलब है, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, ओके। 4 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है यूनाइटेड नेशंस प्रमोट SDG सेफ ग्राउंड सेफ होम, ठीक है। एक और यहां पर क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट्स व्हाट परसेंट एवरेज बेस रेट ऑफ NBFC MFI। देखो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NBFC MFI को कितने प्रतिशत औसत आधार जो दर इनकी निश्चित की है, ठीक है। तो NBFC MFI की फुल फॉर्म होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और MFI का मतलब है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो अभी इसकी जो एवरेज जो बेस रेट है वो सेट कर दी गई है 9.21%। तो डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की जो बेस रेट है उसको कितना फिक्स कर दिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9.21% रख दिया है। यहां से कुछ और डेटा है कि गवर्नर पूछे आ सकते हैं, तो ये है शक्तिकांता दास और हेडक्वार्टर जो है ये है मुंबई में, ठीक है। और ये जो है कब के लिए, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल, मतलब अप्रैल जून, ठीक है। एक और यहां पर क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है हु टेक्स ओवर एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC, मतलब LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला, ओके। तो ये है बिपिन आनंद। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें, और LIC से जुड़ी और भी, क्योंकि एग्जाम्स होने वाला है तो और भी जानकारी यहां पर हम लोग रीड करेंगे। बिपिन आनंद हैज टेकन चार्ज एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC, प्रायर टू दिस ही वॉज इन चार्ज ऑफ LIC's वेस्टर्न जोन। पहले ये LIC वेस्टर्न जोन में थे, अब ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए LIC के, ठीक है। LIC का स्लोगन क्या है, ये है योगक्षम और ये है वाहम्यम, तो इसका मतलब संस्कृत में क्या होता है, योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और एक दो क्वेश्चन और यहाँ पर बनेंगे कि ये कब, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये मुंबई में, ठीक है, ये चीज मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, नोट है। और फाउंडेड पूछा जाए तो ये 1 सितंबर 1956, ठीक है, 1 सितंबर 1956, ओके। और इसके चेयरमैन की बात की जाए तो ये है MR कुमार, ये आप नोट जरूर कर लें, ठीक है। चेयरमैन देखो ये विकिपीडिया में भी यहां पर मेंशन है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी सब्सिडरीज जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस है, पेंशन फंड लिमिटेड है, LIC इंटरनेशनल है, और एक जो नई ऐड हुई है IDBI, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मर्जर हुआ LIC का किस बैंक के साथ में, तो IDBI बैंक, ठीक है, IDBI बैंक को टेक ओवर किया था। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ MD & CEO ऑफ द ICICI सिक्योरिटीज, ठीक है, मतलब ICICI सिक्योरिटीज के MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है विजय चंदोक, ठीक है। अब यहां पर कुछ और भी डिटेल जान लेते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ICICI बैंक विजय चंदोक, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, लेकिन अब इनको ICICI सिक्योरिटीज में MD और CEO की पोस्ट पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है, ओके। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो यह मुंबई में, और ICICI की टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, ओके। और एक आपने और शब्द सुना होगा ICICI डायरेक्ट, ये क्या है, ICICI डायरेक्ट जो है एक ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ICICI सिक्योरिटीज का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ICICI डायरेक्ट क्या है, तो आप यहां पर बता सकते हैं, ये भी इसी पॉइंट को रिलेट कर रहा है।
एक और यहां पर क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कहा गया है हु हैज टेकन एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईसीसी, मतलब आईसीसी के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया। ओके, तो ये है मनु सबने। ठीक है, तो ये आप नोट यहां पर कर लें। और जरूरी इंफॉर्मेशन और मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा, इन्होंने रिप्लेस किया है जो डेविड रिचर्डसन है। ठीक है, तो इन्हीं के साथ में काम कर रहे थे काफी दिनों तक, और अब जो है डेविड रिचर्डसन को रिप्लेस करके मनु सबनाय जो है ये बनाए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईसीसी। ओके, अब यहां पर आईसीसी के अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये दुबई में है, और आईसीसी के चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर भारत से। ओके, और यहां पर आईसीसी का मोटो अगर आपसे पूछा है तो ये क्या है, क्रिकेट फॉर गुड। और आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है जो कहां पर है, दुबई में। ठीक है, दुबई यूएई। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, और सीईओ, तो ये मैंने आपको बता दिया सीईओ ये बने हैं मनु सबने। ठीक है, यहां पर एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कहा गया है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस अपॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ इन्वेस्टिगेशन हेड फॉर म्यांमार, मतलब संयुक्त राष्ट्र ने कि अभी निम्न में से किसको म्यांमार के जांच प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो इनका नाम है निकोलस कमजियन। ठीक है, तो ये आप यहां पर नोट कर लें, और जो जानकारी यहां पर और भी है ये आप नोट कर लें कि जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो इन्होंने म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र के प्रमुख के रूप में अमेरिका के निकोलस कमजियन को जो है नियुक्त किया है। ओके, और अगर हम म्यांमार की बात करें तो देखो रिपब्लिक ऑफ, इसको हम बोलते हैं द रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार। ठीक है, इसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर लें, और ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, और इसकी कैपिटल क्या है, ये है नाइपाइडियो। ठीक है, ये आप नोट कर लें, और इसकी करेंसी क्या है, ये बर्मीस क्यात, और प्रेसिडेंट जो है ये है विनमेन। ठीक है, तो ये नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पर मेंशन कर रखे हैं, आप एक बार अगर इसको नोट कर लोगे, एक दो बार रीड करोगे तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये चीजें रहेंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पर हम लोग लेते हैं जिसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार जीओआई, पहले हम यहां पर क्वेश्चन इंग्लिश में लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं MDTMG शॉर्ट फॉर्म में, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मतलब भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए बहु अनुशासनात्मक आतंकी निगरानी समूह, जिसको हम बोलेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप जो है, ठीक है, ये सेटअप किया है, तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ओके, कुछ और डिटेल यहां पर देना चाहूंगा, इसका मेन मोटिव क्या है, टू इंश्योर सिनर्जाइज एंड कंसर्टेड एक्शन अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग एंड टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और जम्मू एंड कश्मीर की अगर कैपिटल की बात की जाए तो ये है जम्मू बेंटर में, और समर में है श्रीनगर, और गवर्नर यहां के हैं सत्यपाल मलिक, क्योंकि यहां पर क्या चल रहा है, आपका पता है कि गवर्नर रूल यहां पर इंपोज्ड है। एक और यहां पर क्वेश्चन हम लोग लेंगे जिसमें कहा गया है कि कंदमाल हल्दी, ठीक है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, कंदमाल हल्दी विच रिसेंटली गॉट द जीआई टैग इज प्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मतलब कंदमाल हल्दी जो होती है इसको जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में यह उत्पादित है। देखो तो पहले आप समझ लो जीआई टैग का मतलब क्या होता है, जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जैसे आप लोग एक अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो जैसे आप किसी एक छोटे शहर में भी अगर आप रहते हैं तो वहां पर अगर कहीं भी कोई एक एरिया, जैसे अगर मैं कहूं कि ये ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है और डी ब्लॉक है, अगर यहाँ की कोई फेमस चीज है तो हम कह सकते हैं कि इस ए ब्लॉक के छोले कुलचे बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसी तरीके से भारत में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर उनके जो कल्चर है, उनकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, वहां पर वो चीज प्रोड्यूस होती है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। ओके, जीआई टैग का मतलब हुआ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहां पर नोट कर लें। और अभी कंदमाल हल्दी जिसको जीआई टैग मिला है तो ये कौन से स्टेट की बात की जा रही है, ये उड़ीसा। ठीक है, तो इसको आप यहां पर नोट कर लें, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल। और किसको किसको द्वारा मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब अब वो इस स्टेट की प्रॉपर्ली जो है मानी जाएगी। ओके, और भी कुछ जीआई टैग्स हैं, जैसे अगर मैं कहूँ वॉलनट वुड कार्विंग, ठीक है, तो ये जैसे अगर मैं अखरोट की बात करूँ तो ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, कांगरा पेंटिंग्स हो गई, कुल्लू सॉल हो गया, ठीक है, और चांबा रुमाल हो गया, ये हिमाचल प्रदेश का हो गया। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर लार्ज कार्डमोन,
ठीक है, लार्ज कार्डमम मतलब कि जो बड़ी इलायची है वो हरी बड़ी इलायची जो है वो सिक्किम की है। तो ये चीजें इनको जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग जीआई टैग मिले हुए हैं, तो ये चीज आप नोट कर लें। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि अभी भारत में कितने जीआई टैग हैं और कौन से स्टेट में क्या क्या चीजों को जीआई टैग दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके एक बार यहां पर याद भी दिला देना ताकि मैं इस वीडियो पर आगे काम कर सकूं। ओके, एक और यहां पर क्वेश्चन लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कहा गया है कि विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस द ब्रेली इनेबल्ड बैलेट पेपर्स एट ऑल पोलिंग बूथ। ठीक है, मतलब यहां पर कहा गया है कि वो कौन सा राज्य है जिसने सारे मतदान केंद्रों पर ब्रेली सक्षम मतपत्र प्रस्तुत किए हैं। देखो, ब्रेली इनेबल्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ठीक है, उनके लिए वो कैसे चीजों को फील करें, वो ब्रेली एक माध्यम होता है इसके द्वारा चीजों को फील कर सकते हैं। तो अभी सारे मतदान केंद्रों पर ब्रेली सक्षम मतपत्र जो है प्रस्तुत किए गए, तो ये किसके द्वारा है, राज्य, किस राज्य के द्वारा, मेघालय के द्वारा। ओके, तो वो कौन सा स्टेट है, मेघालय यहां पर है, और फर्स्ट टाइम जो है ऐसा हुआ है ब्रेली इनेबल्ड जो है बैलेट पेपर जो है यहां पर अवेलेबल है सारे पोलिंग बूथ पर। ओके, और इसमें क्या होगा कि द बैलेट पेपर पेस्टेड ऑन द ईवीएम्स विल हैव द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन ब्रेली अल्फाबेट्स। ठीक है, जिसको विजुअली इंपेयर्ड लोग जो है इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये चीज यहां पर है। और अगर हम मेघालय की हम बात करें तो यहां के जो सीएम है ये है कॉनराड संगमा, कैपिटल क्या है, शिलोंग है, और गवर्नर यहां पर है यह है तथागत रॉय। ठीक है, तो ये भी नोट कर लें। एक और क्वेश्चन है यहां पर जिसमें कहा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट। तो मतलब फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, यह है एडमिरल सूरज बेरी। तो ये नोट यहां पर कर लें। और कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहां पर देना चाहूंगा, रियर एडमिरल सूरज बेरी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट। ठीक है, इन्होंने किसको, ही विल सक्सीड वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, और ये जो है 24वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होंगे। ठीक है, और कब ये बनेंगे, क्योंकि 31 मई 2019 को आपको पता है कि जो सुनील लांबा हैं ये रिटायर्ड होंगे, तो इनकी पोस्ट पर अब ये नेक्स्ट नेवी चीफ आएंगे करमबीर सिंह। ठीक है, ये 24वें नंबर के होंगे, 24th नेवल स्टाफ। ओके, तो ये भी आप नोट कर लें यहां पर। लेकिन अभी करंट की अगर बात की जाए तो ये है सुनील लांबा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहां पर हो जाता है। एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा गया है कि फिल्म निर्माता, यहां पर कहा गया है कि फिल्म मेकर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एम्बेसडर ऑफ TIFF शेयर हर जर्नी। मतलब यहां पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में किस फिल्म निर्माता को TIFF की शेयर हर जर्नी का ऑफिशियल एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया, तो रीमा दास को। ओके, तो पूरी न्यूज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, फिल्म मेकर रीमा दास जिनको अपॉइंट किया गया ऑफिशियल एम्बेसडर के तौर पर TIFF, इसका मतलब है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो अगर TIFF की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप यहां पर बता सकते हैं। देखो, TIFF ने शेयर हर जर्नी कैंपेन 2017 में लॉन्च किया था और इसी एम को आगे और इंक्रीज करते हुए, ठीक है, तो यहां पर अभी एम्बेसडर के तौर पर रीमा दास फिल्म मेकर इनको अपॉइंट कर दिया गया है। और इसका मेन एम क्या है, इंक्रीज द पार्टिसिपेशन स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन बिहाइंड एंड फ्रंट ऑफ कैमरा। ओके, मतलब ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, इस फिल्म सिनेमा में, तो इस वजह से इनको यहां पर बनाया गया है। एक और क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है, ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड है, इसमें कहा गया है वो कौन सा देश है, विच कंट्री ऑनर्स पीएम मोदी विस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जैद मेडल। ठीक है, तो मतलब जैद पदक के साथ में पीएम मोदी को कौन से देश ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देकर सम्मानित किया है, तो ये किया है UAE ने, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। तो यहां पर आप ये नोट कर लें। और कैपिटल यहां की है अबू धाबी, और करेंसी यहां पर है दिरहम, और प्रेसिडेंट यहां के कौन है, शेख खलीफा बिन जैद अल नहान। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। और यहां का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ये पीएम मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, तो ये आंकड़े आपके लिए जरूरी भी रहेंगे। एक और प्रश्न यहां पर है जिसमें कहा गया है हु हैज बीन कन्फर्ड विद 2019 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। देखो, 2019 का PBSA मतलब प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है किसे दिया गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है राजेंद्र जोशी। ओके, तो ये चीज आप यहां पर नोट कर लें। और कुछ और डिटेल मैं आपको देना चाहूंगा, स्विस बेस्ड NRI साइंटिस्ट डॉक्टर राजेंद्र जोशी, ठीक है, हु बिलोंग्स टू राजस्थान, इनको 2019 का
प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड PBSA प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा अभी हाल ही में इनको सम्मानित किया गया। और द थीम ऑफ 2019 की जो थीम है प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन वाज रोल ऑफ इंडियन डायपोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लें। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं नेक्स्ट। देखो इस प्रश्न में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद 5G कवरेज। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो 5G कवरेज वाला विश्व का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है होंगकू। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। और ये कहाँ का है, ये है दोस्तों आपका चाइना। ठीक है, तो जो होंगकू है ये संघाई का एक डिस्ट्रिक्ट है और अभी यहाँ पर जो है 5G सर्विसेज जो है प्रॉपरली यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए, तो ये दुनिया का जो है विश्व का पहला, ठीक है, दुनिया का पहला जो है डिस्ट्रिक्ट बन चुका है 5G कवरेज वाला। ओके, और 5G जो है ये नेक्स्ट जनरेशन है, अभी 4G चल रहा है, इसके बाद 5G। ठीक है, जैसे अभी इंडिया में नहीं आया है लेकिन कई जगह पर टेस्टिंग मोड में है ये। ठीक है, तो इसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है 10 to 100 times फास्टर देन 4G LTE नेटवर्क्स। ठीक है, और अगर चाइना की बात करें तो कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेमबी। कई बार पूछा था कि चाइना की करेंसी क्या है, ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है ये है जाई जिनपिंग। ओके, तो ये डिटेल आप नोट कर लें। देखो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च सेकेंड जनरेशन डाटा रिले टैनलियन 2nd 01 सैटेलाइट। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने अभी सफलतापूर्वक दूसरी पीढ़ी का डेटा रिले, ठीक है, डेटा रिले टैनलियन 2nd 01 उपग्रह जो है ये लॉन्च किया है, तो ये किया है चाइना ने। ओके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, चाइना है सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट इट्स न्यू जनरेशन, ठीक है, टैनलियन 2nd 01 डेटा रिले सैटेलाइट, ओके, इन टू ऑर्बिट बाय अ लॉन्ग मार्च 3V कैरियर रॉकेट जिसका नाम है, ये है जिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ठीक है, तो यहां से किया गया, सिचुआन प्रोविंस में है ये, तो ये डिटेल आप नोट कर लें। बस कंट्री आपसे पूछा जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है स्लोवाकिया की जो है पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, हु बिकम्स द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। ठीक है, तो इनका नाम है जुजाना। ठीक है, तो ये आप यहां पर नोट कर लें जुजाना, और क्वेश्चन यहां पर इनकी कैपिटल करेंसी से है तो वो भी आप नोट कर लें। ठीक है, जुजाना बिकम्स, इन्होंने जो स्लोवाकिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वहां पर इन्होंने जीत हासिल की और अब ये कंट्री की फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द स्टेट कहलाएंगी। और वहां की कैपिटल है ये है ब्रेटिसल्वा और करेंसी है वहां पर यूरो। ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ पर है जिसमें कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट है, मतलब भारत में कौन सा राज्य है 4G उपलब्धता चार्ट में सबसे ऊपर है। विच इंडियन स्टेट टॉप्स 4G अवेलेबिलिटी चार्ट इन इंडिया। ओके, तो इसका नाम है धनबाद। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कई मायनों में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओपन सिग्नल्स हॉटेस्ट सिटी 4G अवेलेबिलिटी रिवील्स धनबाद। ठीक है, और इसके बाद क्या है रांची। ओके, तो ये भी चीज है यहाँ पर 4G अवेलेबिलिटी कितनी है 95.3% और रांची में 95%। ओके, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें कहा गया है कि विच एयरपोर्ट हैज बीन डिजिग्नेटेड एज द इंडियाज बेस्ट एविएशन हब बाय द स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019। मतलब स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019, इसके द्वारा भारत का कौन से हवाई अड्डे को भारत के सर्वश्रेष्ठ विमानन केंद्र, मतलब कि इंडियाज बेस्ट एविएशन हब के रूप में अभी नामित किया गया है, तो इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, तो ये आप नोट कर लें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच सोशल नेटवर्किंग साइट हैज रिसेंटली बैंड वाइट नेशनलिज्म एंड सेपरेटिज्म ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। मतलब अभी हाल ही में कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने अपने प्लेटफॉर्म पर श्वेत राष्ट्रवाद और अलगाववाद पर प्रतिबंध लगाया, तो इसका नाम है फेसबुक। ओके, अभी क्या हुआ था, आपने देखा था न्यूजीलैंड में जो मास्कर हुआ था, इसमें लगभग 50 लोगों की जो है हत्या कर दी गई एक मस्जिद के ऊपर हमला करके। ओके, और एक गनमैन ने ऐसा किया, तो यही था इसी रीजन से अभी जो वाइट नेशनलिज्म है और सेप्टिज्म है इसको बैन कर दिया गया है। मतलब ये जो है एक ओपन प्लेटफॉर्म है हर एक तरीके के लोगों के लिए, तो फेसबुक ने इस तरीके से दिखाकर अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे जिसमें कहा गया है
कि हु हैज वॉन द 2019 फार्मूला वन वहरीन ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट। ओके, मतलब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2019 फार्मूला वन बहरीन ग्रांड प्रिक्स जो है टूर्नामेंट किसने जीता, तो ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने। ओके, यहाँ पर थोड़ी डिटेल और लेते हैं। लेविस हैमिल्टन जो है ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश मूल के हैं। ओके, और ये फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। ओके, और एक और क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें कहा गया है कि हु लिफ्टेड मियामी ओपन 2019। मियामी ओपन जो है ये खिताब किसने अपने नाम पर किया, तो ये किया है रोजर फेडरर ने। बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का क्वेश्चन ये बनेगा। तो ये टेनिस टूर्नामेंट है और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने अमेरिका के जॉन इज़नर इनको हराकर ये खिताब अपने नाम पर किया। ओके, तो ये डिटेल भी आप साथ में यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें कहा गया है कि स्क्वैश में शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन बने, मतलब हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन मैन टू एंटर इन टॉप 10 स्क्वैश। ठीक है, तो इनका नाम है दोस्तों सौरभ घोषाल। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, और ये टेनिस प्लेयर है। ओके, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉप 10 रेटिंग किसके द्वारा दी गई, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन PSA के द्वारा। जो टॉप 10 स्क्वैश प्लेयर्स की रेटिंग है उसमें जो है इनका नाम है। ओके, और ये फर्स्ट इंडियन है, तो यहाँ पर आप ये नोट कर लें। और अगर हम इंडियन वुमेन स्क्वैश प्लेयर की बात करें, जिसमें जोशन चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल, ठीक है, ये इससे पहले वर्ल्ड रेटिंग्स के टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं, तो ये भी नोट कर लें यहाँ पर। क्योंकि स्पोर्ट्स और कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, पर्सन और स्पोर्ट्स का नेम, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वो कौन सा देश है, विच कंट्री वॉन अजलान शाह हॉकी कप बाय डिफीटिंग इंडिया, मतलब भारत को हराकर किस देश ने अजलान शाह हॉकी कप जो है अपने नाम पर किया, तो ये साउथ कोरिया ने। ओके, साउथ कोरिया ने भारत को हराया, और ये चीज़ आप नोट कर लें। कहाँ पर ये हुआ था, मलेशिया में। ओके, तो साउथ अफ्रीका 2019 अजलान शाह जो हॉकी विश्व कप है इसका विनर रहा है, अजलान शाह हॉकी कप इसका विजेता 2019 का साउथ कोरिया। और अगर साउथ कोरिया की करेंसी की बात करें तो ये है साउथ कोरियन वॉन, और यहाँ की कैपिटल है सियोल, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, मून जे इन। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें दोस्तों कहा गया है कि एमिनेंट का मतलब होता है दिग्गज प्रख्यात ड्रामेटिस्ट जिनका नाम है कार्तिक चंद्र रथ, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई, ये किस राज्य से निवासी थे, मतलब किस स्टेट से ये बिलोंग करते थे, प्रख्यात नाटककार कार्तिक चंद्र रथ। ठीक है, तो ये है उड़ीसा के, तो ये चीज आप यहाँ पर नोट कर लें। और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको और बता दूं कि 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ओके, हार्ट अटैक के कारण। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लें, क्योंकि आपसे पूछा जाता है ऑब्विचुरीज में कि कौन सा पर्सन किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये नाटककार है, ड्रामेटिस्ट से रिलेटेड है, और कहां पर है, ठीक है, उड़ीसा के। तो ये दो चीजें यहां पर बनेंगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा IIT जो है, विच IIT इंस्टीट्यूट टॉप्स HRD नेशनल्स रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स, मतलब भारत का कौन सा जो IIT संस्थान है, तो HRD की जो संस्थानों की एक राष्ट्रीय रैंकिंग लिस्ट दी जाती है उसमें सबसे ऊपर टॉप पर है, तो ये है IIT मद्रास। ओके, तो अभी क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने रिलीज किया है नेशनल रैंकिंग। ठीक है, तो जो भी हायर इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनकी नेशनल रैंकिंग HRD के द्वारा दी जाती है, तो उसमें भी IIT मद्रास जो है ये टॉप पर है। ओके, तो ये आप डिटेल थोड़ी सी साइड में नोट कर लें। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी जब ये टॉप पर है, और इसके बाद में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर जो है ये सेकेंड रैंक पर है। ओके, तो ये भी आप देख सकते हैं। और आपको कमेंट में रिप्लाई करना है हु इज़ द करंट HRD मिनिस्टर, अभी हमारे यहाँ के जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो कौन है, इनका नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विश्व होम्योपैथी दिवस जो है हर एक साल आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो ये किस तारीख को होता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो डेज एंड डेट के क्वेश्चंस आते हैं, हम क्या करेंगे, जनवरी और फरवरी और मार्च इन 3 महीने के डेज एंड डेट विथ थीम आपको लाएंगे, और फिर उसके बाद अगले 3 महीने के 3-3 मंथ के स्लॉट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, मार्च के बाद में अप्रैल मई और जून। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम्स होगा बैंक का उसमें ये क्वेश्चन पूछ रहेंगे, तो अभी बीच बीच में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप इनको भी करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लें कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2019 जो है ये हर एक वर्ष मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। और इस दिन क्या होता है कि जो होम्योपैथी के संस्थापक है जिनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, ठीक है, तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये चीज़ मनाई जाती है, तो आप ये नाम नोट कर लें पूरा इनका।
ओके और इनकी जो है फाउंडर हैं ये इसके, तो इनकी एनिवर्सरी के तौर पर हम इसको मनाते हैं कब, 10 अप्रैल को। ओके यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है कि नेशनल सेफ मदरहुड डे NSMD ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, मतलब कहा जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जिसको हम कहते हैं NSMD नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये हर एक साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, देखो थीम यहाँ से पूछा जा सकता है, थीम क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल और बताना चाहूँगा कि जो नेशनल सेफ मदरहुड डे NSMD है ये 11 को मनाया जाता है, और इसमें क्या है, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द प्रॉपर हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड मैटरनिटी फैसिलिटी टू द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो मदर है इनकी प्रॉपर हेल्थ केयर से रिलेटेड इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाया जाए, इस वजह से ये नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है ये मनाया जाता है। ओके और 2019 की थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मिडवाइफ्स ऑफ मदर्स। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि थीम क्या है। ओके और इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव द ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल सेफ मदरहुड डे, तो ये भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस डे को डिक्लेयर किया है 11 अप्रैल को। ओके तो ये चीज आप नोट कर लें कि जो NSMD डे है ये भारत में मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ओके और किस लिए, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द प्रॉपर हेल्थ केयर ऑफ वुमेन। ठीक है, इतना आप अंडरलाइन करके नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु हैव बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ICC इंडिया। देखो ICC का मतलब है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो अभी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। ओके तो ये है विक्रमाजीत सहाय। ठीक है, तो इनको चुना गया है, तो आप ये नोट कर लें। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहा जाए तो ये सन ग्रुप के चेयरमैन है। ठीक है, तो अब इनको यहाँ पर जो ICC इंटरनेशनल चेयरमैन ऑफ कॉमर्स, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस पर इनको एज अ चेयरमैन के प्रेसिडेंट के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ 2018 सरस्वती सम्मान। तो देखो सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसका नाम आया है। ओके तो यह है डॉक्टर के शिवा रेड्डी। ठीक है, इनका नाम आप नोट कर लें। पूछा सकता है कि ये कौन है, तो ये है तेलुगु पोएट। ठीक है, तेलुगु पोएट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, तो आप इनको नोट कर लें, तेलुगु पोएट के शिवारेड्डी। ठीक है, इनको प्रेस्टिजियस जो सरस्वती सम्मान 2018 इसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया और इनको ये अवार्ड मिलेगा। ओके और इनका कलेक्शन ऑफ द पोएट्री टाइटल्ड पकाकी, ठीक है, ये एक टाइटल है इनका पोएट्री का, इसके लिए इनको दिया जा रहा है। ओके टर्निंग अ साइड वाइल लाइंग डाउन, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, तो आप इसको भी साइड में नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि विच कंपनी बैक्स AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग PSU। PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, अभी भारत की वो कौन सी कंपनी है जिसको उत्कृष्ट PSU के लिए AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड जो है ये दिया गया है, मतलब ये उसने जीता है। ओके तो ये जीता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है, IOC ने। ठीक है, तो आपसे दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछे जा सकते हैं कि IOC के चेयरमैन कौन है और भी चीज़ें हैं, तो आप लोग जो है बताएं। देखें यहाँ पर तो इसमें IOC की बात की गई, इसको ये प्रेस्टिजियस AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है, ये अवार्ड से इसको सम्मानित किया जाएगा। ओके और साथ में IOC का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए, ठीक है, तो आप लोग ये मुझे कमेंट में बताओ कि IOC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप सभी के लिए। आपको मैं यहाँ पर दो ऑप्शन केवल दे रहा हूँ, एक है दिल्ली, ठीक है, एक है मुंबई, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कहाँ पर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो जिसमें कहा गया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 20 लाख रुपए का फाइन लगाया है किस राज्य सरकार के ऊपर। द सुप्रीम कोर्ट हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹20 लाख ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर बैनिंग सेट्रिकल फिल्म, ठीक है, भविष्योत्तर भूत। तो अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 20 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया है, तो वो किस राज्य सरकार के ऊपर लगाया, क्योंकि उसने एक पिक्चर है, ठीक है, एक व्यंग्यात्मक फिल्म है, सटायर मूवी है, जिसका नाम है भविष्यतर भूम, ठीक है, तो इस पर जो है बैन लगा दिया था। ठीक है, तो ये किया है वेस्ट बंगाल ने, ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पर है और इनके ऊपर 20 लाख का लगाया गया है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फिल्म भविष्यतर भूत है, ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इनके शासन पर कटाक्ष करते करने वाली ये बेसिकली एक फिल्म है, ठीक है, व्यंग फिल्म है जो इनके शासन पर कटाक्ष कर रही है, और इसके निर्देशक डायरेक्टर कौन है, अनिक दत्त,
ठीक है। तो इसके बाद जो है इस पर बैन लगा दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, और फिर ये गए सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 20 लाख एज अ कंपनसेशन इनको दिए जाए, ठीक है, इनके ऊपर फाइन इम्पोज किया गया है, ओके। और ये एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो कि बंगाली में बनी है, ओके। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो इसमें कहा गया है कि वो कौन सा IIT है, विच IIT हैज टाई अप विद जनरल इलेक्ट्रिक GE टू सेटअप इंडिया फर्स्ट कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लैब। मतलब ये कहा जा रहा है कि भारत की पहली जो कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लैब है वो किस IIT ने जनरल इलेक्ट्रिक GE के साथ में मिलकर जो है इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, ये एक समझौता हुआ है, ओके। तो ये IIT मद्रास, अगेन IIT मद्रास है इसके साथ, और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ दोनों के बीच में समझौता हुआ है जिसमें ये लोग जो है कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लैब बना रहे हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या होगा ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। देखो IIT मद्रास, इनका कोलेबोरेशन का मतलब होता है कि जैसे कंपनी ए है कंपनी बी है, इनका अगर मैं कहूँ कोलेबोरेशन हो तो ये लोग मिलकर कोई एक नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग कोलैब कहते हैं, ठीक है। तो IIT मद्रास हैज़ रिसेंटली कोलेबोरेटेड विद अमेरिकन, ये अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक GE, ठीक है। तो ये इंडियाज फर्स्ट कोल्ड स्प्रे स्मार्ट, इसका मतलब है सरफेस मॉडिफिकेशन एंड एडिक्टिव रिसर्च टेक्नोलॉजीज लेबोरेटरी, इसको बना रहे हैं, जिसका मेन काम क्या होगा, विच विल डेवलप एडवांस सर्विसेज टेक्नोलॉजी फॉर एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स को बनाया जाएगा, तो इस वजह से ये लैब बनाई जा रही है। और अगर IIT मद्रास के चेयरपर्सन की बात करें तो यह है पवन कुमार गोयका, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और प्रश्न है, देखो मैं थोड़ी जानकारी बैकग्राउंड की भी दे रहा हूँ तो उसको भी साथ में नोट करते चलें, ये चीज़ें आपको PDF में नहीं मिल पाएंगी, ओके, तो इसलिए वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट रिटेन्स इंटरेस्ट रेट फॉर जनरल प्रोविडेंट फंड एट व्हाट परसेंट, मतलब कि भारत की सरकार ने सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज दर कितने परसेंट रखी है, मतलब जिसको हम बोलते हैं GPF, ठीक है, GPF के लिए कितने परसेंटेज जो है ये इंटरेस्ट रेट रखा है, ओके। तो ये है 8%, तो आप इसको डायरेक्टली नोट कर लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने रिटेन रखा है इंटरेस्ट रेट फॉर जनरल प्रोविडेंट फंड GPF के लिए, ठीक है, और ये नोट कर लें 8%, ओके, ये करंट फिस्कल ईयर इसकी बात हो रही है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें कहा गया है कि हु हैव बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ न्यू आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको चुना गया है, ठीक है, अभी ये फर्स्ट होंगे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस, तो इनका नाम है विक्रम नाथ, ओके। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जस्टिस विक्रम नाथ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, इनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अभी ये नया बनाया गया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, तो इसके नए चीफ जस्टिस के तौर पर विक्रम नाथ जो है ये काम करेंगे, ओके। और अगर हम बात करें यहाँ की, तो इसकी आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल है हैदराबाद और अमरावती, ठीक है, ये नोट करना, अमरावती इज द कैपिटल ऑफ ये आंध्र प्रदेश, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये है एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर हैं ये है ESL नरसिम्हन, ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप इसका रिप्लाई कमेंट में जरूर दें। ये कुछ की क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपको CJI हो गया, ठीक है, CEC हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होने चाहिए, क्योंकि कभी भी आपसे एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप CEC जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो भी आप बताएं कौन है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये दोनों रिप्लाई आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 नीचे कमेंट में बताएं, ओके। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें कहा गया है कि विच इंडियन एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैज वॉन $25,000 नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019, मतलब कि भारत का वो कौन सा स्टार्टअप है जिसने अभी $25,000 का, ठीक है, ये एक नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज है, ये अभी जीता है, ओके। तो आप डायरेक्टली इसको नोट करें कि नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 अभी दिया गया है किस भारत के एजुकेशन स्टार्टअप को, तो दोस्तों उसका नाम है दोस्त एजुकेशन, ठीक है, दोस्त एजुकेशन को ये दिया गया है। और यहाँ पर कुछ डिटेल मैं आपको और देना चाहूँगा, इंडियाज एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप दोस्त एजुकेशन एज बैग 25,000 जो है नेक्स्ट, ये $25,000 है नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 है। अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से ये इनको दिया गया, ठीक है, तो देखो दोस्त एजुकेशन सॉफ्टवेयर के ऑडियो कंटेंट और टूलकिट आसान बा बहुत ज़्यादा मज़ेदार है,
इसका फायदा यह है कि कम आय वाले जिनकी बहुत लो इनकम है उन फैमिलीज को इनसे हेल्प मिलेगी। कैसे कि वो बच्चों को एजुकेशन पर कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जिससे उनको जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में जो पैसा खर्च होता है स्कूल जाने पर वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, फॉर इट्स एबिलिटी टू एम्पावर पेरेंट्स टू टेक चार्ज ऑफ देयर चाइल्ड्स अर्ली एजुकेशन, जैसे नर्सरी वगैरह में होते हैं। ठीक है, तो इनको में कुछ ऑडियो कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है, मोबाइल में, तो उसके द्वारा आप अपने बच्चे को काफ़ी अच्छी तरीके से जो है पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कही गई है। और स्नेहा सेठ जो है ये CEO है दोस्त एजुकेशन के, तो आप ये नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा एजुकेशन इंडस्ट्री से। ये एक और प्रश्न यहाँ पर है, देखो इसमें कहा गया है कि हु टू टेक ओवर एज ए MD एंड CEO ऑफ द इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, अभी इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO और MD के तौर पर किसने अभी चार्ज संभाला है, तो इनका नाम है करनाम शेखर। ठीक है, करनाम शेखर इन्होंने चार्ज संभाला है, आप ये नोट कर लें। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि करनाम शेखर MD एंड CEO ऑफ द देना बैंक विल टेक चार्ज एज अ MD एंड CEO ऑफ द इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, 1 जुलाई से इनका वो हो जाएगा कार्यकाल, अभी ये केवल नोटिफिकेशन आया है और इनका 2020 में टर्म एंड होगा। ठीक है, और साथ में ये भी नोट कर लें, RA ये शंकरा नारायण, ठीक है, ये फॉर्मर MD CEO ऑफ द विजया बैंक है, इनको कैनरा बैंक शिफ्ट कर दिया गया है MD एंड CEO के तौर पर, तो ये भी नोट कर लें। दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोग कमेंट में रिप्लाई करेंगे कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताएं, साथ में कैप्टन जो टैगलाइन होती है हेडक्वार्टर होते हैं ये पूछे आते हैं। ठीक है, तो टैगलाइन और हेडक्वार्टर ये आप कमेंट में नीचे रिप्लाई करें। एक और प्रश्न है जिसमें कहा गया है दोस्तों कि T90 टैंक्स इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो T90 टैंक जो है वो किस देश के साथ से संबंध रखते हैं, तो ये दोस्तों रशिया के साथ में। अब ऐसा क्या है, देखो भारत और रशिया के बीच में ये T90 का एग्रीमेंट है, तो इन अ मेजर बूस्ट फॉर द इंडियन आर्मी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने रिसेंटली क्लियर कर दिया है कि अब 464 T90 टैंक को प्रोक्योर किया जाएगा, कहाँ से, रशिया से। ठीक है, 13,500 करोड़ रुपए की ये डील है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन आप लोग रिप्लाई भी नीचे करना कि रशिया में करेंसी क्या यूज़ होती है। ठीक है, रशियन करेंसी का नाम बताओ क्या है, और प्रेसिडेंट का नाम मैं आपको बता रहा हूँ व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में करेंसी का पूछा कई बार जाता है, तो आप इसको भी एक बार देख लें। एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा गया है कि 17th मीना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये कह रहा है कि 17th मीना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहां पर आयोजित हुआ। ठीक है, तो इसका नाम है दोस्तों जॉर्डन में। ठीक है, जॉर्डन में हुआ ये, और आप नोट कर लें द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसको बोलते हैं MENA। ठीक है, तो ये नाम नोट कर लें, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसको हम लोग सबके पहले लेटर पिक किया MENA। ठीक है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपको पता चल गई, ये जॉर्डन में हुआ। ठीक है, और फॉर्म असेंबल मोर देन 1000 गवर्नमेंट बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी लीडर्स फ्रॉम ऑल द 50 कंट्रीज, लगभग 50 देशों के 1000 के नियर अबाउट में बिजनेस, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए आए। ओके, और अगर जॉर्डन की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है अमान। ठीक है, करेंसी यहाँ पर क्या चलती है, जॉर्डनियन दिनार। ठीक है, और चेयरमैन यहाँ के कौन है, ये है मिस्टर कलस। ठीक है, तो ये क्लॉस स्कॉप, ठीक है, नाम नोट कर लें। और अगर पूछा है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है, कि विश्व आर्थिक मंच जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप लोग नीचे कमेंट में ये क्वेश्चन सर्च करें और देखें। देखो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इसको अपने आप से ढूंढो, तो अगर आप देखो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आप विकीपीडिया पर जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन सर्च करने के लिए थोड़ा एफर्ट तो पिक करने पड़ेंगे, लेकिन आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपनी कॉपी में बैक एंड पर लिख लोगे, तो इस वजह से मैं एक छोटे छोटे क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, एक और प्रश्न है यहां पर जिसमें कहा गया है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली सेंट अ टीम ऑफ एक्सपर्ट टू रीमेजर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो मतलब वो कौन सा देश है जिसने अभी माउंट एवरेस्ट की हाइट को रीमेजर करने के लिए एक एक्सपर्ट टीम जो है भेजी है, वो कौन सा देश है, तो नेपाल ने भेजा है। ठीक है, नेपाल के कुछ लोग जो है वहां पर जाएंगे, द नेपाल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेंट 4 मेंबर एक्सपर्ट टीम। ठीक है, तो अब ये वहाँ पर जाएगी, और यहाँ पर नोट कर लें चीफ सर्वे ऑफिसर जिनका नाम है खिमलाल गौतम और सर्वे ऑफिसर जिनका नाम है राविन करकी। ठीक है, ये विल असेंड द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये की नोट भी नोट कर लें, और नेपाल की करेंसी रुपी है, नेपाली रुपी, कैपिटल काठमांडू है, और यहाँ के जो PM है इनका नाम है प्रसाद ओली। ठीक है, तो ये KP ओली, ये नाम यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है,
एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें कहा गया है कि इंडिया इन विच कंट्री पार्टिसिपेटेड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 इन झांसी। ठीक है, तो अभी उस बताना है कि भारत ने किस दूसरे देश के साथ में मिलकर एक अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 इसमें भाग लिया है, तो ये लिया है सिंगापुर के साथ मिलकर। ठीक है, भारत और सिंगापुर ने, ये नाम नोट करना, क्वेश्चन पूछा था ना बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्साइज, ये किन दो देशों के बीच हुआ, तो भारत और सिंगापुर। ठीक है, तो ये नोट कर ले, मिलिट्री एक्साइज है भारत और सिंगापुर के बीच में, और इसका मोटिव क्या था, टू डेवलप मिलिट्री टेक्नोलॉजी बूस्ट मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड बूस्ट द नेशन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, और करेंसी की बात करें सिंगापुर में, तो ये डॉलर सिंगापुरियन डॉलर चलता है। आप लोग ये बताओ कि प्राइम मिनिस्टर कौन है सिंगापुर के, ठीक है, नीचे कमेंट में रिप्लाई करो। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं, देखो जिसमें कहा गया है कि विच कंट्री इज द हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन 2018 एज पर द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। अभी क्या हुआ है कि जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इसने अपनी एक रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, तो इसमें 2018 में कौन से देश को हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस जो है ये बताया है। ठीक है, किसको मिला है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप ये देखें कि कोई एक कंट्री है, यहाँ के लोग, जैसे भारत की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, भारत के लोग अमेरिका में गूगल में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी सऊदी अरब में रह रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग जाकर, इवन अगर मैं लेबर की भी बात करूँ तो किसी दूसरे कंट्री में रहकर जो पैसे पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पैसा भारत में भेजा जा रहा है कुछ कुछ, ठीक है, जैसे कुछ लोग साउथ अफ्रीका में हैं, कुछ लोग अमेरिका में हैं, कुछ लोग जो है ब्राज़ील में हैं, कहीं पर भी हैं, तो वो भारत में जो पैसा भेज रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो उसका मतलब हुआ कि रेमिटेंस आया भारत में। ठीक है, तो यही कहा गया है कि हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस जो है ये किसको मिला है। ठीक है, तो ये मिला है भारत को, और कितना मिला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये डॉलर 79 बिलियन। ठीक है, तो ये आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं, भारत को कितना मिला है, यहाँ पर उन्होंने नोट कर दिया 79 बिलियन। ठीक है, इतने डॉलर। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि एक्सरसाइज अफ्रीकन लॉयन 2019, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच में हुई। ओके, तो ये आपको बताना है, ये मोरक्को और यूएस के बीच में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अफ्रीकी लॉयन 2019 जो है ये कौन से दो देशों के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, तो ये है मोरक्को और यूएस। ठीक है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब होता है कि किन्हीं दो देशों के बीच में। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ ट्रेपेराइड होती है, मतलब तीन तीन देशों के बीच में भी एक्सरसाइज होती हैं। ओके, तो ये हुई, और अगर मोरक्को की बात करें तो इसकी कैपिटल है रबात। ओके, आप लोग बताओ कि मोरक्को में करेंसी कौन सी यूज होती है। ठीक है, करेंसी ऑफ मोरक्को, तो जल्दी से इसका रिप्लाई करें, और प्लीज़ लाइक कर दिया करें, जिन लोगों का कमेंट आपको लगे कि इन्होंने आंसर ठीक दिया आपस में एक दूसरे का, तो इससे क्या है कि और लोगों को भी पता चल जाए। ओके, एक क्वेश्चन है कि विच सिटी बिकम्स द फर्स्ट सिटी टू यूज़ द पोल्यूशन चार्ज जोन। ठीक है, मतलब विश्व का वो कौन सा पहला शहर बन गया है जो अब प्रदूषण शुल्क जो है लिया करेगा। ठीक है, मतलब प्रदूषण शुल्क में अब कौन सा देश लेने वाला है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, यूके की बात है यहाँ पर, और आंसर हमारा होगा लंदन। ठीक है, तो अभी मुद्दा क्या है, पहले आप पूरी बात समझ लें। यहाँ पर देखो, लंदन में क्या है कि 24/7 days, ठीक है, तो यहाँ पर अल्ट्रा लो एमिशन जोन है, जिसको हम बोलते हैं ULEZ। ओके, तो इस दौरान क्या है, जो भी व्हीकल होंगे, जो वाहन होंगे, एक प्रॉपर वहाँ पर एमिशन स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर जो लोग इस स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो कर पाएंगे तो उनको यहाँ पर एक फेस चार्ज करना पड़ेगा, जिसको कहा गया है कि फर्स्ट सिटी टू यूज़ द पोल्यूशन चार्ज जोन। ठीक है, तो यह समझ में आ गया, तो ये लंदन में है यूके। ठीक है, अब यहाँ पर अगर करेंसी की बात करें तो पौंड चलता है यहाँ पर, और कैपिटल क्या है, लंदन। ठीक है, यूके की, और यहाँ के पीएम कौन है, थेरेसा मे। ठीक है, तो ये दो तीन डिटेल आप नोट कर लो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम हैज़ वॉन द 2019 पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर एट द ग्लोबल वाटर समिट GWS। ठीक है, मतलब ये कहा गया है कि भारत का वो कौन सा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको 2019 का पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, तो ये है नमामि गंगे। अब इसमें कुछ डिटेल और है, देखो नमामि गंगे को इस नाम से भी जाना जाता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसको हम बोलते हैं NMCG, या फिर नमामि गंगे। तो ठीक है, तो ये भारत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको ग्लोबल वाटर समिट ने कौन सा खिताब दिया है, पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि गंगा हमारी कितनी साफ हो चुकी है,
कमेंट करके बताएं आप लोगों का क्या इस पर विचार है। आपके जैसे कुछ मेरे फ्रेंड सर्किल में लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह में रहते हैं, तो वो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करा करें, ठीक है। और ये जो ग्लोबल वाटर समिट, ये कहाँ पर हुई? लंदन में, ठीक है, 9 अप्रैल को। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। एक और प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि IMF जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, तो IMF ने अभी भारत की GDP ग्रोथ फॉरकास्ट जो है ये कितने परसेंट रखा है 2020 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये रखा है 7.3%, ठीक है। तो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसने इकोनॉमिक जो ग्रोथ फॉरकास्ट इन इंडिया ये 20 बेसिस पॉइंट से कट किया है, और ये जो प्रोडिक्शंस हैं 2020 के लिए फाइनेंशियल ईयर ये 7.3 है, और नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए कितनी है 7.5 है, ठीक है। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का हेड क्वार्टर है ये है वॉशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और यहाँ की जो MD वो कौन है, ये है क्रिस्टीना लगार्डे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा आता है, इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक और प्रश्न है यहाँ पर, जिसमें कहा गया है कि गूगल ने नया क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, ओके। तो गूगल ने जो नया क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इसका नाम है एंथोस, ओके। तो डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट कर लें कि नया एंथोस जो है, गूगल एंथोस, ये गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक पर्सन है, ओके, तो अपने आप एप्लीकेशन को, ठीक है, ग्लोबली अगर आप होस्ट करना चाहें क्लाउड पर, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोवाइडर्स है। तो जैसे ही गूगल है, गूगल का एंथोस है, तो इस पर क्या है, यूजर्स रन एप्लीकेशन फ्रॉम एनीवेयर, ओके। और गूगल के CEO ये हैं सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के हैं, और हेडक्वार्टर गूगल का कहाँ पर है, जल्दी से नीचे कमेंट में रिप्लाई करो कि गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि गूगल ने अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सर्विस कहां पर शुरू की है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गूगल लॉन्चेस इट्स फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी सर्विस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो अमेजोन के बाद इसका भी नंबर है, तो अमेजोन का कंप्यूटर, गूगल पेरेंट अल्फावेट, गूगल की एक पेरेंट कंपनी है अल्फावेट INC, तो इसने क्या है कि अमेजोन को पीछा करने के लिए अभी अपनी पहली कॉमर्शियल ड्रोन डिलीवरी बिजनेस सर्विस जो है ये शुरू की है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ये है कैनबरा, कई लोग कन्फ्यूज जाते हैं मेलबर्न में, तो ध्यान रखना मेलबर्न कैपिटल नहीं है, कैपिटल है कैनबरा, ठीक है। और करेंसी है डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। तो ये डिटेल में क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लें। एक दो क्वेश्चन और हैं यहाँ पर बचे हुए, इनको भी हम लोग कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि रशिया ऑनर टू विच द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, रशियाज हाईएस्ट स्टेट ऑनर, मतलब कि रूस ने अभी किस देश के प्रधानमंत्री को, जो रूस देश का सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है, वो तो उससे सम्मानित करने का भी ऐलान किया। तो ये भारत के प्रधानमंत्री, तो ये नोट कर लो, नरेंद्र मोदी जी के लिए, ठीक है। कहते हैं इसको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ठीक है, मतलब हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन ऑफ रसिया, ठीक है, मतलब कि रसिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, जैसे काजा भारत का जो भारत रत्न है ना, इस तरीके से देश का सबसे बड़ा एक ऑनर होता है, तो ये मोदी जी को मिल रहा है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि ये मोदी जी को कौन सा जो है देश का जो सर्वोच्च जो ऑनर होता है, उसमें इससे पहले, रसिया से पहले कौन से देश ने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आया था, तो मैंने डिस्कस भी किया है। तो आप लोग बताओ, रशिया से पहले भारत के प्रधानमंत्री को किस देश ने अभी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था, ओके। और मोदी जी की बात की जाए तो ये इनको 7th इंटरनेशनल ऑनर है, ओके। और रशिया की कैपिटल मॉस्को, अभी मैंने पीछे डिस्कस भी किया था, तो जिन लोगों ने रिप्लाई किया सही है। करेंसी यहाँ पर चलती है रवल, और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मैंने भी पहले भी पूछे थे, तो आप लोग जिन लोगों ने रिप्लाई कर दिया है वो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें कहा गया है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ इज़राइल्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर फिर से अभी री इलेक्टेड हुए हैं, तो उनका नाम बताना है, इज़राइल के जो प्रधानमंत्री इनको फिर से चुना गया है, ठीक है। तो इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, तो इनको फिर से चुना गया है, और अब ये 5वें टर्म के लिए, 5th टर्म जो है इनका ऑफिस है, ठीक है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ बॉर्न अ 5th टर्म इन ऑफिस, ठीक है, मतलब 5वीं बार इनको चुना गया है। अब ये जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है ये है, और डेविड वैन गुरियन जो है
इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, पहले ये थे अब ये पास्ट टर्म जो है सर्व करने का इनके नाम पर खिताब है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसराइल की जो कैपिटल है ये जेरूसलम, और करेंसी यहाँ पर क्या चलती है, इसराइली न्यू शेकेल। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट में रिप्लाई करके बताएं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इसराइल। ठीक है, मतलब इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है इसका नाम क्या है, खुफिया एजेंसी, ठीक है, खुफिया एजेंसी ऑफ जो है इसराइल, इसका क्या नाम है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें कहा गया है कि गूगल एंड विच कंपनी पार्टनर टू बिल्ड द इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लाउड सॉल्यूशंस, मतलब ये कहा जाए कि क्लाउड सॉल्यूशंस के लिए गूगल के साथ वो कौन सी कंपनी मिलकर जो है जिसने पार्टिसिपेशन किया है, मतलब भागीदारी अपनी कर रही है, तो ये डायरेक्टली नोट कर लें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। ठीक है, तो टाटा का सॉफ्टवेयर जो बिजनेस है वो TCS के हैंडओवर में रहता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, तो अभी इसका गूगल के साथ मिलकर, ठीक है, तो ये इसका जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है इसके लिए काम करेगी, क्लाउड सॉल्यूशंस के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये नोट कर लें। और इसके चेयरमैन कौन है टाटा सन्स के, तो ये नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, कई जगह लिखा होगा एन चंद्रशेखरन, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, पूरा नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। ओके, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं जिसमें कहा गया कि इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च अ ज्वाइंट प्रोग्राम टू कोलेबरेट ऑन सोल्यूशंस फॉर स्मार्ट सिटीज, मतलब भारत और वो दूसरा कौन सा देश है जो मिलकर एक ज्वाइंट प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें क्या होगा कि टू कोलेबरेट ऑन सोल्यूशंस फॉर स्मार्ट सिटीज, तो स्मार्ट सिटीज़ के लिए भारत और स्वीडन ये दोनों देश मिलकर इनके समाधान करने के लिए जो है आपस में जो है एक कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है। ओके, ये ज्वाइंट प्रोग्राम है भारत और स्वीडन का, क्या मोटिव क्या है, स्मार्ट सिटीज़ को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो ये नोट आप यहाँ पर कर लें। और अगर स्वीडन की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम, और यहाँ के ऊपर करेंसी क्या चलती है, स्वीडिश क्रोना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि विच कंट्री डिक्लेयर्स ईरान फोर्स एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है कि अभी कौन से देश ने जो ईरान की एक सेना है उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, तो अमेरिका ने किया है, किसको, ईरान्स रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स, जिसको हम बोलते हैं IRGC। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और ईरान की अगर बात करें तो कैपिटल है तेहरान, और यहाँ पर रियाल चलता है, ईरानियन रियाल करेंसी, और हुसैन रूहानी, ठीक है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें कहा गया है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग लेजिस्लेटर इन केरला हुज पास्ट रिसेंटली, मतलब ये कहा जाए कि अभी केरल में सबसे लंबे समय तक सेवारत विधायक हैं, लेजिस्लेटर, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम आपको बताना है, GK मनी। ठीक है, ये KM मनी है, नोट कर लें आप, KM मनी, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा समय तक केरला में जो है विधायक के तौर पर इन्होंने काम किया। ओके, तो ये नोट यहाँ पर आप कर सकते हैं। और केरल की अगर मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के CM कौन है, पिनरे विजयन, और यहाँ के गवर्नर कौन है, P सदाशिवम। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, आप इसको भी आप लोग न्यूज़ वगैरह में पढ़ते होंगे, तो अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो है, जो लोकसभा 2019 के इलेक्शन है इसमें अमेठी के बाद केरल की उन्होंने एक सीट चुनी है, उस सीट का क्या नाम है, तो राहुल गांधी इज कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम बिच प्लेस इन केरला आफ्टर अमेठी सीट। ठीक है, तो 2019 में अमेठी सीट से एक चुनाव लड़ रहे हैं और एक केरला में भी किसी सीट से लड़ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में बताओ अगर आपने न्यूज़ में इन चीज़ों को देखा है तब। ओके, एक और प्रश्न है दोस्तों जिसमें कहा गया है हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स नेटवर्क। ठीक है, तो देखो जो ESPN है इसमें फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया PB सिंधु को। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो मेल दिया गया है, ठीक है, मेल ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 किस स्पोर्ट्स पर्सन को, तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है, दोनों नोट कर लें, तो एक तो आपने PB सिंधु, ये फीमेल में, और मेल में क्या है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, और नीरज चोपड़ा जो है ये जेवलिन थ्रोअर है, मतलब भाला फेंक, ठीक है, इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ओके, और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं जिसमें कहा गया है विच इंडियन प्लेयर नेम्ड विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर। ठीक है, विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर में भारत के किस जो क्रिकेटर को नाम यहाँ पर दिया गया है, तो विराट कोहली को। ठीक है,
तो ये लोग आप नोट कर लें, विजडम्स लीडिंग क्रिकेटर में विराट कोहली को यहाँ पर नाम दिया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर बात करी जाए कि स्मृति मंधाना नेम्ड विजडम्स लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, तो ये मेन्स में विराट कोहली और वुमेन्स में ये वाला नाम है, ठीक है, स्मृति मंधाना, ठीक है, ये नाम नोट कर लो, स्मृति मंधाना। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि WHO विच इंडियन सिटी हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट ऑन द WHO's लिस्ट ऑफ 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, मतलब कि WHO की 15 सबसे प्रदूषित शहरों की जो सूची है उसमें भारत के किस शहर को पहला स्थान दिया गया है, ठीक है, तो ये है दोस्तों कानपुर। कानपुर जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है। हमें ये भी समझना होगा इसके बारे में कि क्या इसका क्राइटेरिया रहता है। तो देखिए, जहाँ पर जो पोल्यूशन लेवल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में, जैसे आपने देखा कि जो औद्योगिक शहर हैं भारत के, तो वहाँ पर क्या है कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसके हिसाब से वहाँ पर पोल्यूशन का लेवल भी हाई रहता है। तो भारत के जो 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें कानपुर जो है ये टॉप पर है, और ये WHO के आंकड़े अपने प्रस्तुत किए हैं, तो यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और फरीदाबाद हरियाणा जो है ये सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है, और फॉलोड बाय बनारस, ठीक है, तो ये तीन पोजीशन यहाँ पर आपको पता चल जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल लखनऊ, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है, राम नाइक, ठीक है। और आप लोग ये बताओ कमेंट में कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं यार इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जिसमें कहा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फाइनेंस, मतलब ये कहा जाए कि रक्षा मंत्रालय में जो सचिव के तौर पर, रक्षा वित्त, ठीक है, इसके तौर पर किसकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि डिफेंस फाइनेंस की अभी, डिफेंस फाइनेंस में सेक्रेटरी के तौर पर अभी नई नियुक्ति की गई है रक्षा मंत्रालय में, तो इनका नाम है गार्गी कॉल। ओके, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइटेड है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी जो केंद्र ने अपॉइंट किया है गार्गी कॉल को एज अ सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस, ठीक है, ये 1984 बैच की ऑफिसर हैं, ठीक है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज IAS में। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, अगर आपसे पूछा है कि रक्षा सचिव कौन है, तो ये हैं श्री संजय मित्र, ये IAS हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ की जो रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, ये कौन है, ये है श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा सकता है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो ये है सुभाष चंद्र गर्ग, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि ये जो भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है उनका नाम बताओ, तो ये दो तीन क्वेश्चन जो मैंने यहां पर आपको बता दिए ये आप इनको नोट कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि यहां पर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फाइनेंस में, या फिर मैं कहूं कि ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं ये लोग अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, तो देखो एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, ठीक है, तो उसके द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सबूज साथी प्रोजेक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज गॉट द UN बेग WSIS प्राइज 2019, मतलब भारत का वो कौन सा राज्य है जिसको साबूज साथी परियोजना को संयुक्त राष्ट्र समर्थित WSIS पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया, तो ये दोस्तों राज्य है वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा, दो स्कीम है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइस्किल्स फॉर स्टूडेंट, ठीक है। तो इन्हीं दो स्कीम्स को जो ये है UN बेग WSIS प्राइज, WSIS का मतलब क्या है, वर्ल्ड सबमिट ऑन ही इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है, तो ये बोलते हैं, मतलब वर्ड सबमिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS 2019 अवार्ड्स के लिए इसको चुना गया है, ओके। और आप ये देख लें कि जो स्कीम्स क्या हैं, एक है उत्कर्ष बंगला और एक है साबुज साथी, ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप नोट भी कर लें। और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल कोलकाता, और CM यहाँ पर है ममता बनर्जी, और गवर्नर कौन है, KN त्रिपाठी, केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है, गवर्नर CM, ठीक है, तो इनको भी आप लोग नोट कर लें। एक और क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स सब सोनिक क्रूज मिसाइल नेम्ड एज, मतलब भारत ने सफलतापूर्वक अभी सब सोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, इसका नाम आपको बताना है, तो इसका नाम है निर्भय। अभी हाल ही में भारत ने निर्भय का परीक्षण किया और ये एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक चीज़ आप ये नोट करना, इंडिजिनसली का मतलब होता है जो भारत ने निर्मित हो, ठीक है, भारत में निर्मित,
मतलब स्वदेशी भारत के द्वारा बनाई गई हो। ओके, तो ये एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है निर्भय। ठीक है, द ऑल वेदर मिसाइल हैज़ अ 1000 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज। इसकी रेंज कितनी है? 1000 किलोमीटर की। और अभी आपने ये देख लिया न्यूज़, ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी नोट कर लें कि कैपिटल सिटी भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और नवीन पटनायक और गवर्नर क्या है? गणेशी लाल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं आपके इस फॉर्मेट में। ओके, तो आप इनको भी नोट कर लें, उड़ीसा से इसको टेस्ट फायर किया गया। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो इसमें कहा गया है कि CMFRI, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो इसने अभी एक साइन किया है एग्रीमेंट, तो आपको बताना है किसके साथ में साइन किया है, विद टू सेव द कोस्टल वेटलैंड्स। ठीक है, मतलब ये कहा जाए कि CMFRI ने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट, एक समझौता साइन किया है, तो आपको बताना है किसके साथ मिलकर ये साइन किया है, मोटिव क्या है, टू सेव कोस्टल वेटलैंड्स। ठीक है, देखो कोस्टल वेटलैंड्स को हिंदी में कहते हैं तटीय आर्द्र भूमि। ठीक है, तो CMFRI ने तटीय आर्द्र भूमि को बचाने के लिए अभी एक समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए, तो ये किए दोस्तों इसरो के साथ में। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ये नोट कर लें, और देखो CMFRI की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये आप नोट कर लें, और इसरो, इन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट हैंड्स है, मतलब MOU समझौता साइन हुआ है। ठीक है, बेल्डेड एंड प्रोटेक्ट स्मॉलर वेटलैंड्स इन कोस्टल रीजंस। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए ऐसा किया गया है। और इसरो की बात की जाए तो डायरेक्टर हैं के सिवान, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, 1969 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। आप लोग अब कमेंट करके मुझे बताओ कि चेयरमैन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO, इसके चेयरमैन कौन है। ओके, और आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर वेटलैंड्स के बारे में पढ़ सकते हो, फिल्टर क्लीन स्टोर वाटर को करते हैं। ओके, और कलेक्ट एंड होल्ड फ्लड वाटर्स, इसके काम में भी सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स का यूज़ होता है। ठीक है, और बाइंड को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो टेडल फोर्सेस होते हैं इनको भी रोकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वॉटर पार्क इनोग्रेटेड इन, मतलब भारत का पहला वॉटर पार्क जो है इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पर, तो गुरुग्राम में। ठीक है, अब ये क्यों किया गया इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये भारत का पहला एक वॉटर पार्क होगा जिसका इनोग्रेशन अभी गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। ओके, और मेन एम क्या है, इंक्रीजिंग वॉटर अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, मतलब जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस है और लोगों को अवेयर करना वोट के बारे में, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं लोगों को बताना, तो इस वजह से ये जो है वॉटर पार्क, इसका इनोग्रेशन गुरुग्राम में किया गया। ओके, और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के CM है मनोहर लाल खट्टर जी, और गवर्नर कौन है? ये है सत्यदेव नारायण आर्या। ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ पर लेते हैं, देखो इसमें क्या कहा गया है कि विच कंट्री टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट ADIBF 2019, मतलब कि कौन सा देश ADIBF 2019 में जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है ऑनरी, ठीक है, गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री, ठीक है, सम्मानित अतिथि देश होगा। ओके, तो ये है दोस्तों भारत। अब ये बहुत बड़ा भारत के लिए एक जो है प्राइड ऑनर समझ सकते हैं आप। तो देखो हम एक बार ये समझ लेते हैं कि ADIBF है क्या। ये है दोस्तों आपका अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर, जिसको हम कहेंगे ADIBF 2019। ठीक है, इसमें गेस्ट ऑनर कंट्री, सम्मानित अतिथि देश के रूप में भारत जो है ये आएगा। ओके, और UAE ने, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, इसने अभी अनाउंसमेंट किया है इस चीज़ का, तो आप लोग ये देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, और करेंसी यहाँ पर चलती है दिरहम। ठीक है, दिरहम करेंसी, कई बार पूछा जाता है कि UAE में कौन सी करेंसी चलती है, तो दिरहम चलती है। प्रेसिडेंट कौन है? यह है खलीफा बिन जैयद अल नहान। ठीक है, और आप लोग बताओ कि सऊदी अरबिया की करेंसी क्या है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं, जिसमें कहा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में NBCC। ठीक है, तो अभी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, जिसको बोलते हैं NBCC, तो इसके नए CMD के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो ये हुई है शिवदास मीना की। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछाएगा नियुक्ति में से, ये तो शिवदास मीना एक IAS ऑफिसर है तमिलनाडु कैडर के 1989 बैच के, तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है CMD के तौर पर, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन में। ठीक है, और ये किसको सक्सीड करेंगे? डॉक्टर अनूप कुमार मित्तल को। ठीक है, एक और प्रश्न यहां पर है, जिसमें दोस्तों कहा गया है कि
विच स्पेस एजेंसी लॉन्च फर्स्ट कमर्शियल मिशन मोस्ट पावरफुल रॉकेट। ठीक है, मतलब कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहला वाणिज्यिक मिशन सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। ओके, तो ये आपसे उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम पूछ रहा है, तो ये दोस्तों स्पेस एक्स, ठीक है, यूएस का। अब अभी मैं आपको बताऊं कि स्पेस एक्स किसके द्वारा ऑन्ड है, तो आपने नाम सुना होगा एलन मस्क, ठीक है, ये इसके सीईओ हैं। तो आप यहाँ पर देख लें, ये वैसे एलन मस्क दुनिया के बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोगों में शामिल हैं। तो स्पेस एक्स, टेस्ला जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, और सोलर सिटी, ये इनके बहुत सारे ड्रीम रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी अभी बहुत हाईली वॉल्यूम सक्सेस पा चुके हैं। ओके, द मोस्ट पावरफुल ऑपरेशन रॉकेट इन द वर्ल्ड स्पेस एक्स फैल्कॉन हैवी लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल मिशन फ्रॉम फ्लोरिडा यूएस। ठीक है, तो यूएस से अभी इसको लॉन्च किया गया, ये कमर्शियल मिशन है। ठीक है, और सीईओ एलन मस्क, ठीक है, अगर हम स्पेस एक्स की बात करें, और फाउंडर भी यही है, और 6 मई 2002 को इसको बनाया गया था स्पेस एक्स को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएस। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लें। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक मार्केट ओवरटेक्स जापान टू बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट, मतलब कि निम्न में से कौन सा स्टॉक मार्केट जापान को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है। ओके, तो अभी क्या हुआ है, हांगकांग का जो इक्विटी मार्केट है उसने ओवरटेक कर लिया है जापान के। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें, अब ये हांगकांग हो गया है। तो यहाँ पर अभी आपने रिसेंट आर्टिकल पढ़ा होगा, हांगकांग ओवरटेक्स जापान एज अ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप यहाँ पर हांगकांग को पिक करेंगे, और किसको ओवरटेक किया है, जापान। ठीक है, हांगकांग्स इक्विटी मार्केट हैज़ ओवरटेकन जापान टू बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इन वैल्यू। पहले नंबर पर कौन है, देखो यूएस, इसके बाद में चाइना, फिर अब आ गया हांगकांग। ठीक है, तो करेंसी चाइना, हांगकांग में क्या है, यह हांगकांग डॉलर। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, किसी फॉर्मेट में, ये न्यूज़ जो है 10 अप्रैल 2019 की है। तो देखो ये जो करंट इश्यूज हैं ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ओके, एक और प्रश्न यहाँ पर लेते हैं जिसमें कहा गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हैतीज़ न्यू प्राइम मिनिस्टर, मतलब हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। ओके, तो ये हैं जीन मिकेल लेपेन। ठीक है, तो ये आप नाम इनका नोट कर लें, इनका नाम है दोस्तों जीन मिकेल और लेपेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लें, प्रेसिडेंट, ठीक है, जोवेल मॉइस अपॉइंट अनाउंस दैट जीन मिकेल लेपेन विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती। ठीक है, अगर मैं हैती की बात करूँ तो यहाँ की जो कैपिटल है यह पोर्ट ऑफ प्रिंस, और यहाँ पर करेंसी चलती है हैतियन गॉर्डे। ठीक है, और आप एक क्वेश्चन और यहाँ पर बताओ, अभी हमने रिसेंट में डिस्कस किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, ये री इलेक्टेड है। ठीक है, तो अभी आपको बताना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने कई बार सुना भी होगा इनके बारे में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल कौन है, और लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इसराइल की जो एजेंसी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ये है दोस्तों मोसाद। ठीक है, जैसे खुफिया एजेंसी की अगर बात की जाए तो इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। जिन लोगों ने इसका रिप्लाई दिया था बिल्कुल ठीक था। ओके, एक और प्रश्न यहाँ पर हम लोग लेते हैं जिसमें कहा गया है कि विच इंडियन पर्सनालिटी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। ठीक है, मतलब कि किस भारतीय शख्सियत को लंदन शहर की स्वतंत्रता से सम्मानित किया गया, मतलब ये एक तरीके का ऑनर है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। ओके, तो ये लंदन शहर की आप ये समझ सकते हैं कि ऑनर दिया गया, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, किस भारतीय शख्सियत को ये दिया गया, तो ये है दोस्तों जी वैद्यान को। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एलिस जी वैद्यान, ये CMD हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC के। ओके, तो अभी इनको ये अवार्ड दिया गया, हैज बीन अवार्डेड एज अ फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन इन रिकॉग्निशन ऑफ हर वर्क। ठीक है, किस लिए दिया गया, टू प्रमोट द इंश्योरेंस टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके, मतलब भारत और यूके के बीच में जो इंश्योरेंस टाई है इसको प्रमोट करने के लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित, मतलब एक तरीके का ये ऑनर इनको दिया गया। ओके, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। एक और प्रश्न यहाँ पर है, देखो इसमें क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड्स फॉर मोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है, ठीक है, इसको इसकी मेजबानी करेगा, तो ये UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये आप नोट कर लें, इज ऑल सेट टू होस्ट द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समिट। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है दुनिया की, ये कहाँ पर कौन सा देश की मेजबानी कर रहा है, तो ये आप बता पाओगे। ओके, द इनॉग्रल AI एवरीथिंग
AIE will take place at the Dubai World Trade Center. ठीक है, तो ये भी यहाँ पर नोट कर लें। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें आपसे कहा गया है कि which of the following telescopes has captured the first ever black hole image? ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया कि अभी कौन सा जो टेलीस्कोप है जिसने ब्लैक होल इमेज को कैप्चर किया है। ओके, तो ये क्वेश्चन, इसका मतलब है EST ने। अभी इसकी हम सारी पूरी जानकारी आपको देते हैं। EST का मतलब है इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप। इसने अभी ब्लैक होल को जो है इसका पिक्चर कैप्चर किया है। अभी आपने देखा होगा ब्लैक होल को हिंदी में क्या कहते हैं, कृष्ण विवर कहते हैं। ठीक है, ये मैंने इंटरनेट से आप सभी के लिए एक छोटा सा आर्टिकल निकाला है जिसमें क्या कहा गया है कि ब्लैक होल पूरे यूनिवर्स का है सबसे खतरनाक आकाशीय पिंड है, जो अपने एरिया में, जो इसके संपर्क में जो भी सभी चीजें आती हैं उनको ये अब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब उनको पार पार निकाल देता है। यदि यहां तक कि प्रकाश की जो स्पीड है, ठीक है, उसको भी ये निकाल देता है अपने आर पार। ठीक है, उसे भी अपने में समा लेता है, यानी लाइट का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रीजन बहुत ज्यादा ग्रेविटी, जिसे स्पेस और टाइम दोनों विकृत हो जाते हैं। तो आप इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी पढ़ सकते हैं गूगल पर जाकर, व्हाट इज ब्लैक होल, ठीक है, ये थ्योरी क्या है और किस तरीके से अभी ये न्यूज़ में आया। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें, अभी ये एस्ट्रोनॉमर्स ने कैप्चर किया है पहली इमेज ब्लैक होल की, तो ये न्यूज़ में आया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। ओके, और अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, मतलब मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है किस तारीख को, तो 12 अप्रैल को। ओके, अभी मैं आपको बता दूं कि डेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, टू सेलिब्रेट ईच ईयर एट द इंटरनेशनल लेवल द बिगनिंग ऑफ द स्पेस एरा फॉर मैनकाइंड। ठीक है, तो इस वजह से इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि वर्ल्ड एलर्जी वीक 2019 ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, तो ये 7 से 13 अप्रैल को ये पूरा वर्ल्ड एलर्जी वीक, जिसको हम कहते हैं विश्व एलर्जी सप्ताह 2019, प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। इसके बारे में हम कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट कर लेते हैं। थीम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पता है 7 से 13 अप्रैल 2019। ठीक है, और द थीम ऑफ द वर्ल्ड एलर्जी वीक ये क्या है 2019 की, द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ द फूड एलर्जी। ठीक है, ये आप नोट यहाँ पर कर लें, थीम पूछा आएगा। आप लोग अभी बताओ, रिसेंटली हमने डिस्कस किया था नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, आप बताओ नेशनल मैरीटाइम डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक और प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक नेम्ड एज अ नंबर वन एज पर द फोर्ब्स मैगजीन। ठीक है, मतलब कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार नंबर वन जो बैंक है उसका नाम आपको बताना है, तो ये दोस्तों HDFC है। अभी ऐसा क्यों है, इसके आंकड़े भी आपको बताना चाहिए। HDFC बैंक हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ नंबर वन बैंक बाय कस्टमर्स इन इंडिया एज पर फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट बैंक सर्वे। HDFC बैंक इमर्ज एज अ इंडियाज नंबर वन, ICICI बैंक वॉज एट नंबर टू एंड SBI वॉज सरप्राइजिंगली रैंक्ड 11th इन द लिस्ट। ठीक है, तो ये आप आर्टिकल पूरा पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या पैरामीटर्स वहां पर लिए गए हैं। आर्टिकल में ये क्वेश्चन आया था, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार नंबर वन बैंक के रूप में कौन सी बैंक का नाम है, तो HDFC, इसके बाद जो है आपको मैंने बताया ICICI बैंक। ठीक है, फिर SBI जो है ये 11 नंबर पर है, बहुत सारे रीजन्स हैं यहाँ पर। ओके, MD की बात की जाए HDFC के, तो ये आदित्यपुरी, और आप बताओ थर्ड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी आपने देखा था न्यूज़ में आया था। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया जो मर्जर हुआ था, हमने आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, तो आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक और प्रश्न है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि विच मोबाइल वैलेट प्रोवाइडर हैज टाई अप विद MMTC PMP इंडिया टू लॉन्च गोल्ड बाइंग फीचर, मतलब कि वो कौन सा मोबाइल वैलेट प्रोवाइडर है जिसने अभी MMTC PMP इंडिया के साथ में सोने की खरीद की सुविधा देने के लिए अभी एक करार किया गया है। ओके, आपने देखा है बहुत सारे जो मार्केट में वैलेट अवेलेबल हैं, तो ये गोल्ड क्वाइन आप परचेस कर लो। ठीक है, जैसे एक आता है बाय का और एक आता है सेल का। ठीक है, तो आप जिस रेट में खरीदते हो, फिर बाद में जो सेल की वैल्यू होती है उस समय तो कम होती है, लेकिन बाद में जब सेल की वैल्यू बढ़ जाए तो आप उसको सेल कर सकते हो। तो इस वजह से बहुत सारी ये पॉपुलर ऐप जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, इसमें ऑलरेडी है ये। तो अभी मोबाइल वैलेट प्रोवाइडर जिसका नाम है गूगल पे, इसने भी अभी MMTC PMP इंडिया के साथ में जो है ये किया है,
ओके तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये गूगल प्ले मोर यूजफुल फॉर इंडियन कस्टमर्स, गूगल हैज़ पार्टनर विद MMTC PMP, ठीक है। तो इसके साथ में अभी एक टाई अप हुआ है जिसमें गोल्ड की बाइंग और सेलिंग होगी इस ऐप के थ्रू, गूगल पे के थ्रू। तो आपको मैं बता दूँ MMTC PMP होता क्या, ये एक वर्ल्ड लीडर है इन प्रीसियस मेटल बिजनेस, ठीक है। MMTC जो है और PMP ये एक जो मेटल बिजनेस है इसमें ये वर्ल्ड लीडर है, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड रिटेनिंग सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस बाय प्योर गोल्ड। तो यहाँ से आप जो है गोल्ड वोल्ड का परमिशन जो है मिलता है अगर आप इस तरीके के फीचर को अडॉप्ट करना चाहें। तो इस वजह से ये अभी टाई अप हुआ है MMTC PMP के साथ में, ठीक है। ये गोल्ड जो सर्विसेज हैं इससे रिलेटेड इनको प्रोवाइड करता है, ओके। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है इस फॉर्मेट में क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। एक और प्रश्न है यहाँ पर, विच डिजिटल कंपनी एक्वायर्स बिबमो फॉर $70 मिलियन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर में कौन सी डिजिटल कंपनी ने बिबमो का अधिग्रहण किया है, ठीक है। पेयू ने बिबमो को अभी एक्वायर कर लिया है, तो पेयू डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी एंड पेमेंट, ठीक है। तो इसने अभी बिबमो एक US का फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म है, इसको 70 मिलियन डॉलर लगभग 484 करोड़ में जो है इसको अभी एक्वायर किया, ओके। तो ये न्यूज़ आएगी। पेयू क्या है, एक तरीके की पेमेंट डिजिटल पेमेंट गेटवे सर्विसेज हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, हु अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग रिनोन्ड हिंदी पोएट पास अवे रिसेंटली, मतलब हाल ही में निम्नलिखित में से भारत के वो कौन से प्रसिद्ध हिंदी कवि जिनका अभी निधन हुआ, तो उनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है प्रदीप चौबे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रदीप चौबे अभी प्रसिद्ध हिंदी कवि, इनका निधन हो गया, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं हिंदी पोएट प्रदीप चौबे रिसेंटली पास्ड अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो दिल हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हुआ, और ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ सेलिब्रेटेड ह्यूमरिस्ट और सैटिरिस्ट एंड पोएट साहिल चतुर्वेदी, ठीक है। इनके ये यंगर ब्रदर भी थे, ओके। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें कहा गया है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर कैप्टन टू विन 100 मैचेस इन IPL हिस्ट्री। देखो इंडियन प्रीमियर लीग जो है इसके इतिहास में 100 मैच जीतने वाले कप्तान के तौर पर वो कौन सा खिलाड़ी है, उसका नाम बताना है। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, इन्होंने एज अ कैप्टन रहते हुए 100 मैच जीतने का जो कारनामा है वो कर लिया है, अभी हाल ही में अचीव हुआ। तो इस क्वेश्चन को एज अ ट्रिविया, क्रिकेट ट्रिविया के तौर पर आप देख सकते हैं, ठीक है, पूछा भी जा सकता है। तो महेंद्र सिंह धोनी ये फर्स्ट एवर कैप्टन है जिन्होंने 100 विंस रजिस्टर किया अभी हाल ही में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। एक और प्रश्न है दोस्तों जिसमें कहा गया है, हु विंस 2019 मास्टर्स टू क्लेम 15th मेजर इन गोल्फ, ठीक है। मतलब किसने अभी 2019 जो है गोल्फ में 15वें जो मास्टर्स हैं, ठीक है, गोल्ड मास्टर्स, गोल्फ मास्टर्स के तौर पर जो है अपना दावा पेश किया है, मतलब किसने ये खिताब जीता है, ओके। तो ये टाइगर वुड्स, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा, तो आप लोग नोट कर लें, फेमस गोल्फर टाइगर वुड्स, ठीक है, इन्होंने एक नया अचीवमेंट लिया है, तो इसको भी आप लोग देख लें। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि टाइगर वुड्स जो है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको थोड़ा सा और भी अधिक जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। एक और प्रश्न है दोस्तों जिसमें कहा गया है, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इज द रिसिपियंट ऑफ न्यूजीलैंड्स प्राइम मिनिस्टर सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप फॉर 2019, मतलब 2019 के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। तो ये है दोस्तों दीपा मलिक, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा, रियो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट, ठीक है, दीपा मलिक हैज़ बीन नेम्ड एज अ रिसिपियंट ऑफ द न्यूजीलैंड्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इस अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेशन किया गया है। और एक चीज मैं आपसे और कहूंगा कि आप लोग बताएं कि न्यूजीलैंड में जो है कैपिटल क्या है, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। देखो बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं, ओके, अगर आपने गैस कर लिया तो वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की कैपिटल है, और अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। और जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसको आप एक बार सर्च कर लिया करो, थोड़ी आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं जिनको मैं यहाँ पर रैंडम देखता हूँ, ओके। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हु विंस फार्मूला वन 1000 रेस, मतलब फार्मूला वन की 1000वीं रेस जो है उसके विजेता कौन है, ओके। तो ये है दोस्तों लेविस हैमिल्टन, ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं लेविस हैमिल्टन। इन्होंने भी चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जो है ये रिकॉर्ड 6 टाइम जीता। ही सीज द ओवरऑल लीड फ्रॉम हिज मर्सिडीज टीममेट
वेल्ट्री बोटास इन फॉर्मूला वन 1000 वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आप नोट कर सकते हैं, ओके। और ये हैं दोस्तों यूके के, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और कैपिटल क्या है, लंदन, और करेंसी है पौंड, और पीएम है यहाँ पर थेरेसा मे, ठीक है। तो आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बताओ कि चाइना की करेंसी क्या है, ओके। कई बार हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, एग्जाम में भी पूछा आता है, तो ये आपके रैंडम क्वेश्चंस में आ जाएगा, ओके। एक और दोस्तों प्रश्न है, इसमें आपसे कहा गया है कि हु क्लिंचेस गोल्ड इन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019, मतलब बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019 में किसने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये जीता है किसने, मीना कुमारी मेस्मान ने, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा, इंडिया बैग गोल्ड एंड 2 सिल्वर मेडल एट द बॉक्सिंग वर्ल्ड कप एट इन जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019 में, इसमें भारत ने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, जिसमें गोल्ड किसने जीता, तो यह है मीना कुमारी, इनका नाम डायरेक्टली नोट कर लेना। ये मणिपुर से हैं, ओके, और 54 वर्ग किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जो है स्वर्ण पदक जीता है। एक और प्रश्न है यहाँ पर, इसमें आपसे पूछा गया है कि हु हैव बीन अपॉइंटेड एज अ FIH हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी चेयरपर्सन, ठीक है। मतलब ये कहा जाए कि FIH स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्ति किया गया, ओके। तो ये है विभू कल्याण नायक, इनको बनाया गया। तो थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि विभू कल्याण नायक बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको हम कहते हैं FIH, ठीक है। तो FIH के जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसके अध्यक्ष के रूप में अभी किसकी अपॉइंटमेंट हुआ है, ये हुआ है दोस्तों विभू कल्याण नायक, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लेना। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु बिकम्स द जामिया मिलिया इस्लामिया फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर, मतलब कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति के तौर पर अभी किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये हुआ है नजमा अख्तर का, ठीक है। न्यूज़ में भी आया था ये चीज़, तो यहाँ पर आप देख लें, प्रोफेसर नजमा अख्तर अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये पहली महिला बनी है जो इस चार्ज को होल्ड करेंगी। एक और प्रश्न है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि हु वॉन द वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019, मतलब कि वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 जो है इसके विजेता कौन है, और उनका नाम आपको बताना है, तो ये है जॉन मोरे, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनेगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि वो कौन सी पिक्चर थी जिसके लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड इनको दिया गया। तो ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि एक छोटी बच्ची जो है ये रो रही है, इसको और इसकी मदर को जो है कस्टडी में लिया है, ओके, किसने, US बॉर्डर ऑफिसर्स इन टेक्सास ने, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, एन इमेज ऑफ द लिटिल गर्ल क्राइंग एज सी एंड हर मदर हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी बाय US बॉर्डर ऑफिसर्स इन टेक्सास, ठीक है। तो इस इमेज को जो है प्रेस्टिजियस वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जो है ये क्लिक इन्होंने किया, तो ये अवार्ड जो है इनको जाता है। तो ये आप नोट यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट में और बता दें, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ US कौन है, कई बार ये क्वेश्चन में आया हुआ भी है, ओके। तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे फिर और क्वेश्चंस के साथ में, बिग थ्री का पार्ट वन, तो यहाँ पर आपको अदर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, और हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे currentaffairsfunder.com पर। इसका प्रॉपरली आपको PDF थोड़े टाइम के बाद अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ पर आप चेक कर लेना। वैसे मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, जैसे ही ये मंथ एंड होगा तो पूरे मंथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको एक बार में PDF में मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग रिवाइज भी कर पाएँ। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी करें, अपना सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा गया है, इंडियाज फर्स्ट फॉरेन इंटरेक्टिव बर्ड पार्क लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, मतलब भारत का पहला विदेशी इंटरेक्टिव बर्ड पार्क जो है वो किस शहर में शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये मुंबई में शुरू किया गया है, ये एक एग्जोटिक जो है बर्ड पार्क है। एग्जोटिक का मतलब होता है कि फॉरेन थिंग्स, ठीक है, या फिर विदेशी चीज़ें, या फिर हम अलग सेंस में भी कहते हैं कि जैसे वियर्ड हो, जो अजीब हो, ठीक है, तो उनको भी हम लोग एग्जोटिक कहते हैं। तो यहाँ पर भारत का ये पहला एग्जोटिक बर्ड पार्क है, ओके। इसको आप इस तरीके से भी समझें कि फॉरेन इंटरेक्टिव बर्ड पार्क, जो कि मुंबई में जो है अभी इसको ओपन किया गया है, ओके। और आप लोग और भी पैरेलल कुछ क्वेश्चन जरूर याद करा करें, क्योंकि देखो अगर हम जिस स्टेट की बात करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ के CM है देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। अब गवर्नर आप लोग बताओ कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन फ्लैट में आपसे जरूर पूछूंगा, ताकि आपको भी पता चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें कहा गया है कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल FRS, मतलब कि भारत की जो पहली महिला जो है FRS है वो कौन यहाँ पर बनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो FRS का मतलब होता है फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। ओके, तो अभी जो गगनदीप कंग है इनको जो है ये उपाधि दी गई है, मतलब कहा जाएगी फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। ओके, ये प्रोफेसर है, तो आप यहाँ पर नोट कर लें, ये फर्स्ट इंडियन फीमेल साइंटिस्ट है जिनको इलेक्ट किया गया है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS इन द UK फेलोशिप 358 ईयर हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि अभी रिसेंट से है, और FRS का मतलब क्या होता है, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। ठीक है, ये UK के द्वारा फेलोशिप है और इसमें प्रोफेसर गगनदीप किंग है, ये पहली भारत की फीमेल साइंटिस्ट हैं जिनको ये उपाधि दी गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। एक और प्रश्न है जिसमें कहा गया है इंडियाज रैंक इन वर्ड फ्रीडम वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019, मतलब आपको बताना है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसमें भारत की कौन सी सूची में भारत को लिस्ट किया गया, भारत की रैंक कितनी है। तो भारत की रैंक है 140। ओके, अब आपको ये भी समझना होगा कि इसमें टॉप किसने किया है, नॉर्वे टॉप पर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि टॉप किसने किया है नॉर्वे, भारत की पोजीशन कितनी है, तो ये है दोस्तों 140। ठीक है, जो प्रेस फ्रीडम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 है ये रैंक आई है, तो 140 जो रैंक है ये 180 देशों में है। ठीक है, तो अभी भी बहुत अच्छी हालत नहीं है। ओके, और ये रिपोर्ट जो है रिलीज की जाती है रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर रखना है। ओके, एक और प्रश्न यहाँ पर है जिसमें आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर रिगेन्स टॉप स्पॉट इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियंस। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है कि कौन सा जो प्लेयर है जिसने टॉप स्पॉट पर आ गया है वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग्स में। ठीक है, तो भारत का वो कौन सा खिलाड़ी है जो विश्व कुश्ती रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आ गए, तो ये है बजरंग पुनिया। ठीक है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन और भी तरीके से पूछा जाता है कि कौन से किलो वर्ग में ये वैसे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैन 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी रैंकिंग में अब ये टॉप पर आ गए हैं। ओके, और ये रैंकिंग रिलीज किसके द्वारा की जाती है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। ठीक है, अब अगर मैं इनकी बात करूँ बजरंग पुनिया की, तो इन्होंने गोल्ड जीता था एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, एज अ सिल्वर इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018, तो काफ़ी हमारे भारत के बड़े खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, तो कुश्ती में ये हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ओके, रेसलिंग स्पोर्ट्स पर्सन, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि रंगोली बिहू ये एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है किस राज्य में, मतलब कहा जा रहा है कि रंगोली बिहू महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये दोस्तों असम में मनाया जाता है। ठीक है, असम का ये फेस्टिवल है, तो अभी इसके बारे में न्यूज़ आई थी कि असम्स मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल द रंगोली बिहू, इसको हम लोग बोहंग बिहू के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं पर आपको ये वाला नाम मिल जाए बोहाग बिहू, ठीक है, तब आप यहाँ पर उसको इस फॉर्मेट में देख लेना। ओके, ये दोनों नाम सेम है, अगर लिखा हो रंगोली बिहू या फिर बोहाग बिहू, ये दोनों सेम है, असम का ये फेस्टिवल है। ओके, और विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द न्यू SMEs कैलेंडर ये स्टार्टेड, मतलब इस दिन जो असम का नया कैलेंडर ये स्टार्ट होता है, तो इसी चीज़ को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर असम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्वानंद सोनोवाल, और गवर्नर यहाँ पर है ये जगदीश मुखी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग एक एक करके तैयार भी करते रहो। एक और प्रश्न है जिसमें कहा गया है विच इंस्टीट्यूट सेटअप 5G लैब फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब कि बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए किस संस्थान ने 5G लैब स्थापित करने की मुहिम जो है शुरू की है, तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नेम दिए गए हैं। तो इसमें दोस्तों है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म कहीं पर लिखा हो तो ये इस तरीके से लिखते हैं IDRBT। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, तो ये आप नोट कर लें। और ये आर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसने 5G यूज जो है किस लैब जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए इसको लॉन्च किया है। इसके द्वारा क्या होगा कि द 5G टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद ब्लॉकचेन विल बी प्रोग्रेसिवली अडॉप्टेड बाय द बैंक्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा कि 5G लैब फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर किसने अभी इसको लॉन्च किया। ओके, या फिर ये जो है किस आम बैंक का है, तो मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ ये पॉइंट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और अगर आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, शक्तिकांता दास, आपने देखा होगा, ठीक है, और भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं तो आप लोग आरबीआई की और भी इन्फॉर्मेशन को जरूर पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि विच आईआईटी हैज़ फाउंड अ न्यू मेथड टू डिटेक्ट ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, मतलब कि स्तन एवं अंडाशय कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सी आईआईटी ने एक नई जो विधि, नया मेथड अभी फाउंड किया है। ओके, तो ये आईआईटी रुड़की में ऐसा शोध हुआ है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट किया जाए, इसके लिए एक नया मेथड जो है ये अभी ढूंढा गया है। ओके, तो ये डायरेक्टली नोट इंपॉर्टेंट कर लें कि आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स ने ये अभी जो है एक उपलब्धि हासिल की है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट एंड साइट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, मतलब क्वेश्चन है कि स्मारक एवं स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर एक वर्ष मनाया जाता है और ये किस तिथि को मनाया जाता है। देखो, मोनूमेंट्स का मतलब होता है कि हमारी विरासत, जो हमारे यहाँ पर पुराने स्थल हैं, स्मारक हैं, उनको हम लोग मोनूमेंट्स कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ताजमहल एक मोनूमेंट है, ठीक है, तो आप ये यहाँ पर समझ सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट एंड साइट्स जो है हर एक वर्ष जो है ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लें। कई बार इसकी थीम पूछी जा सकती है, द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट एंड साइट 2019 ये क्या है, रूरल लैंडस्केप्स, ठीक है, थीम यहाँ पर है रूरल लैंडस्केप्स, ये इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन आप लोग ये बताओ कि जो गरबा है, गरबा डांस जो है ये कौन से राज्य का है, किस स्टेट से ये रिलेट करता है, बहुत फेमस है, कई बार ये आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स में, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताओ, वरना मैं इसको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया जाता है, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2019 ये कब मनाया जाता है। डायरेक्टली इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनता है, तो ये दोस्तों 12 अप्रैल को, ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लें, द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 12 ऑफ अप्रैल, हर एक वर्ष जो है 12 अप्रैल को ये ऑब्जर्व होता है। ओके, व्हाई, टू मार्क द बिगनिंग ऑफ द स्पेस एरा फॉर मैनकाइंड एंड री अफर्मिंग द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इस वजह से ये जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और एक और प्रश्न है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया है। देखो, वॉट इज द थीम ऑफ द 2019 वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्ल्ड हेरिटेज डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट एंड साइट्स, तो दोनों चीज़ें ही सेम होती है, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया कि इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट एंड साइट्स, ठीक है, ये या फिर वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस 2019, तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा रहा है इसकी थीम क्या है, तो यही होगी रूरल लैंडस्केप। ओके, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लें, 18 अप्रैल को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट एंड साइट्स, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि विच स्मॉल फाइनेंस अवार्डेड द सिलेंट मॉडल बैंक 2019 अवार्ड। ओके, मतलब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन से लघु वित्त को, ठीक है, सिलेंट मॉडल बैंक 2019 का पुरस्कार जो है ये दिया गया, तो ये दोस्तों फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको ये जो है सिलेंट मॉडल बैंक 2019 अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, तो आप लोग इसको डायरेक्टली नोट कर लें। ये फर्स्ट टाइम अचीवमेंट है कोई भी इंडियन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, तो इस वजह से ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, अब आप लोग एक क्वेश्चन बताओ कि पेटीएम जो है, पेटीएम के फाउंडर कौन है, पेटीएम का हेडक्वार्टर अभी मैंने रिसेंटली डिस्कस किया था, ये आपका नोएडा में, ठीक है, अब आप बताओ पेटीएम के जो फाउंडर हैं उनका क्या नाम है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एक और प्रश्न है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड, इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव सक्सेसफुली प्रिंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D हार्ट बाय यूजिंग अ पेशेंट्स बायोलॉजिकल मटेरियल, ठीक है, मतलब कोई भी एक पुरुष है, ठीक है, तो उस मरीज का जो बायोलॉजिकल मटेरियल है उसको यूज़ करते हुए दुनिया का पहला 3D दिल जो है ये सफलतापूर्वक, ठीक है, इसको एक 3D शेप दिया गया है, बनाया गया है, तो आपको बताना है कि बेसिकली कौन से देश ने ये कारनामा किया है, तो ये दोस्तों इसराइल ने किया है। ओके, तो डायरेक्टली यहाँ पर आप देख लें, इसराइल के जो रिसर्चर्स हैं
उन्होंने क्रिएट किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट थ्री डायमेंशनल 3D प्रिंटेड हार्ट यूजिंग अ पेशेंट्स ऑन सेल्स, ठीक है, उसके बायोलॉजिकल फीचर बायोलॉजिकल मेटेरियल को यूज करते हुए ऐसा बनाया है। अगर क्वेश्चन पूछा है कि किस यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर ध्यान रखना यह तल अबीब यूनिवर्सिटी, ठीक है, तल अबीब यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं इसराइल कंट्री के, तो उन्होंने 3D प्रिंटेड जो है, मतलब कोई भी पेशेंट है उसके बायोलॉजिकल मटेरियल को यूज़ करते हुए 3D प्रिंटेड जो है एक हार्ट जो है इसको डिज़ाइन किया है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक और प्रश्न है यहाँ पर जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018-19 में नेट स्टील आयातक बन गया है, मतलब कौन सा कंट्री नेट स्टील इंपोर्टर 2018-19, ठीक है, नेट स्टील इंपोर्टर बन गया है 2018-19 में, तो ये दोस्तों है भारत। ओके, तो डायरेक्टली ये दाहिंदो में आपने एक आर्टिकल भी पढ़ा होगा, इंडिया शिफ्ट टू नेट स्टील इंपोर्टर इन 2018-19 फिस्कल। ओके, तो ये डिमांड ऑफ हायर क्वालिटी स्टील ग्रोज है, तो इस वजह से भारत जो है काफी ज्यादा बड़ा एक इंपोर्टर बन गया है। ओके, तो इसको आप नोट कर लें। एक और प्रश्न है दोस्तों जिसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सन अमॉन्ग द टाइम्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, मतलब कि जो दुनिया के सबसे जो भारत के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं इनकी सूची में किसको अभी जो है टाइम्स की उसमें लिस्ट में शामिल किया गया है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए इनमें मुकेश अंबानी ही केवल आ रहे हैं। ओके, और इनके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटर जिनका नाम है अरुंधति काटजू और मेनिका गुरुस्वामी, ठीक है, ये इंडियन नेम्स हैं जो इस लिस्ट में आए हुए हैं। तो अगर कहा जाए कि टाइम्स की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट है, ठीक है, इंडियन पर्सन की, तो उसमें इनके नाम आए हुए, तीनों का नाम नोट कर लें, ये है मुकेश अंबानी और अरुंधति काटजू और मेनिका गुरुस्वामी, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन तीन पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखो ऑप्शंस में जो दिए गए वो पर्सन इनके अलावा नहीं है, ठीक है, मुकेश अंबानी है, बाकी लोग नहीं, लेकिन कभी भी अगर आपको ऑप्शन दिया होगा तो कुछ इस तरह से दिया होगा कि या तो इनका नाम दिया होगा, ठीक है, कोई भी एक दिया होगा तभी आप उसको चूज कर पाओगे, ठीक है, या ऑल ऑफ द एबव भी दे सकते हैं, ठीक है, तीन ऑप्शन दे दिए, फिर लास्ट दे दिया ऑल ऑफ द एबव। ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च लर्निंग क्वाइन फॉर इन हाउस पर्पजेज, मतलब कि विश्व बैंक के साथ मिलकर कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इन हाउस प्रयोजनों के लिए एक लर्निंग क्वाइन जो है ये लॉन्च किया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका मेन पर्पस क्या है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक के साथ में और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है, तो IMF के साथ मिलकर ये लर्निंग क्वाइन लॉन्च किया गया। डायरेक्टली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनेगा कि लर्निंग क्वाइन अभी किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, तो ये है विश्व बैंक और आपका वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख लें कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों साथ मिलकर इन्होंने एक प्राइवेट ब्लॉकचेन विद इन अ स्यूडो टोकन इसको लॉन्च किया है, और इसी वजह से यह आया कि लर्निंग क्वाइन जो है एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है। तो अगर प्राइवेट ब्लॉकचेन है तो केवल इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, तो जो न्यू टोकन है जिसको लर्निंग क्वाइन कहा गया है ये ओनली एक्सेसिबल विद इन द IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, हैज अ पर्पस टू टीच रिलेवेंट इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द ब्लॉकचेन। तो इसका मेन मोटिव ये है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का है ये वॉशिंगटन DC में। ओके, इसको 1944 में बनाया गया था वर्ल्ड बैंक को। अब अगर बात आती है IMF की, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की, तो अभी हमने डिस्कस किया था हाल ही में बहुत जल्दी में कि इसके MD कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि IMF के जो MD है उनका नाम क्या है। एक और प्रश्न है यहां पर, इसमें कहा गया है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च NRI इंस्टा ऑनलाइन पेपरलेस अकाउंट फैसिलिटी, मतलब कि वो कौन सी बैंक है जिसने NRI इंस्टा ऑनलाइन पेपरलेस खाता सुविधा शुरू करने का जो है ये प्रोसीजर अभी स्टार्ट किया है, तो उस बैंक का नाम है IDBI बैंक। ओके, अभी आपने न्यूज में भी देखा होगा कि IDBI जो बैंक है इसको प्राइवेट बैंक RBI ने कर दिया है। ओके, और IDBI ने अभी NRI इंस्टा ऑनलाइन अकाउंट जो है पेपरलेस ओपनिंग फॉर NRI, ठीक है, ये अभी चालू किया है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये कहाँ पर है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि IDBI बैंक हैज लॉन्च NRI इंस्टा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस फॉर NRI रिसाइडिंग इन द FATF मेंबर कंट्रीज, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंट्रीज हैं इसमें जो लोग रह रहे हैं इनके लिए जो है इस तरीके का अकाउंट ओपन करने के लिए अभी एक मुहिम चालू की है NRI इंस्टा ऑनलाइन पेपरलेस, ठीक है। अगर हम बात करें
IDBI की, तो आप लोग बताओ जरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके बनेंगे IDBI बैंक के बारे में, या फिर कहा जाए इसके MD CEO हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग थोड़ी जानकारी आपको भी रखनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर एक और प्रश्न है देखो, जिसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप बिकम्स इंडियाज फर्स्ट कंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप टू इंटीग्रेट विद UPI। मतलब ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन है जो UPI के साथ एकीकृत करने के लिए भारत का पहला व्यापक वित्तीय सेवा ऐप बन गया है। मतलब कि इंडिया का पहला फर्स्ट कंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस एप्लीकेशन बना है टू इंटीग्रेट विद UPI। ओके, तो देखो UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर यह है ET मनी, ठीक है। ET मनी के बारे में आपको अगर पता होगा, ये जो ET मनी है ये टाइम्स इंटरनेट का है। ओके, तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइम्स इंटरनेट के द्वारा है ये। ओके, और यहाँ पर कहा गया है कि ET मनी इंडियाज लार्जेस्ट एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज हैज इंटीग्रेटेड विद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI एज अ पेमेंट मेथड। ओके, तो यहाँ पर ये आप नोट कर ले, और ET मनी जो है ये ऑन बाय किसके द्वारा है, टाइम्स इंटरनेट, जो कि टाइम्स ग्रुप का है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में बन जाएगा। ओके, तो आप लोग एक बार ये बताओ कि जो NPCI है इसकी फुल फॉर्म क्या है। आपने देखा होगा भारत में NPCI जो है ये रेगुलेट करता है बहुत सारी चीज़ों को, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी बताओ कि NPCI जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि क्वेश्चन देखो कहीं से भी बन सकता है किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमें थोड़ी सी और भी चीज़ें भी प्लस माइनस करके समझना होगा, क्योंकि हमारे पेपर में कहीं से भी कोई प्रश्न बन जाता है। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है बैंक्स क्रेडिट ग्रोथ अप टू हाउ मच परसेंट इन जो है फाइनेंशियल ईयर 2019, मतलब 2019 जो वित्तीय वर्ष है इसमें बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कितने परसेंटेज है। तो ये है दोस्तों 13.23%। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ कितनी है 2019 में, तो आप बताओगे 13.23%। अभी आपने आर्टिकल भी देखा होगा इसके रिगार्डिंग, द फाइनेंशियल ईयर 2019 हैज एंडेड ऑन अ रिलेटिवली रोबोस्ट नोट फॉर बैंक, ठीक है। दे क्लॉक एट अ 13.23% ईयर ऑन क्रेडिट ग्रोथ अगेंस्ट 9.85 इन फाइनेंशियल ईयर 2018, ठीक है। तो जो 2018 में 9.85 थी, तो अब कितनी है ये क्रेडिट ग्रोथ, ये है 13.23, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर ले, और अगर करंट रेपो रेट की बात की जाए तो आप लोग बताओ कि करंट रेपो रेट कितनी है। ओके, देखो ये जो है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जब RBI जारी करता है तब ये कुछ बेसिस पॉइंट कम होकर जो है चेंज होती रहती है। तो आपको अभी करंट रेपो रेट जो है ये, मैं डेट आपसे पूछ रहा हूँ अप्रैल में, ओके अप्रैल में ये कितनी है, ठीक है, आप बताइए। एक और प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें कहा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ PM ऑफ पैलेस्टीन, मतलब कि पैलेस्टीन के जो है अभी PM कौन नियुक्त किए गए, इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है मोहम्मद इस्तेन्या, ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। और जो बेंजामिन नेतन्याहू है ये है इसराइल के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस भी किया था पीछे। ओके, तो यहाँ पर और भी डिटेल देख लेते हैं। द पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास हैज़ अपॉइंटेड मोहम्मद इस्तेहा, ठीक है, मोहम्मद इस्तेहा एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, ये पैलेस्टीन है। तो आप इनको नोट यहाँ पर कर लें, और अब ये किसको सक्सीड करेंगे, रामी हमदल्ला को। ओके, तो ये नोट कर सकते हैं। अगर हम पैलेस्टीन की कैपिटल की बात करें तो ये रमला एंड ईस्ट जेरूसलम। ओके, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लें, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। एक और प्रश्न है यहाँ पर, जिसमें क्या कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्री टू हाउस द G20 समिट 2020। देखो ग्रुप 20 जो है इसमें 20 देश हैं, और जो G20 समिट है 2020 की, ये कौन सा देश इसका आयोजन कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा एशियाई देश करने वाला है, तो ये कर रहा है दोस्तों सऊदी अरबिया, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। अब अगर आपसे मेंबर्स पूछे हैं कहाँ पर होगी एक समिट, कैपिटल रियाद में, ठीक है, सऊदी अरबिया की कैपिटल जो है रियाद, यहाँ पर नवंबर में होगी ये। ओके, और दिस वुड बी द फर्स्ट G20 समिट इन अरब वर्ल्ड, ठीक है, पहली बार ये अरब वर्ल्ड में हो रहा है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट तौर पर आप नोट कर लें। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि सऊदी अरबिया की जो करेंसी यहाँ पर कौन सी यूज़ होती है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, बहुत ही जनरल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछता हूँ। और G20 की बात करें तो इसमें जो देश हैं इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस,
जर्मनी और भारत भी इसका जो है पार्ट है। इसके अलावा इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया और साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके और यूएस और इसके साथ में ईयू, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये कंट्रीज़ जो है मेंबर कंट्रीज़ हैं किसके, G20 के, जो ग्रुप 20 है, ओके, जो ये G20 समूह है इसके 20 देश हैं। एक और क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि विच फॉलोइंग कंट्री डेवलप्स वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्म्ड एम्फीबियस ड्रोन बोट, मतलब दुनिया की वो पहली कौन सी जो कंट्री है जिसने सशस्त्र उभयचर ड्रोन नाव एक विकसित की है, तो ये क्या है दोस्तों, चाइना ने, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखने वाला ये, तो ये क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्म्ड एम्फीबियस ड्रोन है जिसका नाम दिया गया है मरीन लिजार्ड, ओके, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाएगा ये मरीन लिजार्ड के नाम से, ये एक एम्फीबियस बोट है, ओके, एंड गाइडेड बाय चाइनाज ब्यूड्यू नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम, हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय चाइना, चाइना ने अभी इसको टेस्ट किया है, ठीक है, और चाइना की करेंसी रिमंबी है, और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा आता है, ओके? एक और प्रश्न है जिसमें कहा गया है श्रीलंका एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट फ्रॉम यूएस, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्रीलंका और इसके अलावा और कौन सा दूसरा देश है जिसने अपना पहला सैटेलाइट यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, श्रीलंका और निम्नलिखित में से कौन सा देश, तो श्रीलंका के अलावा ये है नेपाल, ठीक है, तो ये दो देश, श्रीलंका ने भी जल्द में ही किया था, अब ये नेपाल ने किया है कि अपना पहला जो उपग्रह सैटेलाइट है इसको अमेरिका से लॉन्च किया है, तो आप ये नोट कर लें, नेपाल सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम है नेपाली सेट 1 इनटू स्पेस, ओके, द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय द नेपाली साइंटिस्ट वॉच लॉन्च फ्रॉम वर्जीनिया इन यूएसए, ठीक है, यूएसए से इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन इसको बनाया, डेवलप किसने किया है, नेपाली साइंटिस्ट ने, इट इज़ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट विच विल बी द 400 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, ठीक है, तो अर्थ सर्फेस से कितनी ऊपर तक, 400 किलोमीटर, ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि श्रीलंका का पहला जो सैटेलाइट जिसका नाम है रावणा 1, ठीक है, रावण 1, इसको भी अभी हाल ही में स्पेस में भेजा गया था, ठीक है, तो ये श्रीलंका की एंट्री इंटू द ग्लोबल स्पेस एज में पहली बार थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और अगर हम नेपाल की बात करें तो आप लोग बताएं कि नेपाल के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ओके, नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है, काठमांडू, ठीक है, काठमांडू, और नेपाल में रुपया चलता है, नेपाली रुपया, ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लें। एक और क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि इंडियन नेवी एंड विच कंट्रीज नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज कंक्लूड्स, मतलब कि भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना के साथ और किसी और देश की जो नौसेना है इसने द्विपक्षीय अभ्यास जो है अभी इसको ख़त्म किया है। देखो बायलेटरल का मतलब होता है दो एंटिटीज़ जब इन्वॉल्व हों तो बायलेटरल होता है, जब तीन एंटिटीज़ इन्वॉल्व हों तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, ट्राइलेटरल, ठीक है, तो यहाँ पर ये बायलेटरल एक्सरसाइज है दो देशों के बीच में, तो एक तो भारत है और दूसरा वियतनाम, ठीक है, तो भारत, इंडियन नेवी और वियतनाम की नेवी, इनके बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज जो है अभी हाल ही में संपन्न हुई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। द इंडियन नेवी अंडरटुक द सेकेंड एडिशन ऑफ बायलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड वियतनाम पीपल्स नेवी, ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर बनता है इसी फॉर्मेट में कि भारत के साथ अभी कौन से हाल में ही देश ने जो है अभी एक नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास जो है ये किया। एक और क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी हाईलाइटेड रहा है, इनका नाम है क्रिस्टिनिया कोच, हु विल सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन इज द एस्ट्रोनॉट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी, मतलब क्रिस्टिनिया कोच जो कि एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष यान का इन्होंने रही हैं और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो आपको बताना है कि कौन से अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री हैं ये, तो ये नासा की है, ठीक है, डायरेक्टली ध्यान रखना इनका नाम कभी भी आए, क्रिस्टिनिया कोच, तो ये नासा की हैं, ओके, और अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टिनिया कोच इज गोइंग टू हैव हर मिशन ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सटेंडेड टू 328 डेज, 328 दिन को एक्सटेंड कर दिया गया है, विच वुड सेट अ रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन, ठीक है, किसी भी महिला के द्वारा सर्वोत्तम दिनों का ये एक विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि हु गॉट पुलिट्ज़र प्राइज 2019 फॉर
एडिटोरियल राइटिंग, मतलब कि 2019 पुलिट्ज़र प्राइज जो है एडिटोरियल राइटिंग के लिए ये किसको दिया गया है। मतलब देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलिट्ज़र अवार्ड जो है 2019 का किसको दिया गया, तो ये जो है एडिटोरियल राइटिंग के लिए दिया गया किसको, ब्रेंट स्टेपल्स। ठीक है, ये डायरेक्टली नाम नोट कर ले। द पुलिट्ज़र इज एन अवार्ड अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन इन US। तो अमेरिका का बहुत बड़ा ये एक अवार्ड है और ब्रेंट स्टेपल्स को मिला है एडिटोरियल राइटिंग के लिए। ठीक है, 2019 का। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि 2019 का पुलिट्ज़र अवार्ड किसको दिया गया, तो ये ब्रेंट स्टेपल्स। ठीक है, एक और प्रश्न है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि गूगल ओपन्स इट्स फर्स्ट अफ्रीकन AI लैब इन विच कंट्री, मतलब कि गूगल ने किस देश में अपनी पहली अफ्रीकी AI लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब जो है ये स्थापित की है, खोली है, तो ये खोली है घाना में। ठीक है, यहाँ पर देख लिया हम, और क्वेश्चन आया हुआ है न्यूज़ में, आर्टिकल में, तो गूगल हैज़ ओपन फर्स्ट अफ्रीकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर इन घामास कैपिटल अक्रा। ठीक है, घाना की कैपिटल जो अक्रा, यहाँ पर इसको ओपन किया गया है 1 ईयर आफ्टर अनाउंसिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, जब इन्होंने अनाउंस किया था उसके एक साल के बाद ये ब्रांच ओपन कर दी गई है। और अगर घाना की बात करें तो कैपिटल पूछी जा सकती है, तो आप ये नोट कर लें अक्रा, और करेंसी यहाँ पर चलती है घानियन CD। ठीक है, और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, ये है नाना अकुफो अडो। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बताओ, देखो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको यही बता दूंगा। इसमें कहा गया है कि विच बैंक बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू मीट RBI's EMB मैंडेट। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कि वो कौन सा बैंक है। ठीक है, तो ये बैंक का नाम है कैनरा बैंक। अगर आपने इसको गैस कर लिया तो बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए ये पूछा जा सकता है। ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर नेम्ड गुडविल एम्बेसडर ऑफ टीम इंडिया एट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसको शॉर्ट फॉर्म में कई जगह आपने देखा होगा SCCWC लिखा होता है। ओके, तो अभी क्या हुआ है कि भारत का वो कौन सा क्रिकेटर है जिसको स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्वकप में टीम इंडिया के गुडविल एम्बेसडर के तौर पर नामित किया गया है, तो ये है दोस्तों मिथाली राज, जो कि जो हमारे यहाँ पर वुमेन क्रिकेट टीम है इसकी कैप्टन भी है ये। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियाज वुमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन मिथाली राज, इनका नाम अभी आया है गुडविल एम्बेसडर के तौर पर टीम इंडिया स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, SCCWC में। ओके, एक और यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है ICC हैज पार्टनर्ड विद विच यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज #1Day फॉर चिल्ड्रन एट द मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ICC ने जो मैंस क्रिकेट विश्वकप है, पुरुषों का क्रिकेट विश्वकप है, इसमें एक हैशटैग है 1Day फॉर चिल्ड्रन, तो इसको आयोजित करने के लिए कौन सा यूनाइटेड नेशंस, कौन से संयुक्त राष्ट्र के संगठन के साथ साझेदारी की है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो ICC का मेंस वर्ल्ड कप 2019 है ये कहां पर हो रहा है, इसका वेन्यू है इंग्लैंड। ओके, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा, और आपको ये यहाँ पर पूछ रहा है कि किस जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ में, मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर इस भागीदारी को जो है बनाया जा रहा है, तो यूनिसेफ के साथ। ओके, तो डायरेक्टली आप नोट कर लें ICC। ठीक है, अभी इसने पार्टनर किसके साथ किया है, यूनिसेफ के साथ में, टू ऑर्गेनाइज #1Day फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये कैंपेन है, और हेडक्वार्टर अगर हम बात करें ICC की तो ये कहाँ पर है, दुबई में। आप लोग बताओ CEO ICC के कौन है, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसके CEO कौन है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यूनिसेफ के बारे में, तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है US में। ओके, और इसके हेड कौन है, H4E। ठीक है, और ये आप नोट कर लें, इसको कब बनाया गया था, फाउंडेड इन 11th of December 1946। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म पूछी जाए तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ओरिजिनली नोन एज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनली चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इस नाम से इसको जाना जाता है। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो इसमें कहा गया है कि हु हैज बॉर्न सिंगापुर ओपन 2019 इन मैन सिंगल्स, मतलब कि मैन सिंगल्स में सिंगापुर ओपन 2019 जो है ये खिताब किसने अपने नाम पर किया है, तो ये किया है कैंटो मोमेटा।
ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। और 2019 का सिंगापुर ओपन जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये सिंगापुर इंडोर स्टेडियम सिंगापुर में हुआ, और केंटो मोमोटा, ठीक है, इन्होंने इसको जीता है सिंगापुर ओपन 2019 को, 2019 का टाइटल, ओके। और आप एक चीज़ यहाँ पर और भी नोट कर लें, ये मैन सिंगल्स है, ठीक है, और ये है ताई जुएंग, ठीक है, हैज़ वॉन सिंगापुर ओपन 2019 इन वुमेन्स सिंगल्स, ठीक है, मैंस का भी और वुमेन्स का भी, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि हु हैज क्लिंच डच इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल, तो देखो ये फोटो से अगर आप पहचान पा रहे होगे तो इनका नाम है हरसील दानी, ओके। तो अभी क्या है, डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब इन्होंने जीता है, भारत के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं ये, ओके। ये अभी हम इनकी बात करें तो फॉर्मर जूनियर इंटरनेशनल चैंपियन रह चुके हैं ये हर्षल दानी, ठीक है, अब इन्होंने ये वाला खिताब भी अपने नाम पर किया है, डच इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल, ओके। कहाँ पर यह हुआ, हेग नीदरलैंड में। अब अगर ये नाम आ रहा है नीदरलैंड और हेग, तो यहाँ पर एक चीज़ और है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, ICJ, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अंतर्राष्ट्रीय एक ये संगठन है, ओके, और ये एक न्यायिक व्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो अभी देखा होगा जो हमारे यहाँ पर भारत के कुलभूषण जाधव हैं, तो इनका जो इनकी हेयरिंग है ये भी यहाँ पर चल रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ओके। क्वेश्चन में कहा गया है कि नेवी चीफ लॉन्चेस न्यू गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर नेम्ड एज, अभी आपने हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा INS इम्फाल के बारे में आपने सुना होगा, तो अभी ये जो INS इम्फाल है ये बेसिकली एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसको अभी हमारे यहाँ के जो नेवी चीफ हैं जिनका नाम है सुनील लांबा, इन्होंने मुंबई में MDL से इसको लॉन्च किया, ओके। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, INS इम्फाल, ओके। तो ये नौसेना प्रमुख जो है इन्होंने अभी एक जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS इम्फाल अभी इसको लॉन्च किया यहाँ पर, ओके। तो पूरी थोड़ी और जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं, MDL का मतलब है कि मैजेगन डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड, ठीक है, यहाँ से इसको इन्होंने लॉन्च किया मुंबई से, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनेगा, ओके। और ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है किसके अंतर्गत आता है, ये 15B के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये थर्ड सिफ है अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ 15B, ओके। एक और प्रश्न यहाँ पर है, देखो इसमें कहा गया है आपसे कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, मतलब कि विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं WCAID, ठीक है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ठीक है, ये दोस्तों 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ओके। डायरेक्टली क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में बनेगा कि WCID ये कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि लोगों को इंकरेज करा जाता है टू यूज क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर ऑल इश्यूज रिलेटेड टू अचीविंग द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, तो इसलिए ये अवेयरनेस काइंड ऑफ एक डे है। और आप सभी को पता है कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये हमारे हैं टोटल 17, ठीक है, आप लोग इनके बारे में और अधिक पढ़ सकते हैं। पहला आपका है जैसे नो पॉवर्टी, ठीक है, जीरो हंगर, ओके, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो इस तरीके से 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और इनको एक क्रिएटिव फॉर्मेट में बनाया जाए, ठीक है। तो ये वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ओके। चलो एक और हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें कहा गया है वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पूछा जाएगा इसकी थीम से कि जो विश्व पृथ्वी दिवस है वर्ल्ड अर्थ डे ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और अभी इसकी जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टू प्रोटेक्ट और स्पेसिस, ठीक है, ये जो थीम है अर्थ डे 2019 की प्रोटेक्ट और स्पेसिस, ठीक है, ये है, और ये जो है 1970 से जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, पहली बार 1970 में मनाया गया था, ओके, और पूरे विश्व भर में 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये ध्यान रखना जो मैं डेज करा रहा हूँ अप्रैल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये हर एक वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को, तो ये दोस्तों 23 अप्रैल को होता है, ठीक है। अभी ये तीनों क्वेश्चन जो आए हैं आपके इसी से रिलेटेड हैं, तो डायरेक्टली इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया GDP इज एक्सपेक्टेड टू रीच वाई हाउ मच वाई 2025, मतलब भारत की जो GDP है वो दोस्तों 2025 तक
कहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है, ठीक है, कितनी हो जाएगी, तो जो जीडीपी है भारत की वो हो जाएगी 5 ट्रिलियन की। अभी ये जो आंकड़े दिए गए हैं, ओके, ये आंकड़े किसने दिए हैं, ठीक है, ये भी ज़्यादा, ये वर्ल्ड बैंक की ओर से आंकड़े आए हैं और इसमें ये कहा गया है कि जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू रीच 5 ट्रिलियन बाय 2025। ओके, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी जिनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग, ठीक है, इन्होंने जो हैज़ टोल्ड द वर्ल्ड बैंक इन द 97th मीटिंग ऑफ द डेवलपमेंट कमेटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन वॉशिंगटन, ठीक है, तो इस कमेटी में ये बोला है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूँ, जो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, ये इनका नाम है जिम योंग किंग, ठीक है, और हेडक्वार्टर जो है ये वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी साइंस डील विद इंडिया पोस्ट टू ट्रांसफॉर्म कंट्रीज मेल डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, जो भारत का आपने देखा है जो डाक वितरण प्रणाली है, ठीक है, तो इसको एक तरीके से इसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, इसको और अच्छा बनाया जाए, तो इसके लिए अभी एक डील साइन हुई है भारत की किस कंपनी के साथ में जो है डाक वितरण प्रणाली को बदलने के लिए एक अभी सौदा किया गया, एक डील साइन की गई है, तो किस कंपनी के साथ, तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के साथ में ये समझौता हुआ है और ये भारत की काफी बड़ी जो है लार्जेस्ट जो है कंपनी है आईटी सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, और अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसके साथ में अभी मिलकर जो है मल्टी सर्विस डिजिटल हब बना रहे हैं जिसमें ये जो इंडिया पोस्ट ट्रांसफॉर्म जो है इसको और अच्छे से, जो हमारे यहाँ का मेल डिलीवरी सिस्टम है इसको और अच्छे से रिवैम्प किया जाएगा, इसमें काफी सारे सुधार किए जाएंगे। ओके, एक और प्रश्न है यहाँ पर, देखो इसमें क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑनर्ड विद पंडित गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड, वो कौन से व्यक्ति हैं, कौन से पुरुष हैं जिनको पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया। ओके, तो इनका नाम है सुनील कुमार गौतम, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है, कि किस पुरुष को पंडित गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड जो है दिया गया, ये दिया गया सुनील कुमार गौतम को, ठीक है, सुनील कुमार गौतम स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑपरेशंस, ठीक है, इनको अभी ऑनर दिया गया है इससे। ओके, और ये जो है इनकी एक बुक है, क्या नाम है उसका, संविधान काव्य। ओके, तो ये इसका टाइटल है, इस वजह से जो है ये हाइलाइटेड थे काफी और इस बुक के लिए इनको ये वाला अवार्ड दिया गया, पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और प्रश्न है दोस्तों, इसमें देखो कहा गया है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेल बिकम इंडियाज फर्स्ट रिटेल कंपनी टू क्रॉस द ₹1,00,000 करोड़ एनुअल रेवेन्यू कंपनी। देखो अभी हाल ही में वो कौन सी कंपनी है जो जिसका जो टर्नओवर है, ठीक है, यहां पर कहा गया कि एनुअल टर्नओवर 1,00,000 करोड़ रुपए का हो गया, ठीक है, तो उस रिटेल कंपनी का आपको नाम बताना है, तो वो कंपनी है रिलायंस, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा। ओके, और रिलायंस के चेयरमैन पूछे जाए तो यह मुकेश अंबानी, ये रिलायंस के चेयरमैन है। ओके, और थोड़े आंकड़े मैं आपके साथ शेयर यहां पर कर लूं, रिलायंस रिटेल हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन रिटेल कंपनी टू क्लॉक मोर देन 1,00,000 करोड़ इन एनुअल रेवेन्यूज। द रिटेल वेंचर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज रिपोर्टेड एन इनकम ऑफ रुपीज, ठीक है, ये कितनी है, 1,30,000 समथिंग करोड़ है। ओके, 89% मोर देन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर में लगभग 70,000 करोड़ था लेकिन अब ये इतना इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला है। ओके, एक और क्वेश्चन है यहां पर, देखो इसमें क्या कहा गया है कि द यूनियन होम मिनिस्ट्री कंप्लीटली रिवोक द कंट्रोवर्सियल आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसको कहते हैं अफ्सपा, फ्रॉम विच नॉर्थ स्टेट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अभी जो गृह मंत्रालय है इन्होंने उत्तर पूर्वी राज्य से, ठीक है, जो कंट्रोवर्सियल आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है जिसमें आर्मी को एक अलग तरीके की पावर दी गई है जिसमें इंटेरोगेशन करना शामिल है, तो अभी इसको रिवोक कर दिया गया, कंप्लीटली रिवोक कर दिया गया है, ठीक है, तो पूरी तरीके से हटा लिया गया है, तो कहां से, नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य से इसको हटाया गया है, मेघालय से, ठीक है, जैसे आपने देखा है जम्मू एंड कश्मीर में ये चीज अप्लाई है, अफ्सपा वहां पर लगा हुआ है कानून। ओके, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बनेगा कि किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अभी जो हमारे यहाँ के गृह मंत्रालय है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने अभी हटाया, तो मेघालय से इसको हटाया गया है। ओके, तो इसको भी आप नोट कर लें, द यूनियन होम मिनिस्ट्री कंप्लीटली रिवोक, ठीक है, अफ्सपा को हटा दिया गया मेघालय से, ठीक है, और मेघालय के सीएम है, इनका नाम है सी संगमा, ठीक है, कॉनराड संगमा, वो कैपिटल है शिलोंग और गवर्नर है गंगा प्रसाद, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, देखो इसमें कहा गया है विच एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी विंस द नेशनल आईपी अवार्ड 2019 फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल। मैं आपको बता दूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो
सीधी सी बात है, आप देखते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब कोई एक उत्पाद है, अगर उसको रजिस्टर्ड करा दिया गया है, ओके, जैसे अगर मैं एक लोगो की बात करूं, ठीक है, तो लोगो अगर वो कॉपीराइटेड है, ठीक है, तो उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। अगर उसको कोई यूज़ कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन होता है, ओके। तो इसी तरीके से आपने देखा है बहुत सारे ट्रेडमार्क हैं, ओके, बहुत सारे लोगो हैं, बहुत सारे नेम्स हैं। अब जैसे आप देखते हो पेप्सी है, हीरो है, ये जो फिलिप्स है, सैमसंग है, ये सारी कंपनियां ट्रेडमार्क हैं, ठीक है, इनके लोगो नेम, इनको कोई अदर यूज़ नहीं कर सकता, ओके। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो कौन सी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है जिसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल के लिए जो है राष्ट्रीय आईपी पुरस्कार 2019 जो है ये जीता है। तो ये जीता है केरला की जो कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तो केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये KAU इसको मिला है। ये चीज आप नोट कर लें, इस अवार्ड की जो प्राइज मनी है वो 1,00,000 रुपए। डायरेक्टली पूछा, क्वेश्चन पूछा सकता है कि इसकी प्राइज मनी कितनी है, तो 1,00,000, ओके। और वर्ल्ड आईपी डे जो है ये आपका 26 अप्रैल को हर एक वर्ष मनाया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे, ठीक है, ये होता है कब, आईपी, ये आपका होता है 26 अप्रैल को, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां पर है, देखो इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, मतलब ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की रैंक कितनी है। देखो ग्लोबल ये है क्या, बेसिकली मुद्दा क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे एक अगर मैं सैंपल ले लूं, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, और यूके हो गया, तो यहां पर एन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, तो ये स्टार्टअप कहीं पर अगर लिस्टेड है तो इनकी एक रैंक बनाई जाती है, ओके। तो यहां पर जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की जो रैंक है, ये पोजीशन है 17 नंबर की, ठीक है। अभी ये आंकड़े किसके द्वारा दिए गए हैं, स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा, ठीक है, ये रिलीज की है किसने, रैंकिंग जो है इस रिलीज बाय स्टार्टअप ब्लिंक, ठीक है। भारत की पोजीशन 17 है 100 कंट्रीज में, ओके, और ये आप नोट कर लें कि पहले भारत की 37 थी, लेकिन इस बार भारत की पोजीशन है 17, ओके। यूएस बाज रैंक 27, ठीक है, अमेरिका की रैंक कितनी है 27, ओके, तो ये चीज आप नोट कर लें। अब जैसे बेंगलोर, न्यू दिल्ली, मुंबई है, ओके, ये टॉप सिटीज है इस इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, ओके। चलो एक और क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, जिसमें कहा गया है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस 3 बुक ऑन चंपारण मूवमेंट, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चंपारण आंदोलन पर 3 जो है पुस्तक है इनको लॉन्च किया, ठीक है, तो ये जो है डायरेक्टली बिहार, ठीक है, बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, इन्होंने किया। तो अब तीनों बुक्स के नाम पूछे जाएंगे, चंपारण मूवमेंट 1917, ठीक है, और जो 3 रिलीज बुक है, पहली है मिनिस्टर एम के गांधी की चंपारण डायरी, ठीक है, रिटन बाय अरविंद मोहन, दूसरी है चंपारण आंदोलन 1917, ये एडिटेड बाय आशुतोष पार्थवेश्वर, ठीक है, और उसके बाद है पीर मोहम्मद मुनिस, ठीक है, इनकी है कलाम का सत्याग्रह, ठीक है, ये नोट कर लें। तो ये डायरेक्टली पूछाएगा 3 बुक्स, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, नाम इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ओके, और 1970 से याद रखना चंपारण मूवमेंट, ओके, और बिहार की कैपिटल जो है यह है पटना, और यहाँ के गवर्नर कौन है, लालजी टंडन, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एमिनेंट फोक सिंगर अमर पॉल पासेस अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट, ओके। देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक प्रख्यात लोक नायक है, ठीक है, एमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही दिग्गज हस्तियां, तो अमर पॉल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, हाल ही में अभी इनका निधन हुआ, ठीक है, ये गुजर गए। तो क्वेश्चन ये पूछा आ रहा है कि अमर पॉल जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस राज्य से संबंध रखते हैं, ठीक है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वेस्ट बंगाल, ओके। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनता है, ओके, तो आप इसको नोट कर लें। 97 वर्ष की आयु में कार्डिक अरेस्ट के कारण इनका जो है निधन हुआ, ओके। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अवार्डेड इंडियाज बेस्ट ग्राम पंचायत फॉर दिगंबरपुर ग्राम पंचायत, ओके, मतलब अभी वो कौन सा राज्य है, ठीक है, जिसको अवार्ड दिया गया है भारत का बेस्ट ग्राम पंचायत, ठीक है, भारत का सबसे जो श्रेष्ठ है ग्राम पंचायत, इससे इसको पुरस्कृत किया गया है, तो आपको उसका नाम बताना है, तो वेस्ट बंगाल का ही है ये भी, ठीक है, वेस्ट बंगाल राज्य का, तो आप नोट कर ले, वेस्ट बंगाल हैज बंस अगेन टॉप्ड इन द कंट्री विद दिगंबरपुर ग्राम पंचायत GP, ठीक है, बैगिंग द सेंट्रल्स अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्राम पंचायत इन द कंट्री, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का, ये किस राज्य को जाता है, वेस्ट बंगाल को, कैपिटल कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी, और यहाँ के जो गवर्नर है इनका नाम है KN त्रिपाठी, केसरी नाथ त्रिपाठी,
त्रिपाठी, ठीक है। एक और प्रश्न यहाँ पर रहते हैं जिसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अपॉइंट्स कौशिक शापरिया एज अ सीईओ फॉर इंडिया, ठीक है। अभी किस बैंक ने भारत के सीईओ के रूप में कौशिक शापरिया को नियुक्ति किया है, ओके। तो ये दोस्तों है, आपके ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये है ड्यूच बैंक, ठीक है। ये डायरेक्टली आप यहाँ पर नोट कर लें, तो इनको अपॉइंट किया गया है कौशिक शापरिया को, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में, और सीईओ कौन है, इनका नाम है क्रिश्चियन सेविंग, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। मतलब क्या हुआ, ईपीसीएच का जो है नया चेयरमैन जो है किसको, नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों आपका हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद है, ओके, और एक्सपोर्ट जो जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, ओके। तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में जो अपॉइंटमेंट है ये रविंदर कुमार पस्सी का, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनेगा, ओके। और कई बार फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं ईपीसीएच, तो आप ये भी नोट कर लें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट सपोर्ट प्रोटेक्ट मेंटेन एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। मतलब जो हस्तशिल्प है इसको आगे बढ़ाना। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एशियन टी अलायंस जो है ये कहां पर, किस देश में लॉन्च किया गया। देखो एशियाई चाय गठबंधन का मतलब ये हुआ कि जो टी है, ठीक है, टी के ट्रेड को बूस्ट करना, और जो इसका कल्चर है और जो इसके और भी पैरामीटर्स हैं इनको प्रिजर्व करके रखना, ओके। तो ये जो है टी अलायंस जो है ये लॉन्च हुआ है कहां पर, चाइना में, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कहा जाएगा कि जो एशियन टी अलायंस है क्या भारत इसका मेंबर है, तो बिल्कुल है। तो पहले शुरुआत हम करते हैं इंडिया से, ठीक है। एक इंडिया हुआ, इसके बाद हो गया चाइना, फिर हो गया श्रीलंका, और फिर हो गया जापान, और इसके बाद में है थाईलैंड, ठीक है। ये जो है ये पांच देश हैं ये इसमें शामिल हैं, किसमें, एशियन टी अलायंस में, ओके। तो ये नोट कर लो, और चाइना में किस जगह पर, ये एक प्रांत है, ठीक है, जिसका नाम है ग्यू, यहाँ पर जो है ये हुआ है, ठीक है। एक जो है यूनियन ऑफ फाइव टी ग्रोइंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज, इनका एक जो है पैनल यहाँ पर आया, इसको क्या कहा गया, एशियन टी अलायंस। और मेन मोटिव क्या है, टू बूस्ट द टी ट्रेड, चाय के व्यापार को बढ़ाना, कल्चरल एंड टेक्निकल एक्सचेंजेस एज वेल एज द ग्लोबल प्रमोशन ऑफ टी, ठीक है। मतलब चाय का ग्लोबल लेवल पर प्रमोशन करने के लिए ये सबमिट जो है यहाँ पर है, ओके। तो ये नोट आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है विच इंडियन आईटी कंपनी बिकम द फर्स्ट इंडियन आईटी कंपनी विद $100 बिलियन वैल्यू मार्केट। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सी यहाँ पर जो आईटी कंपनी है, ओके, वो $100 बिलियन मार्केट वैल्यू के साथ में पहली भारत की जो है ये आईटी कंपनी बन गई है। तो इसका नाम है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। टीसीएस हैज क्रिएटेड द हिस्ट्री एज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द एक कंपनी हैज हिट द $100 बिलियन मार्क, ओके। और यहाँ पर आप नोट कर लेंगे टीसीएस शेयर रोज बाय 2%, ठीक है, 2% से इसके शेयर बढ़े हैं। तो ये डिटेल आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि कौन सी कंपनी है, ओके। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, इसमें कहा गया है कि नासा फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट रिसेंटली पासेस अवे, ठीक है। मतलब नासा की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो उनका नाम यहां पर आपको बताना है, इनका नाम है जेकॉब, मतलब जेरी कॉब, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट इनका कर सकते हैं यहां पर, और थोड़ी डिटेल और देख लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, ठीक है, और जिनका नाम है जेरी कॉब, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ 88 वर्ष की आयु में, ओके। तो ये नोट कर लें आप लोग। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इसमें क्या कहा गया है कि हु विंस द लैंडस्लाइड विक्ट्री इन यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। मतलब यूक्रेन में अभी राष्ट्रपति चुनाव में किसने भारी मतों से अपनी जो विजय हासिल की है, ओके। तो भारी मतों से जो जीत है वो किसको मिली है, ये मिली है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, ठीक है। इनका ये नेम है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। और यूक्रेन के नए राष्ट्रपति जो है ये हो गए आप, ओके। तो ये नोट कर लें, ये बाई एक्टर, एक बाई प्रोफेशन कह सकते हैं एक्टर कॉमेडियन। तो अभी इनकी एक बहुत बड़ी जो है विक्ट्री हुई है यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इनका नाम है व्लादिमिर ज़ेलेंस्की, ठीक है, ये नाम यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव, और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है, यूक्रेनियन हर्विनिया, ठीक है, ये नोट कर लो।
एक और देखो प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया है कि ट्विटर अपॉइंट्स हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया। अभी ट्विटर ने इसमें निम्नलिखित में जो नाम दिए गए इसमें से किस पर्सन को जो है इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया है, तो इनका नाम है मनीष माहेश्वरी। ठीक है, डायरेक्टली इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनेगा कि किसकी नियुक्ति हुई है प्रबंध निदेशक के तौर पर ट्विटर इंडिया में। ठीक है, तो ट्विटर इंडिया में अभी हुई है मनीष माहेश्वरी की। ओके, तो डायरेक्टली नोट कर लें। और ये जो है सीईओ ऑफ द नेटवर्क 18 डिजिटल है, इसके एक्स सीईओ रह चुके हैं और अब ये MD हो गए हैं ट्विटर इंडिया। ठीक है, और अगर ट्विटर की बात करें, देखो ट्विटर एक मोनोब्लॉगिंग वेबसाइट है। मोनोब्लॉगिंग वेबसाइट का मतलब यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज वगैरह हैं ये अपने विचार रखते हैं, लोग इनको रिट्वीट करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। ओके, और इनको कमेंट भी करते हैं। फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लिंक्डइन क्या है, ओके, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। ठीक है, जो जॉब सीकर्स वगैरह हैं या फिर किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आप लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे जो अदर जो जॉब सीकर्स हैं, ठीक है, वो आपके टच में आ जाएंगे। ठीक है, या फिर किसी कंपनी की डिटेल आपको देखनी है तो आप लिंक्डइन पर देख सकते हैं, यह प्रोफेशनल नेटवर्क है। ओके, फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। और जो ट्विटर है ये क्या है? ये आपकी मोनोब्लॉगिंग वेबसाइट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो इसमें कहा गया है कि इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू होल्ड द लार्जेस्ट एवर बरुड़ नेवल एक्सरसाइज ऑफ गोवा कोस्ट। ठीक है, मतलब भारत और निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसने गोवा तट पर सबसे बड़ी जो है बरुड़ नौसेना अभ्यास जो है इसमें शामिल होने के लिए दूसरे देश का नाम बताना है भारत के साथ में। ठीक है, तो ये दोस्तों है फ्रांस। ओके, तो यहाँ पर इसको आप डिटेल में और भी देख सकते हैं कि इंडिया एंड फ्रांस इनकी कंडक्ट होने वाली है लार्जेस्ट एवर नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, जिसका नाम है बरुड़। ठीक है, ये मई 2019 में होगी। ओके, और इसमें क्या है कि जो पार्टिसिपेशन होगा एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिस्ट्रॉयर्स, ठीक है, सबमरीन्स एंड फाइटर्स, इनका यहाँ पर जो है प्रदर्शन होगा। ओके, और भारत की ओर से एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य, ठीक है, और MiG-29 फाइटर्स, इनको डिप्लॉय किया जाएगा। और फ्रांस की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल क्या है? पेरिस। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम क्या है? ई फ्लिपे। ठीक है, तो ये दो तीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इनको नोट कर लें। एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि जलियांवाला बाग, ठीक है, अभी आपने देखा होगा बुक ऑन जलियांवाला बाग पोएम खूनी बैसाखी, ये रिलीज की गई है कौन से देश में। ओके, तो जलियांवाला बाग कविता खूनी बैसाखी पुस्तक का विमोचन किस देश में हुआ है? अभी 100 साल पूरे हुए हैं जलियांवाला बाग जो है मास्केर हुआ था उसके लिए। ठीक है, तो अभी इसका जो विमोचन है वो कौन से देश में हुआ है ये पूछा रहा है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, UAE में। ठीक है, यहाँ पर हुआ है, तो आप इसको नोट कर लें। और ये बुक जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन है 100 ईयर ओल्ड क्लासिक पंजाबी पोएम अबाउट जलियांवाला बाग मास्केर, 1919 में ये था। ओके, और इसके बाद 2019 तो 100 साल पूरे होने पर, ठीक है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है एक बुक अभी किया गया है। ठीक है, तो आप नोट कर लें खूनी बैसाखी, ये एक पोएम थी, अ पोएम फ्रॉम द जलियांवाला बाग मास्केर 1999। ठीक है, और इसके ऑथर देख लो, एक नानक सिंह है और नवदीप सूरी। ठीक है, ये पूछा आपसे जा सकता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। एक और प्रश्न है, देखो इसमें कहा गया है कि एक्जिम बैंक फंड्स प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज $ 267 मिलियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मतलब एक्जिम बैंक ने 267 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंड्स परियोजनाएं किस देश में अभी जो है प्रोजेक्ट किए हैं। ठीक है, तो उस देश का आपको नाम बताना है, तो रवांडा में। ठीक है, डायरेक्टली आप इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और रवांडा की कैपिटल पूछी है तो यह किगाली, और करेंसी यहां पर क्या चलती है? फ्रैंक। ठीक है, रवांडन फ्रैंक। ठीक है, तो ये जो अमाउंट कितना है 266.60 मिलियन, मतलब लगभग 267, ठीक है, मिलियन डॉलर। ओके, एक और यहां पर क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिसीव यूके रॉयल सोसाइटी ऑनर। मतलब यूके, अभी किस व्यक्ति को यूके रॉयल सोसाइटी ऑनर जो है ये सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम आपको बताना है, तो इनका नाम है यूसुफ हमीद। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि जो एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है सिप्ला, ओके, तो ये उसी प्रोमिनेंट जो है फार्मास्यूटिकल मेजर कंपनी है। ठीक है, उसी से ये रिलेट करते हैं, तो यहाँ पर आप उसके चेयरमैन हैं, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को जान सकते हैं। ठीक है, और प्रोमिनेंट साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन जिनका नाम है यूसुफ हमीद, ठीक है, इनको ऑनर किया गया 2019 लिस्ट ऑफ न्यू फॉलोज द UK's रॉयल सोसाइटी। ओके, तो ये ऑनर से इनको सम्मानित किया जा रहा है। ओके, ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन पासेस अवे एट द एज ऑफ, मतलब अभी हाल ही में
दुनिया की जो सबसे वृद्ध महिला है, ठीक है, तो उनका भी निधन हुआ। उनकी उम्र आपको बतानी है तो 117 वर्ष की आयु में, ठीक है, और ये कौन से कंट्री, जापान, ठीक है, जापान की है ये, तो आप ये नोट कर लें। वैसे जापान में जो लोग हैं उनकी जो आयु है वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक होती है। ओके, तो ऐसे और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, आप उनको भी अगर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन, अ 117 ईयर ओल्ड जापानीज वुमेन, जिनका नाम क्या है, ये नाम है नाबी ताजिमा, ठीक है, तो आप नोट कर लें, इनका नाम है नाबी और ताजिमा, ठीक है। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ 117 वर्ष की आयु में, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, और यहाँ पर कैपिटल टोक्यो और करेंसी क्या है, जापानीज येन, ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, 4 अगस्त 1900 को, ठीक है, और ये जो लास्ट नोन पर्सन बॉर्न इन 19th century, मतलब जो अगर 19वीं शताब्दी की बात करें तो उसमें जन्मी ये आखिरी महिला थी जिनका निधन हो चुका है। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें देखो दोस्तों कहा गया है कि हु बिन 11th मोंटी कार्लो मास्टर्स टाइटल, ठीक है, तो ये जो है 11वां मोंटी कार्लो मास्टर्स खिताब जो है ये किसने जीता है, ये जीता है राफेल नडाल ने, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मेट में। ओके, 11th मोंटी कार्लो किसके नाम पर, राफेल के, ये राफेल नडाल, ठीक है, और ये कहाँ पर आते हैं, ये जो है कौन से देश के हैं, ठीक है, इन्होंने अभी स्पेन के ये हैं बेसिकली, और इन्होंने जापान के केइन स्कोरी इनको फाइनल में हराया। अगर हम स्पेन की बात करें तो ये है मैड्रिड, ठीक है, और इसकी कैपिटल है, और करेंसी यहाँ पर चलती है यूरोजोन नेशन है ये, यूरो करेंसी चलती है, और प्रेसिडेंट कौन है, पेड्रो सैंचेस, ठीक है, जापान की अभी हमने बात करी थी रिसेंटली। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इजिप्टियन प्लेयर हैज चूजन प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से मिस्र के किस खिलाड़ी को प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ओके, तो इनका आपको डायरेक्टली नाम बताना है, तो इनका नाम है मोहम्मद सलाह। ओके, तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, लिवरपूल फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह अब ये बन गए पहले इजिप्टियन प्लेयर टू बी नेम्ड एज द प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, और अगर हम बात करें इजिप्ट की जो कैपिटल है ये है कायरो, और कई बार क्वेश्चन ये बैंक में पूछा गया है कि इजिप्ट की कैपिटल क्या है, करेंसी यहाँ पर चलती है पौंड, और प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कहा गया है कि वो भारत का कौन सा क्रिकेटर है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज चूजन, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस। देखो रेड बस जो है ये बस के जो टिकट होते हैं इनको बुक करने का एक प्लेटफॉर्म है, और इसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसको बनाया, धोनी को, MS धोनी को, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा है इस फॉर्मेट में। और एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि वो कौन सी फुटबॉल टीम है जिसने 2019 संतोष ट्रॉफी अपने नाम पर किया, तो ये दोस्तों सर्विसेज, ठीक है, डायरेक्टली इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसने पंजाब को हराया। ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया है नेटवर्क इंटेलिजेंस इंक्स MOU विद विच स्टॉक एक्सचेंज टू प्रोवाइड द साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज, मतलब कि अभी नेटवर्क इंटेलिजेंस ने साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन से स्टॉक एक्सचेंज के साथ में अभी एक समझौता MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है MOU साइन किया है। ओके, तो ये दोस्तों BSE ने किया है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अभी जो नेटवर्क इंटेलिजेंस के साथ में साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रदान करने के लिए ये एक MOU साइन हुआ है, तो यहाँ पर BSE जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और एक चीज आप यहाँ पर ये नोट कर लें कि जो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसके CEO कौन है, इनका नाम है श्री आशीष कुमार चौहान, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इनसे पूछा भी जा सकता है क्योंकि BSE से रिलेटेड है। इस प्रश्न में कहा गया है कि डिपॉजिट इन जनधन अकाउंट्स आर सेट टू क्रॉस हाउ मच करोड़ मार्क, मतलब ये कहा जाए कि जो जनधन खातों में जमा राशि है वो कितनी हो चुकी है, मतलब किसके पार कर गई है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ओके, तो दोस्तों ये जो है आंकड़े भी हाल ही में जारी किए गए और 1,00,000 करोड़, ठीक है, इतना जो अमाउंट है ये आ चुका है जनधन में, ठीक है, द टोटल डिपॉजिट इन जनधन अकाउंट्स आर सेट टू क्रॉस ₹1,00,000 करोड़ सून, ठीक है, तो ये आपके लिए आंकड़े जरूरी है। और द स्कीम वॉज लॉन्च ऑन 28th of August 2014, मतलब कि 28 अगस्त 2014 को ये स्कीम जारी की गई थी। मैं आपको बता दूं कि जो जनधन खाते ओपन किए गए थे इनका मेन मोटिव क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है बढ़ावा देना। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, देखो ये होता है वित्तीय समावेश, जैसे
जो बैंकिंग सुविधाएं हैं इनको रूट लेवल तक जारी करना। आप जानते होंगे कि जो अर्बन एरियाज हैं यहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं काफी अच्छी तरीके से अवेलेबल रहती हैं, लेकिन जो विलेजेस हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लोगों को बैंक से जोड़ना होगा। तो इस वजह से जो जनधन खाते जो हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए ओपन किए गए थे, ठीक है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में। ओके, तो अभी इसमें जो राशि जमा है वो 1,00,000 करोड़ पार करने वाली है, तो ये अभी आंकड़े जल्द ही जारी किए गए थे। एक और प्रश्न है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि विच इंडियन डिफेंस फोर्स स्टार्ट प्रोसेस टू इंडक्ट वुमेन एज अ जवान इन मिलिट्री पुलिस। ठीक है, मतलब यहां पर कहा गया है कि वो कौन सी इंडियन डिफेंस फोर्स है जो अब महिलाओं को एज अ जवान जो है मिलिट्री में शामिल करेगी। मतलब पहले क्या हुआ था कि जो महिलाएं हैं वो आर्मी में जब जाती थी तो वो एज अ ऑफिसर रैंक पर होता था, ठीक है, लेकिन अब ये भी अभी आया है ऑलरेडी कि अब एज अ जवान उनको किया जाएगा। ठीक है, तो इंडियन आर्मी में जो है अब वुमेन को एज अ जवान जो है एडमिट किया जाएगा। ये आर्टिकल आपने देखा होगा, सेना में बतौर जवान भर्ती होंगी देश की महिलाएं, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी मंजूरी। तो ये हमारी की डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने अभी इसको अप्रूवल दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब तक सेना में महिलाओं को सिर्फ बतौर अधिकारी भर्ती किया जाता था, लेकिन अब वे जवान के तौर पर भी जो है सेना में सेवाएं दे सकेंगी, जिसके बाद सेना पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 20% तक हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंकड़े आपके लिए जानने जरूरी है जो मैंने आपको बताया। और जो इंडियन आर्मी चीफ है इनका नाम है जनरल बिपिन सिंह रावत। ओके, तो इतना आप यहां पर नोट कर ले। देखो इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि हु हैज बीन कन्फर्ड विद द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2019। मतलब नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2019 जो है ये किसको दिया गया, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019 जो है ये किसको दिया गया, ये दिया गया है बेनी एंटोनियो। ठीक है, ये आप नोट कर ले, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहां पर है। और बेनी एंटोनियो इनको दिया गया है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2019 इन द कैटेगरी ऑफ टॉप इंडिविजुअल फॉर पेटेंट एंड कॉमर्शलाइजेशन। ठीक है, आप ये समझ लें कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैंने अभी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जैसे ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, आप देखते हो कहीं पर टीएम लिखा हुआ है या फिर कहीं पर सी लिखा होता है। ओके, तो जैसे कोई एक लोगो है तो ये अगर किसी ने इसको ट्रेडमार्क करा लिया, ठीक है, अब जैसे करंट अफेयर्स फंडा का ये जो लोगो है इसमें टीएम लिखा हुआ है, तो हमने ट्रेडमार्क के लिए जो है इस लोगो को जो मिनिस्ट्री है इसके पास भेजा है। ओके, अब जब इसका ट्रेडमार्क आ जाएगा तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। ओके, और ट्रेडमार्क भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आती है, कोई अदर इस लोगो को यूज किसी फॉर्मेट में नहीं कर सकता। ओके, तो ये आपके लिए भी जानना होगा। यहां पर है डॉक्टर एंटोनी हैज ओवर 80 इंटरनेशनल पेटेंट्स टू हिज क्रेडिट। ठीक है, मतलब काफी बड़ा कारनामा है, लगभग 80 इंटरनेशनल पेटेंट जो इनके नाम पर है, तो ये चीज आप यहां पर नोट कर सकते हैं। एक और प्रश्न है दोस्तों, देखो इसमें कहा गया है कि वेटरन लेडी माउंटेनियर रामा सेन गुप्ता पॉल पासेस अवे, सी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब वेटरन का मतलब होता है कि विख्यात, प्रसिद्ध। तो ये महिला पर्वतारोही हैं जिनका नाम है रमा सेन गुप्ता, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, और ये किस राज्य से थी, तो ये वेस्ट बंगाल से थी। तो ये आप नोट कर लें क्योंकि ऐसे पर्सन के बारे में डिटेल पूछ ली जाती है। ओके, और 66 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट से इनका भी निधन हुआ। ओके, तो ये आप सभी के लिए जानना जरूरी भी है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, देखो जो कुछ चीजें मैं करा रहा हूं उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत है। जैसे मैं कभी कभी किसी स्टेट की बात करूं तो उस स्टेट का गवर्नर क्या है, ठीक है, उस स्टेट में फेमस क्या क्या चीजें हैं। ओके, जैसे फेमस डांस हो गया, ठीक है, और वहां पर जो है रिवर्स कौन सी हैं, नदी के किनारे कौन से शहर बने हुए हैं, और इसके साथ में वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या क्या हैं। तो ये सब चीजें आपको खुद से भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मैं इसको एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं जो आपको आइडिया दे रहा हूं वो आप आइडिया को फॉलो करके क्वेश्चन में से और भी डिटेल निकालें। इस क्वेश्चन में कहा गया है एस मुथैया फेमस जर्नलिस्ट पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब प्रसिद्ध पत्रकार ये है एस मुथैया जी, ये एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, और ये जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इनका स्टेट पूछा सकता है, बाई प्रोफेशन पूछा सकता है। इसके साथ में भी ये जो चेन्नई के जो है फेम्ड क्रॉनिकलर, ठीक है, क्रॉनिकलर का मतलब होता है ऐतिहासिक लेखक, ठीक है, इतिहास लेखक, और कैटरोग्राफर इनका मतलब होता है मानचित्रकार। ओके, और जर्नलिस्ट, ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लें,
89 इस आयु में इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ओके और ही वॉज अवॉर्डेड द मोस्ट एक्सलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 2002 फॉर हिज एकम्प्लिसमेंट। ठीक है, मतलब इनको जो है मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2002 में जो है ये इनको टाइटल दिया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस प्रश्न में कहा गया है विच इंडियन फिल्म स्क्रिप्ट राइटर गेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2019। ठीक है, मतलब किस भारतीय फिल्म पटकथा लेखक को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है 2019 ये जो है दिया गया। ठीक है, इसमें नाम है सलीम खान का। ठीक है, अभी आपने ये पिक्चर भी देखी होगी। ओके, तो इसमें द प्रेस्टिजियस मास्टर दीनानाथ जो है मंगेशकर अवार्ड 2019 जो है ये दिया गया नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर मधु भंडारकर, पॉपुलर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान और डांसिंग दिवा हेलन। ठीक है, ये तीन लोगों को ये जो है दिया गया दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो आप ध्यान रखना, जैसे ऑप्शन में सलीम खान दिया गया है तो साथ में देख लो जावेद अख्तर, नीरज पांडे और लव रंजन, ये तीनों नहीं हैं। ओके, लेकिन जब आप कुछ इसमें दिया होगा तो एक ही ऑप्शन दिया होगा, जैसे दिवा हेलन दे दिया होगा, मधुर भंडारकर जो है नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आपसे ऑप्शन पूछ लेगा। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि नेशनल पंचायती राज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, मतलब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है हर एक वर्ष जो है किस दिन मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 24 अप्रैल को। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। नेशनल पंचायती राज दिवस जो है हर एक वर्ष 24 अप्रैल को किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज इसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह डिक्लेयर्ड द फर्स्ट नेशनल पंचायती राज दिवस ऑन 24th of April 2010। ठीक है, मतलब जो हमारे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, इन्होंने 24 अप्रैल 2010 को जो है इसको फर्स्ट टाइम डिक्लेयर्ड किया था। ठीक है, तो तब से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। ठीक है, देखो विश्व मलेरिया दिवस जो है हर एक वर्ष जो है ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 25 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट डेज मैंने सारे कवर किए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और एवरी ईयर ऑन 25th of April पीपल अराउंड द ग्लोब ऑब्जर्व वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, टू रेज द अवेयरनेस एंड फंड्स फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, तो मतलब इसका अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे और इसके लिए जो प्रॉपर फंड है ताकि अगर जो इफेक्टेड एरियाज हैं उसमें इसकी अच्छी सर्विसेज जो हैं सेवाएं पहुंचाई जाएं। ओके, और इस साल की जो थीम है ये है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ठीक है, ये थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 की अगर थीम पूछी जाए तो ये है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी एंड इट इज़ बींग हॉस्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा ये हॉस्टेड है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखो एक और प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे WIPD ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। ठीक है, WIPD मैंने आपको बताया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये हर एक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, और इसकी थीम बहुत ज़्यादा जरूरी है, थीम की वजह से यहाँ पर मैंने इसको डिस्कस किया है, रीच गोल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये आप नोट यहाँ पर कर लें। ओके, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसमें पेटेंट आते हैं, ट्रेडमार्क्स आते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन हैं, कॉपीराइट है, इनकरेजिंग इन्वेंशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, जैसे मतलब कोई एक एक्स पर्सन है, इसने बहुत अच्छी क्रिएटिविटी बनाई, तो इस चीज़ को अगर ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस बंदे की, अगर इसने इसको कॉपीराइट ट्रेडमार्क कुछ करा लिया तो कोई अदर पर्सन जो है इसको यूज़ नहीं कर सकता, जो होल सोल क्रेडिट है वो इसको ही दिया जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ आप अभी ध्यान में रखें। ओके, एक छोटी सी आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर स्टोरी। अभी क्या हुआ था, आपने देखा होगा कि भारत में एक अलग तरीके का जो आलू है, ओके, जैसे आपने देखा होगा गुजरात में कुछ लोगों के ऊपर लगभग 1-1 करोड़ रुपए का जो है केस कर दिया है एक अमेरिका के कंपनी ने। ओके, ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक विशेष प्रकार का आलू उन्होंने इसको उगाया। ठीक है, तो उनका कहना है ये जो आलू है इसका पेटेंट हमारे पास में है। ओके, तो जो गुजरात के किसान हैं वो इस तरीके की फसल को नहीं उगा सकते, तो उन्होंने जो है हमारे यहाँ की कोर्ट में इसको लेकर आए हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं
ठीक है, जो कृषि विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कोई भी पर्सन जो है भारत में बीज जो होता है ठीक है, बीज का पेटेंट वगैरह नहीं करा सकता। ओके, मतलब उस कंपनी का ये कहना था हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने को तैयार हैं, केवल वो किसान क्या करें, वो बीज भी हमसे ही खरीदेंगे और जो फसल होगी वो हमें ही बेचेंगे। ठीक है, तो इस बात पर जो है कंपनी अड़ी हुई है और देखते हैं कि उसका आधार क्या है। अभी आने वाले दिनों में उसका जजमेंट आएगा तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। वैसे इस बारे में आप थोड़ी सी डिटेल जरूर पढ़ें। ठीक है, इस प्रश्न में कहा गया है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2019 ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वीक ऑफ अप्रैल मंथ। ठीक है, मतलब विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2019 जो है ये अप्रैल माह के कौन से सप्ते में ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ओके, तो ये दोस्तों जो अप्रैल का फोर्थ वीक होता है उसमें मनाया जाता है, कब से कब तक, तो 24 से 30 अप्रैल। ठीक है, 24 से 30 अप्रैल ये जो है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2019। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है प्रोटेक्टेड टुगेदर और वैक्सीन्स वर्क। ठीक है, मतलब इसकी थीम क्या है, एक साथ संरक्षित टीके काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको हिंदी में ऑप्शन लिखे होंगे और वैसे आप यहाँ पर इस फॉर्मेट में इसको देख सकते हैं। एक और प्रश्न है, इसमें कहा गया है टू न्यू बर्ड स्पीसीज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, मतलब पक्षियों की दो नई प्रजातियां जो है अभी हाल ही में पाई गई हैं, तो ये कौन से देश में है। अभी आपने न्यूज में आर्टिकल पढ़ा होगा, इंडोनेशिया में दो नई पक्षियों की प्रजातियां जो है ये पाई गई हैं। ओके, इनके नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो आप ये देख लें कि कौन से कॉलेज के जूलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये खोज की है, तो ट्रिनिटी कॉलेज। ठीक है, ये ध्यान रखना ट्रिनिटी कॉलेज। ठीक है, यहाँ के जो जूलॉजिस्ट हैं इन्होंने इंडोनेशिया के सुलावेसी के बाटाकोबी, ठीक है, यहाँ पर जो है दो नई प्रजातियाँ, ठीक है, उनके नाम अभी जो है खोजे गए हैं। नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये देखोगे बाका टोबी वाइट आई और वंगी बंगी वाइंग आई। ठीक है, मतलब यहाँ पर नोट कर लो, यह है वाका टोबी वाइट आई एंड वंगी वंगी वाइट आई। ठीक है, ये जो नई दो प्रजातियां हैं ये इंडोनेशिया में ढूंढी गई हैं, पक्षियों की नई प्रजातियां। ओके, और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और करेंसी यहां पर चलती है इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, प्रेसिडेंट है यहाँ के जोको विडोडो। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन बिकम्स फर्स्ट मेजर एयरलाइन टू फ्लाई प्लास्टिक फ्री, मतलब इसमें से कौन सी मेजर एयरलाइन है जो कि प्लास्टिक मुक्त उड़ान भरने के लिए जो है पहला एयरलाइन अब बन चुका है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, प्लास्टिक फ्री एयरलाइन का मतलब है कि एयरलाइन में, एयरप्लेन में जो है, एरोप्लेन में किसी भी तरीके का प्लास्टिक मटेरियल यूज नहीं होगा। ओके, तो ये है तिहाद एयरवेज। ठीक है, तिहाद एयरवेज ने अभी ये फैसला लिया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और एतिहाद एयरवेज, ठीक है, यूएई बेस्ड फ्लैग कैरियर हैज बिकम द फर्स्ट मेजर एयरलाइन इन गल्फ रीजन टू ऑपरेट अ फ्लाइट विदाउट एनी सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक ऑन बोर्ड। ठीक है, यूएई की कैपिटल अभी अबू धाबी। ठीक है, इसमें कहा गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, मतलब विश्व का वो पहला कौन सा देश है जिसने मलेरिया वैक्सीन जो है अभी शुरू कर दिया है। ठीक है, तो वो किस देश ने शुरू किया हुआ है, तो ये दोस्तों साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, साउथ अफ्रीका में द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन वॉज लॉन्च इन पायलट प्रोजेक्ट इन अफ्रीकाज मलावी। ठीक है, अफ्रीका के मलावी में, ठीक है, ये अभी इसको चालू किया गया है। ठीक है, इस वैक्सीन का यूज, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है अफेक्टेड केसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और WHO इसको मॉनिटर कर रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर देख लें, यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड, और WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम क्या है, टेड्रोस एडनॉन। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर देख लें। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू सेटअप बॉर्डर रिएक्शन फोर्स, मतलब पाकिस्तान और निम्न में से कौन से दो देश मिलकर जो है सीमा प्रतिक्रिया बल, ठीक है, रिएक्शन फोर्स जो है इनको जो बनाने पर सहमति हो गए हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है ईरान के साथ मिलकर एक रिएक्शन फोर्स बना रहा है, तो ये भी न्यूज में आपने पढ़ा होगा, ईरान एंड पाकिस्तान अब ये म्यूचुअली एग्री हो गए हैं। ठीक है, एक ज्वाइंट बॉर्डर रिएक्शन फोर्स टू कम्बैट द अटैक्स बाय मिलिटेंट ग्रुप ऑन बोथ साइडेड देयर फ्रंटियर, मतलब इनका कहना है कि जो मिलिटेंट ग्रुप के अटैक से बचा जा सके, तो इस वजह से दोनों एंड पर रिएक्शन फोर्स बनाई जाएगी। ठीक है, और ये इनके बीच में समझौता हुआ है। ईरान के प्रेसिडेंट की बात करें तो ये हसन रूहानी, और कैपिटल है तेहरान, और करेंसी यहाँ पर चलती है रियाल। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, इसमें कहा गया है विच कंट्री रिलीजेज स्पेशल स्टाम्प्स ऑन द थीम ऑफ रामायण, मतलब
किस देश ने अभी रामायण की थीम पर विशेष टिकट जो है जारी किए हैं? तो ये किसने किए हैं? इंडोनेशिया ने। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, अभी 70 साल पूरे हुए डिप्लोमेटिक टाई के रूप में भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, तो इसको सेलिब्रेट करते हुए तो रामायण की जो है थीम पर अभी एक विशेष तरीके का टिकट जारी किया गया है। ओके, तो आप ये देख लें, 70th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया। ठीक है, तो मतलब भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, इनके 70 साल पूरे होने पर ये किया गया, और कैपिटल है जकार्ता, मैंने भी आपको बताया। ठीक है, ये आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि इंडिया वॉज रैंक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ 28 कंट्रीज इन द इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयरनेस। ठीक है, मतलब कैंसर प्रिपेयरनेस में जो 28 देश हैं, इसमें भारत की जो रैंक है वो कितनी है। ठीक है, कैंसर तैयारियों का जो सूचकांक है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ICP, ठीक है, मतलब इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयरनेस। ठीक है, तो इसमें आपको रैंक बताना है, भारत की रैंक कितनी। तो भारत की रैंक है 19, नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा है, तो आप ये नोट कर लें कि ऑस्ट्रेलिया टॉप्स इन ICP, इसके बाद नीदरलैंड एंड जर्मनी। ठीक है, और सऊदी अरबिया, रोमानिया, इजिप्ट जो है ये बॉटम पर है इस इंडेक्स में। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको हम कहते हैं EIU। ठीक है, इसने क्रिएट किया है इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयरनेस ICP। इट ड्रॉज ऑन अ वाइड रेंज ऑफ डेटा रिलेवेंट टू द कैंसर पॉलिसी एंड कंट्रोल फ्रॉम 28 कंट्रीज। ठीक है, तो मतलब यही सारा काम करता है इस डेटा को जो है कलेक्ट करने का। और वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, विश्व कैंसर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को हर एक वर्ष। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट FNPP। मतलब किस देश ने दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको हम कहते हैं FNPP, इसकी फुल फॉर्म यही है, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, इसका सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है, तो ये दोस्तों किया है रशिया ने। ठीक है, अब थोड़ी डिटेल लेते हैं। रशिया का रोसेटम है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से देखना, एटम और रोश, ठीक है, मतलब रशिया से यहाँ पर रिलेट कर देना, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी है रशिया की, तो रशियन स्टेट रन एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन, जिसका नाम है रोसेटम, इसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, तो ये आप नोट कर लें, और इसका नाम क्या है, एकेडमिक लोमेंसोव। ठीक है, तो ये रशियन में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको भी नोट कर लें। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें कहा गया है, हु हैज बीन नेम्ड इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट बर्ड्स प्रेस फ्रीडम हीरो। मतलब आपको यह बताना है कि अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता नायक का नाम जो है ये किसको दिया गया, मतलब कहा जाए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये आपको यहां पर बताना है, और ये किसको दिया गया इस फॉर्मेट में, तो ये दोस्तों है साइरिल एलमेडिया। ठीक है, इनका नाम ये रहा, और डॉन के एडिटर कॉलमनिस्ट इन ये है, बेसिकली पाकिस्तान का एक जो है न्यूज वेबसाइट है, तो आप इसको देख लें, जैसे न्यूज पत्रकार एजेंसी जो होती है, न्यूज मीडिया एजेंसी, तो ये है डॉन, ठीक है, DAWN, ये पाकिस्तान का है, और यहाँ के जो एडिटर कॉलमनिस्ट है इनका नाम है साइरिल एलमेडिया। ठीक है, अभी इनको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो के तौर पर जो है ये इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का जो टाइटल है इनको दिया गया, तो आप ये नोट कर लें। ठीक है, और जो ये है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो ये भी आप देख लें, और पाकिस्तान के बारे में आप सभी जानते होंगे, इसकी कैपिटल जो है ये है इस्लामाबाद। ओके, और ये डॉन है, काफ़ी पुराना जो है वहाँ का न्यूज़पेपर है। ओके, इंग्लिश में आता है बेसिकली ये। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जिसमें कहा गया है विच बैंक लॉन्चेस डेबिट कार्ड बेस्ड ई मैंडेट ऑन NPCI's API प्लेटफॉर्म। ठीक है, मतलब NPCI के API प्लेटफॉर्म पर कौन सी बैंक ने डेबिट कार्ड आधारित ई मैंडेट जो है ये लॉन्च किया है, तो ये भी आर्टिकल आपने न्यूज में पढ़ा होगा, कोटेक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो कोटेक महिंद्रा बैंक ने ये जो है किया है, और आप इसके बारे में थोड़ा देख लें, इसके MD और CEO कौन है, उदय कोटेक। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, तो ये डिटेल साइड में थोड़ी नोट कर लें। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ IOB's न्यू MD एंड CEO। ठीक है, मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक,
ओके तो इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति अभी हुई है, तो ये करनाम शेखर, ठीक है, ये डायरेक्टली आप यहाँ पर नोट कर लें। फॉर्मर देना बैंक्स एमडी एंड सीईओ जिनका नाम है करनाम शेखर, अब ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बन गए किसके, इंडियन ओवरसीज बैंक, 1 जुलाई 2019 से ये अपना कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। और ये किसको टेक ओवर करने वाले हैं, इनका नाम है आर सुब्रमण्य कुमार, ठीक है, इनको ये टेक ओवर करेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें कहा गया है कि विच बैंक लॉन्चेस साइबर डिफेंस इंश्योरेंस फॉर बिजनेस, ठीक है, मतलब किस बैंक ने कारोबारियों के लिए साइबर सुरक्षा बीमा जो है इसकी शुरुआत की गई है, तो इसकी शुरुआत दोस्तों की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, SBI ने इसकी शुरुआत की है। ये बेसिकली क्या करेगा, देखो ऐसा होता है कि जो बिजनेस बड़े बिजनेसमैन है तो इनकी फाइनेंशियल और इनकी जो रेपुटेशनल लॉसेस होंगे, ठीक है, ये इस साइबर अटैक्स के द्वारा कवर किए जाएंगे, ओके, तो इसी वजह से साइबर डिफेंस इंश्योरेंस जो है इसको जारी कर दिया गया है, ओके, और ये SBI के द्वारा हुआ है, तो आप इसको भी नोट कर लें। और SBI के जो चेयरमैन है इनका नाम है रजनीश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, इसमें कहा गया है विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक बिकम्स द फर्स्ट एपेक सेंट्रल बैंक टू बिगन इंटरेस्ट रेट ईजिंग साइकिल, ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि वो कौन सा देश है जिसका केंद्रीय बैंक जो है ब्याज दर को आसान करने के लिए पहला एपेक जो है केंद्रीय बैंक बन गया है, ओके, तो ये भारत का ही, ओके, और यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो RBI हैज बिकम द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन एशिया पैसिफिक रीजन, मतलब APEC, APAC इसकी फुल फॉर्म है, तो अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक रीजन में तो यहां पर RBI जो है ये पहला सेंट्रल बैंक बन गया है, ठीक है, वाई टू बिगन एन एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट रेट जो है ईजिंग साइकिल, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC हेडेड बाय RBI गवर्नर शक्तिकांता दास कट्स रेट्स इन जो है फरवरी एंड अप्रैल, तो ये आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, ओके, लेकिन आपको जानना जरूरी ये है कि वो कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, किस देश का है, तो ये भारत का है और RBI, ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लें। और RBI के जो गवर्नर हैं ये अभी मैंने यहां पर बता दिया आपको, शक्तिकांता दास, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो आपसे कहा गया है कि RBI सेल्स इंटायर स्टेक इन NHB एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक गवर्नमेंट फॉर INR 1470 करोड़, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने NHB, ठीक है, ये नेशनल हाउसिंग बैंक NHB और निम्नलिखित में से किस बैंक में अपनी पूरे हिस्सेदारी जो है सरकार को 1450 करोड़ रुपए में बेच दी, तो अभी आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा RBI ने NHB और NABARD, ठीक है, इन दोनों में जो हिस्सेदारी है वो सरकार को कंप्लीटली बेच दी है 1450 करोड़ रुपए में, ठीक है, तो NABARD हमारा राइट आंसर होगा। दोनों की फुल फॉर्म आप नोट कर लें, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, NHB आपका हो गया नेशनल हाउसिंग बैंक और NABARD क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, NABARD टू सेट टू द गवर्नमेंट विच नाउ होल्ड्स 100% इन दीज एंटिटीज, ठीक है। और अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की तो ये मुंबई में है। चेयरमैन आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर मुझे बताओ कि NABARD के जो चेयरमैन है वो कौन है, बहुत बार मैंने भी पीछे डिस्कस भी किया था इस क्वेश्चन को, ओके। और NHB का जो हेडक्वार्टर ये न्यू दिल्ली में और इसके MD है श्री राम कल्याण राम, ठीक है, तो ये आप नोट यहाँ पर कर लें। इस प्रश्न में आपसे देखो क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रीन कार लोन, मतलब वो कौन सा भारत का पहला बैंक है जिसने ग्रीन कार ऋण जो है इसको लॉन्च किया है। देखो ग्रीन कार लोन से लेना क्या है, देखो ग्रीन कार लोन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इनको बढ़ावा देना, ठीक है, तो इनके लिए अभी कौन सी बैंक ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के द्वारा एक इनिशिएटिव है, ओके। और आप यहां पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो जरूर नोट करें, SBI हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रीन कार लोन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, अब इसके थ्रू ये इंकरेज करेगा कस्टमर्स को ताकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लें। और इस जो स्कीम में क्या करने वाला है, ये लोन में क्या होगा, विल ऑफर द लोन एट 20 बेसिस पॉइंट्स लोअर देन द इंटरेस्ट रेट ऑन द एग्जिस्टिंग कार लोन, जो अभी इनकी कार लोन की स्कीम चल रही है उससे 20 बेसिस पॉइंट, ठीक है, 20 बेसिस पॉइंट कम करके अब ये जो है ग्रीन कार ऋण, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनके लिए ये लोन देंगे, ठीक है। अब आपको ये समझना चाहिए कि अगर 20 बेसिस पॉइंट कम कर दिया तो लोन कितना हो गया, मैं आपको बता दूं कि एक बेसिस पॉइंट है इसका परसेंटेज होता है 0.01। आप ये देखें कि जो 100 है अगर 100 बेसिस पॉइंट कम करो
तो होता है 1%। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 20 बेसिस पॉइंट, तो ये होगा 0.2%। इतना जो है ब्याज दर कम करके बेसिकली होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, गवर्नमेंट ट्रेजरीज ऑथराइज कैपिटल ऑफ इलाहाबाद बैंक टू हाउ मच करोड़। ठीक है, मतलब सरकार ने इलाहाबाद बैंक की जो प्राधिकृत पूंजी है वो बढ़ा दी है। ठीक है, तो अब कितने रुपए कर दिए और पहले कितने रुपए दिए, तो पहले थी 5,000 करोड़ और अब बढ़ाकर कर दिए 8,000 करोड़। ठीक है, जो ऑथराइज कैपिटल है इलाहाबाद बैंक की। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट ऑन इलाहाबाद बैंक जिसकी अभी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज कर दी गई है 5,000 से 8,000 करोड़। ठीक है, इलाहाबाद बैंक के MD CEO ये कौन है, SS मल्लिकार्जुन राव, और हेड क्वार्टर यहाँ पर क्या है, कोलकाता। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च टोटल हेल्थ सिक्योर गोल प्लान। ठीक है, मतलब कौन सी जो बीमा कंपनी है इसने स्वास्थ्य सुरक्षित लक्ष्य योजना जो है टोटल हेल्थ केयर सिक्योर गोल प्लान इसकी शुरुआत अभी की है, तो ये क्या है, बजाज अलियांज ने। ठीक है, बजाज आया है और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, इनका कोलेब्रेशन है और इन्होंने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है रखा है, टोटल हेल्थ सिक्योर गोल। ठीक है, MD CEO अगर बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो है तपन सिंगल, और MD CEO बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस ये हैं तरुण चोक। ठीक है, ये नाम नोट कर लें। इस क्वेश्चन में कहा गया है हु विंस द गोल्ड इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। ओके, मतलब एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जो है ये किसने जीता, तो बजरंग पुनिया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ, चाइना में, जियान में। ठीक है, जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है इसमें बजरंग पुनिया ने जो है गोल्ड जीता। इन्होंने किसको हराया, कजाकिस्तान के, इनका नाम है सयात्वेक ओकोशोव। ठीक है, इनको हराकर 65 किलोग्राम वर्ग के मेंस फ्री स्टाइल फाइनल में जो है गोल्ड जीता है बजरंग पुनिया ने। ठीक है, किसको हराया, कजाकिस्तान के जो है स्पोर्ट्स पर्सन को। इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया फिनिशेस एट विच पोजिशन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 एट दोहा इन कतर। मतलब भारत जो है वो दोहा के कतर में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2019 में कौन से स्थान पर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत की पोजीशन क्या रही, तो भारत की पोजीशन रही है 4th पोजीशन, चौथे नंबर पर। तो क्या मेडल मिले हैं मैं आपको बता दूँ, देखो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 ये दोहा कतर में हुआ। ठीक है, और इट वॉज द 23rd एडिशन ऑफ चैंपियनशिप, ये जो है इस पूरे संस्करण का 23वां जो है एडिशन था, और इंडिया की जो पोजीशन है, भारत की पोजीशन ये चौथे पोजीशन पर रही, और मेडल टैली में 3 जो है भारत को गोल्ड मिले हैं और 7 जो है सिल्वर मिले हैं और 7 जो है ये ब्रॉन्ज मिले हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लें। ठीक है, और ये है बहरीन ने टॉप किया है इस टेबल में 11 गोल्ड के साथ, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ। तो आपसे पूछा जाए कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में टॉप किसने किया, बहरीन ने किया, भारत की चौथी पोजीशन रही, चाइना वाज सेकंड व्हाइल जापान वाज थर्ड। ठीक है, चाइना जो है सेकंड पर रहा और भारत जो है ये जापान जो है 3rd पोजीशन पर रहा। ठीक है, देखो इस प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि हु बिकम्स द फर्स्ट इटालियन टू क्लेम ATP मास्टर्स 100 मास्टर्स 1000 टाइटल। ठीक है, अब देखो ATP मास्टर्स 1000 खिताब पर कौन सा खिलाड़ी है जिसने, इटालियन खिलाड़ी है जिसने अभी इसको कब्जा किया है। ठीक है, तो उस खिलाड़ी का नाम है फेबियो फोगिनी। ठीक है, ये नाम नोट कर लो और इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जानते हैं। देखो ATP मास्टर्स का मतलब है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है और फेबियो फोगिनी ये फर्स्ट इटालियन है जिन्होंने ATP मास्टर्स 1000 टाइटल जो है अपने नाम पर किया। और इटली की अगर हम बात करें तो यह कैपिटल यहाँ की रोम, और करेंसी यूरो जोन में आता है तो यूरो करेंसी है यहाँ पर, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम क्या है, जी कॉन्टे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बाकी के अदर पार्ट हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और हमारी वेबसाइट जो है currentaffairsfunder.com इसको रेगुलर विजिट करते रहें, यहाँ पर भी हम लोग अपडेट जो है सारी वीडियोज़ के देते हैं, और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।